हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करूंगा अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश के चैनल पे। बच्चों, ये जो महाधमाका होने जा रहा है, शायद इससे आपका जो भी ड्रीम है ड्रीम तक पहुंचने का मौका मिलेगा। हाँ जी बच्चों, आपको बता दूं, फिजिक्स में कभी कभी 2023 के अगर आपने पेपर सॉल्व किया हो 2022-21 के, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको एमसीक्यूज आ चुके हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले पे एमसीक्यूज, या फॉर्मूले में छोटी सी नन्नी सी मुन्नी से ऐसे एक वैल्यू पुट अप करके सिंपल कैलकुलेशन मेसेज पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो हो चलने वाला महामैराथन फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर वाइज फॉर्मूला रिवीजन, 24 के 24 चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो बच्चों, इसमें ईमानदारी से जो बच्चे करेंगे ना, शायद उनको फॉर्मूले में ट्रिक्स बताऊंगा। आपको लगेगा सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रखे, क्या हर फॉर्मूला याद रखना जरूरी है? नहीं। तो जवाब है ना बच्चों, आपको कोई भी फॉर्मूला ज्यादा लर्न करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए इस सेशंस को अरेंज किया जा रहा है। नंबर एक, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद होने से 4-5 फॉर्मूले हम लोग कैसे बना सकते हैं, यह भी ट्रिक्स इसके अंदर बनने वाली है आपकी। तो इसीलिए इस वीडियो को बच्चों महाराष्ट्र के हर बच्चे तक अगर पहुंचोगे, तो और बहुत सारे कुछ हम लोग आपके एग्जाम तक कुछ ना कुछ देते रहेंगे। मतलब हम लोग आपके लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे, हर चैप्टर के लिए कुछ ना कुछ महामैराथन हो या और भी सारे सेशंस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को महाराष्ट्र के हर गांव तक, हर शहर तक, बच्चों हर घर घर तक पहुंचने का काम आप लोग करोगे। और इस चैनल को लाइक, जितने लाइक आएंगे, जितने कमेंट आएंगे बच्चों, उस कमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। आप खाली लिखो कि हाँ सर ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए, सर SI यूनिट नहीं आते, डायमेंशन नहीं आते, अमका नहीं आता, हर हर चीज पर वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले। इसलिए आपका कॉमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट, लाइक, और चैनल पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही मुझे एनर्जी मिलेगी और बहुत धमाके साथ एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज महामैराथन में फिजिक्स में आप लोगों को चैप्टर वाइज सब कुछ फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगा। पहले हमने 11 के लिए थे, लेकिन 12 के इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसको मध्य रखते हुए हम लोग आप लोगों को क्लास कहां से 12 से पढ़ेंगे, क्योंकि 12 के मैक्सिमम बच्चों ने करते हैं, इसलिए पता होता है थोड़ा फार तो कुछ ना कुछ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चों को अगर 12 के रोटेशनल डायनेमिक्स से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से, बस यकीन मानिएगा एंड तक बनी रहेगा। बच्चे हारते, हारना नहीं बच्चों, हम लोगों को मौका मिला पढ़ने का लास्ट तक, है ना, पढ़ने की कोशिश करो। 100% में तुम्हारा संगत भाव तुमसे स्कोर वाड़ेल। चलिए, तो सिंपल सिंपल चीजें है, पता नहीं होते बच्चों को, थीटा का फार्मूला होता बेटा, है ना, यहां पे ओमेगा का फार्मूला है थीटा अपॉन टी, लेकिन थीटा चाहिए तो ओमेगा टी बनेगा, राइट, समझ में आ रहा है बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी का यही फार्मूला था, इसी को मैंने ऐसा लिखा और इससे थीटा बना दिया। ये सिंपल, ये क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं आते, लेकिन आपको याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। अल्फा क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या इसी को बाद में ऐसे लिखने वाले हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी, राइट बेटा, या इसी फॉर्मूले को और लिखा जा सकता है अल्फा। बेटा देखो, ओमेगा होता है 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशंस, तो 2 पाई कॉमन, एन 2 माइनस एन 1 अपॉन टी, राइट है बच्चों। या अल्फा को और ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई 1 by T2, 1 by T1, right बेटा, small t, small t टाइम होता है, capital T period एक complete oscillation या revolution बोल सकते हैं इस पे। Linear displacement, V is equal to rate of change of displacement बेटा, right, ये linear है, ये angular है, जानबूझकर अलग अलग formula दिए हैं, okay, angular velocity, जैसे angular velocity, जैसे ही angular, sorry, linear acceleration होता है, वेलोसिटी चेंज करना बेटा, वेलोसिटी चेंज करना, है ना, जैसे फैन की स्पीड धीमे धीमे बढ़ती है, स्पीड चेंज हो गई, या गाड़ी को ब्रेक मारो तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं रोकते भैया, पलटी हो सकती है, एक्सेलरेशन समझ लो, ठीक है। यहां पे अभी रिलेशन में बना दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, फिर ये सब कुछ चीजें पता लगेंगे। देखो यहां लीनियर लिखेंगे, चलिए, और यहां पर एंगुलर लिखेंगे, एंगुलर वाले टर्म, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट का लीनियर, यस,
एंगुलर के लिए थीटा, कौन है डिस्प्लेसमेंट लिखने का। वेलोसिटी कैसे लिखते बेटा, वी, एंगुलर का सिंबल ओमेगा। एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, ए, और यहां अल्फा, समझे बच्चों। कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, रिलेशन बिटवीन तैयार हो गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, हो गया खत्म, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ओमेगा, अब ये एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे आया तो मैं बता देता हूं बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बोलने तो सर आप स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाओ, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है 2πr, क्योंकि मेरी जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, डिवाइडेड बाय टी, मुझे टी निकालना है सर, तो 2πr, ये v इधर जाएगा, v का रिलेशन अभी अभी मैंने बताया आपको, 2πr, v होता है r ओमेगा, तो r r कैंसिल, तो 2πr ओमेगा, समझे बेटा कैसे फार्मूला आ गया, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है, सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो सेंटर के तरफ एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला बेटा r, देखो v स्क्वायर बाय r, या r ओमेगा स्क्वायर, या v ओमेगा। इसी से अगर मैं सेंट्रिपिटल फोर्स बनाऊ तो फोर्स का फार्मूला होता बेटा एम ए, तो f इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या डालोगे, v स्क्वायर बाय r, या यम है ना, दूसरी वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर मिल गया, तो यम वी ओमेगा। क्या आप समझ पा रहे बच्चों, क्या समझ पा रहे सेंट्रिपिटल फोर्स फार्मूला। सेंट्रीफ्यूगल का वही होगा इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बस डायरेक्शन में पता लगना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। चलिए ये ऑलरेडी मैंने फार्मूला बताया था। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास यहां पे, जब भी कर रोड हो, कौन सा रोड हो बच्चों, कर रोड हो, और वहां पे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है ये, लेकिन हॉरिजेंटल कर रोड, मतलब एक ऊपर नीचे नहीं, एकदम दोनों सरफेस सेम लेवल पे हो, तब यहां पे अगर मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो रोड के नीचे गाड़ी जा सकती है, तो उसके लिए फार्मूला बच्चों म्यू आर एस है ना, म्यू आर जी, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, और आर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते बच्चों, ठीक है। अगला, अभी मौत का कुआ है, मौत का कुआ बच्चों, इस मौत के कुएं में आपको बता दूं मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, उससे कम स्पीड रहा तो आदमी गिर सकता है, तो वो स्पीड होती है बेटा रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्स, जैसे कि एक गाड़ी है रोड पे खड़ी बच्चों, और इस पे मुझे निकालना है नॉर्मल फोर्स, यस, तो वो वेट को बैलेंस करता है ये, तो वैसे बेटा सेंट्रिपिटल, यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देखो सेंटर के तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स, तो इसीलिए ये नॉर्मल सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए ये फार्मूला लिखा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम ई स्क्वायर बाहर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स टू प्रोवाइड द सेंटर के तरफ फोर्स है, और सेंटर के तरफ जब फोर्स हो तब सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाते हैं। बच्चों अगर हमारा बैंक रोड हो, एक इंच ऊपर एक नीचे, ऐसे रोड पे मोस्ट सेफ स्पीड निकालना चाहते हो तो फार्मूला रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, मैं इसका एक ही फार्मूला बताऊंगा, इससे ये सब फार्मूले याद होंगे, ध्यान रखना, देखो आगे जानने वाला हूं मैं, ये सब फार्मूले मिलेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि अच्छा पढ़ना चाहते हो ये फार्मूला याद करो बच्चों, जब कर रोड हो, ठीक है, कर रोड हो ऐसी है ना, एंगुलर बैंकिंग वाला ये, यहां पे है ना मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, तो रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस मी यू एस डिवाइड बाई वन माइनस मी एस टैन थीटा, ऊपर प्लस है बच्चों नीचे माइनस है, मतलब न्यूमोनेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, माइनस मतलब कम तो वैल्यू ज्यादा, इसी को मिनिमम चाहते हो, देखो यहां पे मिनिमम स्पीड है बच्चों, ये मिनिमम स्पीड है, ये स्पीड मिनिमम है, देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस साइन का खेल है बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क है, ओके बच्चों मुझे आप इसके कुछ और फार्मूले निकाल के देने वाला, मोस्ट सेफ स्पीड, ओके कुछ नहीं करना बच्चों, आपको पता होगा फ्रिक्शन एक धोखेबाज फोर्स है, कभी भी धोखा दे सकता है, तो मैंने बोला क्या करें, कुछ नहीं सर मी यू एस को जीरो रखो, चलिए जीरो रखा मैंने मी यू एस को, तो इसमें ये जीरो, ये पूरा जीरो होगा, वन से डिवाइड कोई फायदा नहीं है, मतलब सर ये ओनली आर जी टैन थीटा बाकी है, मोस्ट सेफ स्पीड का मैंने वही फार्मूला बताया था रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, मिल गया बेटा। अगर स्क्वेयरिंग बहुत सेट करूं तो ये ऐसा भी होगा,
अगर मुझे tan थीटा ही चाहिए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वी स्क्वायर बाय आर चाहिए, राइट है बच्चों, मिला कि नहीं? या थीटा का ये एक फार्मूला चाहिए तो ये फार्मूला यहीं से मिला है, मतलब एक, ये दो, ये तीन, ये चार फार्मूले है ना, थीटा इधर गया तो tan इधर गया तो इनवर्स बनेगा, यही फार्मूला बन रहा है, खत्म। इसके अलावा कोई मिल सकता है, tan थीटा को जीरो करो तो आपको v max भी फार्मूला मिलेगा, देखो ये मिलता है μs rg करोड़ पे, है ना, हॉरिजॉन्टल करोड़ पे मिला, मतलब दो फार्मूले, ये तीन चार पांच फार्मूले मिले बच्चों एक ही फार्मूले पे, तो दिमाग की बत्ती चलानी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले ये ध्यान रखना, ओके। इसकी पीपीटी भी आपको मिलेगी, इन तक बने रहे, मैं बना दूंगा, आपको बता दूंगा ये कहां मिलेंगे फार्मूले, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम में अगर आपको पीरियड निकालना है, कोनिकल पेंडुलम ऐसी डायग्राम देखी होगी बच्चों आपने, और इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव किया हो तो याद होगा ये वेट था एम जी, ये टेंशन के कंपोनेंट है, यहाँ एंगल, यहाँ एंगल, याद आ रहा है कुछ बच्चों, ये टी कॉस थीटा था, ये टी साइन थीटा, तो इसका पीरियड है टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, एल इज द लेंथ है बच्चों जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इसी से फ्रिक्वेंसी बना सकते हो, फ्रिक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, मतलब इसको उल्टा करो, तो इसको यन लिखो, हमारे यहाँ पे यन लिखा जाता है वन बाय टू पाई, देखो उल्टा लिखो जी एल कॉस थीटा, राइट, ये फ्रिक्वेंसी मिली है बच्चों मुझे। बढ़ते आगे, इसके बाद में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ये जो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो उसका एक जनरल फार्मूला बता दूंगा, एनी पोजिशन का रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में थ्री प्लस टू कॉस थीटा, अगर आपको अच्छा मैथ आता है तो मैं फार्मूले बना के देता हूँ। देखो सबसे पहले हाईएस्ट पोजीशन, ये वर्टिकल मोशन है बच्चों, इसको वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पोजीशन, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन है, ठीक है। हाईएस्ट पोजीशन 180 होगा, नीचे से ऊपर गया आधा सर्कल, कॉस 180 माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू, थ्री में से टू गए, थ्री में से टू वन, तो रूट ऑफ आर जी बचा है, देखो समझे, अगर मैथ अच्छा हो तो समझ में आता होगा कि सर ये टू में से थ्री कैसे जाते हैं, थ्री में से टू कैसे जाते हैं, पता होगा। लोएस्ट पोजीशन मतलब यहाँ थीटा जीरो और कॉस जीरो बेटा वन होता है, तो वन मल्टीप्लाई टू टू, टू प्लस थ्री फाइव आर जी, फाइव देखो मिला थ्री आर जी, देखो यहाँ से यहाँ जाना 90 होता बेटा, थीटा 90, कॉस 90 क्या होता बेटा जीरो, तो ये जीरो होगा पूरा, तो 3RG बचेगा, मिला एक जनरल फार्मूला लिख के दिया। मैंने पहले बोला कि हम लोग ट्रिक्स बताएंगे, ओनली रट्टा नहीं मारना है, ओके। टेंशन ऑफ एनी पोजीशन के लिए मैंने फार्मूला लिख के दिया mu स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना, mu स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस mg cos थीटा। जैसे यहाँ पे किसी ने बताया सर लोएस्ट पोजीशन जीरो, cos जीरो वन होता है, तो टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन देखो mu स्क्वायर बाय r प्लस एम जी मिल रहा है बेटा, यल लिखो टेंशन लोएस्ट पोजीशन मिला। सर टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन देखते हैं, हाईएस्ट पोजीशन मैंने अभी बोला 180, कॉस 180 देखो थीटा 180 और कॉस 180 हमारे पास होता है माइनस वन, राइट, माइनस वन डालो बोले यहाँ पे माइनस एम जी हो जाएगा, तो टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन एम वी स्क्वेयर एच अपॉन आर माइनस एम जी, और टेंशन ऑफ मिड पोजीशन 90 कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो, तो ओनली एम वी स्क्वायर एम अपॉन आर, राइट है बच्चों। टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन 6 एम जी मिलेगा, मिड पोजीशन पे 3 एम जी और हाईएस्ट पोजीशन पे जीरो, प्रूफ करना है सर मुझे, देख सकते देखो टेंशन ऑफ यहां पे मैं लिख रहा हूं, टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन 6 एम जी कैसे मिलता है, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन जीरो मिलेगा और टेंशन ऑफ मिड पोजीशन 3 mg, प्रूफ करके देखना है तो देख सकते हैं यहां पे लोएस्ट पोजीशन पे जीरो, कॉस जीरो वन, वन प्लस वन टू, टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन बेटा, ये देखो ये प्लस यहां पे इसके जगह पे वन था, वन प्लस वन टू, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स mg मिला। हाईएस्ट पोजीशन 180, कॉस 180 माइनस वन मिलेगा, अभी क्या मिलेगा बेटा माइनस वन, वन में से वन गया जीरो, जीरो मल्टीप्लाई थ्री एम जी जीरो, मिड पोजिशन 90 कॉस 90 जीरो,
तो ये 0-1 से कोई फायदा नहीं, 3mg, ठीक है, दिमाग चलाना पड़ेगा। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई, देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया सब कुछ चीज़ें बताई है, ओके। वी मैक्स अपर लिमिट होती है स्पीड की, रूट ऑफ आरजी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता बेटा, आई इज इक्वल टू, सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, ऐसे करते करते डैश एम एन आर एन स्क्वायर, मतलब सम बाद में प्रोडक्ट, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कोई एक बॉडी है, ये यहाँ पे है और वो ऐसे रोटेट होती है, और दूसरी एक बॉडी है एक यहाँ पे बच्चों, ये ऐसे रोटेट हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, जिसका अंतर ज़्यादा आर का स्क्वायर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, या सिंपल भाषा में मैं एम आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। चलिए एक इसमें मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो भी लिख के देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन, बस यहाँ पे ये के इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है, जैसे ये फार्मूला है वैसे एम के स्क्वायर होता है बस, और के इज इक्वल टू आई अपॉन एम होगा, समझ में आ रहा है, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एक एनालॉगी होती है, मैं एनालॉगी से कुछ फार्मूलेज यहाँ पे लिख के देना चाहता हूँ, जैसे कि बेटा यस के जगह पे थीटा लिखते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मास के जगह पे आई इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स के जगह पे टॉर्क किया जाता है, ओके ठीक है, एफ के जगह पे टॉर्क, ओके। उसके बाद में लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, तो इसी के एनालॉगी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने लिखा है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया ट्रांसलेशन, लेकिन रोटेट कर रहा है तो ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हो तो 1/2 एम के जगह पे होता है बेटा आई, और वी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, मिल गया, देखो फार्मूला तैयार करते आना चाहिए, राइट है बेटा, सेम लिखा मैंने। नेक्स्ट आगे, जैसे कि हमारे पास लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो एंगुलर यल एम के जगह पे आई और वी के जगह पे ओमेगा, क्या आप समझ पा रहे बेटा, समझ पा रहे हो, यल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, समझ पा रहे हो ना, ये पी के जगह पे यल, एम के जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा, चलेगा, आगे बढ़ना है। और जैसे कि फोर्स का फार्मूला एम इंटू ए है, तो फोर्स के जगह पे टॉर्क इस्तेमाल करो सर, यम के जगह पे आई और ए के जगह पे अल्फा, हो गया कि नहीं बेटा, ये फार्मूले हैं हम लोगों को पढ़ना है, इसीलिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बेटा, लेकिन ये सेंटर से एक्सिस पास होता है तब, ठीक है ना, और डायमीटर रहे तो, डायमीटर मतलब ऐसा देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड, जेड सेंटर से एक्सिस पास होना, एक्स वाई जेड, तब बच्चों इसका ऑन डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू, ये रिंग है लेकिन, ठीक है, टेंजेंट टू इट्स प्लेन हो तो ऐसा हो, तो बच्चों ये आई सी अब आई डी बन गया है, समझे ना, आई सी आई डी बन गया, तो यहाँ पे आई ओ इज इक्वल टू एक आई सी आई डी बन गया, एम एच स्क्वायर, और एच मतलब दो का एक्सिस के बीच का, पैरेलल एक्सिस के बीच का अंतर है वो, तो आई ओ ये हो गया बेटा एम आर स्क्वायर बाय टू, ये एम, एच की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर, ये समझ में आना चाहिए, क्या ये आप लोग कर पाओगे ऐसे, ध्यान देना। इसके बाद में अगर ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है परपेंडिकुलर, रिंग का ही क्वेश्चन से, तो बेटा यहाँ पे आई ओ इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अब आई सी आई सी ही है, और आई सी इसका एम आर स्क्वायर है, और एम एस स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर होगा, तो ये पता होना चाहिए कैसे कर रहा हूँ। ये सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया फार्मूला है बच्चों, तो डिस्क के लिए निकालते हैं इसलिए दिया था, डिस्क का सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है तब ये फार्मूला इस्तेमाल करें, जैसे कि इसका डायमीटर का, लेकिन इसमें से सेंटर से ज्योमेट्रिकल एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है तब, ऑन डायमीटर रहा, डायमीटर रहा तो बच्चों
इसका ये आपको करने हैं यक्स वाई और ये छेड़े, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आई ओ इज इक्वल टू, ये बना है मेरे पास डायमीटर है तो यम आर स्क्वेयर बाय टू ए बेटा, और नहीं यहाँ पे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है ना। तो थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, यस ये गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों आई जेड मतलब यहाँ पे आई सी होगा और ये टू आई डी होगा, तो यस आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा, समझे आप। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला के इज इक्वल टू आई बाई एम होता है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द बॉडी होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई ओ इज इक्वल टू आई सी मतलब सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, यम यच स्क्वायर, यच मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का अंतर है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये दोनों एक प्लेन में होना चाहिए, मतलब अगर एक बोर्ड है ये तो इसमें देखो अगर आपका ये यक्स है ये वाई है तो जेड ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर इसको जो इधर लिख रहे हो, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इसका एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क का फार्मूला इनटू अल्फा ऑलरेडी मैंने आपको एनालॉजी के हिसाब से बताया थे, याद होगा। टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी, अगर एल ये एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं बनता है, इसलिए डीएल बाई डीटी जीरो की मिल रहा है क्योंकि एल कांस्टेंट है, टॉर्क भी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग करना मतलब दो चीजें होती है, जैसे कि एक मेरे पास चक्का है एक है ना गोल टायर, वो गोल घूम रहा बेटा ए से बी, तो बी ऊपर आ रहा है ए, लेकिन इसका जो एक्सिस है ये रॉड होता है ना वो लीनियर चल रहा है और इसके जो पहिए है वो आगे चल रहे बच्चों, तो दो चीजें हो रही है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फार्मूला लिखा है बेटा हाफ एम स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई बॉडी रोल हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे है ना, तब वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू द रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके बच्चों, सिंपल फार्मूले से पहले चैप्टर के उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आए होंगे। चलिए अभी ये छोटे नन्हे मुन्ने से भी फार्मूले ये आपको याद हो गए उम्मीद कर रहा हूँ, जो नए फार्मूले इसके ऊपर फोकस करना, जो नहीं आता उसके ऊपर लिख के देखो दो बार तीन बार। प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ये बताने की जरूरत नहीं है, 1 bar 10^5 होता है पता होना चाहिए बस है ना, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। चलिए प्रेशर लिक्विड कॉलम है तो एच रो जी, एच हाइट, रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे ये एच रो जी ये फार्मूला याद होना चाहिए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, h इज द हाइट है, रो इज द डेंसिटी है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। जैसे कि प्रेशर डिफरेंट लिक्विड कॉलम में p2 - p1 h रो g, आपको वो आ गया फार्मूला खत्म किस्सा, कौन सा प्रेशर गेज p - p0 / h रो g, इसी से ये फार्मूले बनाए, बस कभी इनसाइड है कभी लिक्विड के ऊपर है बस, बाकी कुछ नहीं बच्चों है ना। अगर सेम प्रेशर रहा तो क्या होता है बताने की कोशिश की है, इसको प्रेशर इसका टेंशन मत लेना। हाँ दोनों प्रेशर सेम रहे तो प्रेशर और डेंसिटी का एक फार्मूला दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो h1 h2, तो डेंसिटी इनवर्स होती है इसलिए √2/√1। वैसे रेडियस के साथ भी हाइट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ आते हैं मैं बताऊँगा आपको। यह हाइड्रोलिक लिफ्ट छोटा फोर्स लगाने से भी आप बड़े बड़े गड्डी को उठा सकते हैं, देखा होगा आपने है ना, तो f2 = f1 a2/a1। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सर ऐसा फील होता होगा f2/f1 = area है ना, इक्वल टू दिख रहा है जैसे, लग रहा है ना आपको है ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में होता है टेंशन का फार्मूला एक्चुअली है ना टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, तो वो इसको ऐसा लिखा है, ये फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है, T इज द सरफेस टेंशन, L इज द लेंथ है बेटा, और वर्क एनर्जी जो दे वाला है हम लोगों को है ना, रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का फार्मूला इसी से मिलता है, वर्क डन इज इक्वल टू T इनटू dA वर्क डन, या ऐसे भी लिखते हैं सरफेस एनर्जी
पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू टी, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये जो एरिया है ना बच्चों, वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल रहा तो 2πr, एरिया सर्कल का रहा तो πr स्क्वायर, है ना। वेट mg, f डिपेंड करता है हमारा, है ना, क्या दिया है। यहाँ पे बहुत सिंपल फार्मूले है, यहाँ पे बच्चों एक सिंगल ड्रॉप है, समझो आपके पास छोटे, है ना, ये ड्रॉप है, ड्रॉप बड़ा है पानी का, उसको तोड़ के मैंने बहुत सारे छोटे 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 पानी के बूंद तैयार किए, ऐसे छोटे 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 छोटे, मतलब पानी का एक बड़ा सा ड्रॉप था, उसको एक वाल पे जाके मैंने टकरा दिया और छोटे छोटे पानी के बूंद तैयार होगी, छोटे छोटे। तो आपके मालूमात के लिए पहले जितना वॉल्यूम था बाद में भी वॉल्यूम उतना ही रहता, वॉल्यूम चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी होने के कारण उसका फार्मूला 4/3 पायर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर माना और इसका छोटा एन नंबर ऑफ ड्रॉप होंगे और रेडियस उसका छोटा आर होगा, तो इसलिए एन लिखा है 4/3 पायर क्यूब, समझे। जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा, वो चेंज नहीं होता है। रेडियस के साथ रिलेशन याद रखो, डायरेक्टली कभी कभी यूज करने में काम आता है। अगर मुझे वर्डन निकालने के लिए बोला है एन ड्रॉपलेट्स, है ना, तो 4πr² t इज द टेंशन है बच्चों, एन क्यूब रूट बोलो या पावर 1/3 -1, या वर्डन ब्रेकिंग द ड्रॉप, ड्रॉप को ब्रेक किया छोटे इसमें, तो ये फार्मूला लिख सकते हो। चलिए बढ़ते आगे। अगर बच्चों आपके पास एक बड़ा सा ड्रॉप हो और इसका एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है, तो वो प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है तो 2t bar, t इज द टेंशन, r इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप है, समझ में आ रहा है बच्चों। लेकिन यही ड्रॉप, ये पानी के ड्रॉप में अंदर क्या होता है पता आपको, अंदर पानी की बूंद होती है, पानी है ना अंदर और बाहर एयर है, मतलब अंदर लिक्विड बाहर एयर है, तब ये फार्मूला। लेकिन बबल, बबल के अंदर भी एयर होती है, छोटे बच्चे नहीं क्या हवा में उड़ाते, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो डबल हो जाता है टेंशन, बबल बबल हो जाता है डबल। देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2t bar था, अभी 4t bar हो गया, समझ में आ रहा है। ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हो। हाइट का फार्मूला है कि बच्चों एक कोई तो कैपिलरी है और वो आपने फ्लूइड में डाल दी, तो एक तो पानी ऊपर आता या फॉल भी हो सकता, मर्क्यूरी में डालोगे तो फॉल होगा नीचे और पानी में डाले तो वो ऊपर पानी आता है। तो बच्चों हाइट कितने कितने हाइट तक जाएगा, तो वो हाइट का फार्मूला इससे भी ज़्यादा फेमस है, 2t cos θ डिवाइडेड बाय आर रो जी। ध्यान रखना हाइट का फार्मूला, इसके ऊपर सवाल आता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन इसमें कैसे आता है सर, h r के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा आता बेटा, होता ना जैसे हाइट h 2 निकालो, h 1 दिया है तो ये इन्वर्स है, तो r1/r2 ऐसे लिखोगे, समझे ना। इसके ऊपर मैक्स टू मैक्स सवाल आने के चांसेस है, कोई ना कोई सेट में 100% इसके ऊपर सवाल आने वाला है, ध्यान रखना। बस इसी को t से फार्मूला मतलब रख सकते, ये और ये की फार्मूला बस बना दिया मैंने ऐसे, है ना, रो इज द डेंसिटी, r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते, वही फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया, देखो h का रिलेशन बताया था मैंने, ये भी। अब रेनॉल्ड्स नंबर, ये रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है मेरा फ्लूइड एक तो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट फ्लो है या स्टेडी फ्लो कर रहा है। ये रेनॉल्ड्स नंबर एक प्योर नंबर है बच्चों, इसके लिए कोई यूनिट नहीं है, एक नंबर है। 1000 के नीचे रहा तो पता होगा स्ट्रीमलाइन, 1000-2000 बीच का स्टेडी रहता, 2000 के ऊपर नंबर हो कोई तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट मतलब बाढ़ आना, रिवर में बाढ़ आना, है ना। तो वही रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला होगा VC, क्रिटिकल स्पीड कहते हैं उसको, रो डेंसिटी होती है, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप होता है, और ईटा कोएफिशिएंट्स होगा, या मुझे क्रिटिकल वेलोसिटी, कौन सी सी है बेटा ये, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के लिए बोलते हैं, तो आर ईटा रो अपॉन डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब होता है। आगे बढ़ते बच्चों, कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आया है। एक्चुअली ये जो विस्कस फोर्स है एरिया पे डिपेंड करता है नंबर एक, और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, मतलब ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर जाओगे देखो नीचे की लेयर थोड़ी सी स्लो होती है, थोड़ी ऊपर ज़्यादा फास्ट होती जाती है ऐसे, तो जिसको dx बोला बेटा, ये dx है, समझे ना, dx मतलब अंतर, ये अक्ष से अक्ष बढ़ते जाता है, और इक्वल टू लिखना इसलिए ईटा लिखा था,
इसी ईटा से ये फार्मूला बनाया है विस्कोसिटी। देखो ईटा तो ये एफ डिवाइडेड आएगा बेटा ए डी वी बाई डी एक्स, क्या अलग लर्न करने की जरूरत नहीं, ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्टॉक्स लॉ है बच्चों यहाँ पे 6 पाई ईटा आर वी, ये कैसे याद रखने का सर, जैसे कोई फ्लूइड है बच्चों, इस फ्लूइड में एक बॉल डाल दिया आपने, तो पहले सबसे देखेगा कि फ्लूइड की विस्कोसिटी कितना, कितना चिपकता है। जैसे कि पानी में एक स्पीयर डालो और उसी समय पे हनी मद होता है ना, खाते होंगे ना आप, हनी भी बनाती है, तो उस पर डालो तो एक बहुत धीमे धीमे आएगा, क्योंकि विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है उसका रेडियस कितना है और इसकी स्पीड। 6 पाई ये तो कांस्टेंट बेटा, 6 पाई एक कांस्टेंट है। एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है बेटा, कोई भी समझो फ्लूइड में एक बूंद आ रही है तो इसका वेट होता है, वेट के कारण नीचे आता है बेटा। एक होता है फोर्स ऑफ थ्रस्ट और एक फोर्स होता है इसका विस्कस फोर्स, और ये जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता है, ये तो कांस्टेंट होता है, बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसकी वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, जैसे पानी की बूंद की भी होती है बच्चों, जो बारिश आती है ना उसकी भी, तो इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बेटा 2/9 v² आर ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय यहाँ पे ईटा, ये आर स्क्वेयर, ये रेडियस है बच्चों स्पीयर का, रो कौन है बच्चों डेंसिटी ऑफ द स्पीयर मतलब सॉलिड की देखो, और सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की डेंसिटी है ना फ्लूइड की। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, फ्लक्स या एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी जितना एक पाइप होता है जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, यस बच्चों, इसीलिए a1 vn = a2 v2, जितना मास अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, मास के रिलेशन से बनाया गया इक्वेशन से बच्चों। ये वर्क डन या बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है बच्चों ये क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्जन करता है, ये जो फ्लक्स एंड कंटिन्यूटी मास का इक्वेशन से बच्चों, ये मास के कारण आ गया a1 v1 a2 v2, जितना मास अंदर आया था उतना मास बाहर गया, मतलब मास को कन्वर्जन कर रहा है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये किसको कर रहा है बच्चों, एनर्जी को, क्यों, एक प्रेशर एनर्जी है, डेंसिटी की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, इसको कांस्टेंट कर दो तो ये इक्वेशंस मिल जाता है। P1 ऐसे भी लिख सकते हैं अगर किसी को लिखना है तो, देखते P1 1/2 ρ1 v1² है ना प्लस ρ1 g h1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते थे P2 1/2 ρ2 v2² यहाँ पे ρ2 g h2 इज इक्वल टू होगा बेटा कांस्टेंट, क्या समझ पा रहे हो बेटा, ओके ऑल इज वेल, समझ पा रहे हो ना। बस ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये तो इफ्लक्स का फार्मूला है √2 g h, ठीक है। अभी KTG देखते हैं, KTG में बच्चों सबसे पहले लॉ आनी चाहिए आपको, बॉयस लॉ, चार्ज लॉ, प्रेशर लॉ, तो मैं लॉ बता देता हूँ, इन लॉ से ही आइडियल गैस इक्वेशन बनाया है, PV = nRT, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर्स ऑफ मोल, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर है। चलिए बॉयस लॉ कैसे याद रखें, घर में सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर पे याद रखें, देखा होगा आपने कितने प्रेशर से वैल्यूम कम किया जाता है, इनवर्सली देखो, प्रेशर बढ़ाया वैल्यूम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा के वैल्यूम कर, इनवर्स बोलते इसको इनवर्स, और टेम्परेचर कांस्टेंट, उस समय टेम्परेचर बदला क्या, नहीं तो भैया ब्लास्ट होता था वो तो। चार्ज लॉ क्या है, दूध का एग्जाम्पल, टेम्परेचर बढ़ाओ तो देखो दूध उबालता है, ऊपर आता है ना, वैल्यूम बढ़ता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, यस इसको नीचे लाया तो ये कांस्टेंट है, एट प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन इसी से मिलने वाला है, वैल्यू याद रखनी है, और गेल इसका प्रेशर लॉ है, प्रेशर कुकर देखा है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, देखा होगा आपने टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, राइट है बच्चों। तो इसी को कांस्टेंट क्या, इसी आइडियल गैस इक्वेशन मिला, फिर PV = nRT, राइट है बच्चों। नंबर्स ऑफ मोल मतलब क्या, मास ऑफ द गैस और मोलार मास कितना है, या एन बाई एन ए करो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर बाई एन ए, ये है बेटा एवोगाड्रो नंबर होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आना चाहिए, केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाला चैप्टर है ना। हम लोगों को मीन फ्री पाथ का एक फार्मूला है 1/√2 πD² n/V, डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल से बच्चों, दूसरा फार्मूला KBT / √2 πD² ρ है,
इसके बाद में मीन फ्री पाथ निकालना, मीन निकालना है। तो कैसे निकाले सर? तो ऐसे निकालो, देखो एक गैस मॉलिक्यूल आके टक्कर मार रहा है इसको, बाद में यहाँ पे आकर मार रहा है, बाद में यहाँ पे आकर मार रहा है, बाद में यहाँ पे आकर मार रहा है, बाद में यहाँ। तो इसको बोल सकते ए बी है ना, बी सी सी डी ऐसे, तो एन नंबर सब कोलिजन्स हो जाएंगे उसके, डिवाइड बाई एन लिखा है। नेक्स्ट बच्चों मीन पाथ, मीन वेलोसिटी निकालनी है, तो मीन कैसे निकालते हैं? जैसे आपके छः सब्जेक्ट है, छः सब्जेक्ट का मीन कैसे निकालते हैं आप लोग पता है ना, फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना, डिवाइड बाई सिक्स किया होगा आपने, वैसे सी वन सी टू सी थ्री प्लस प्लस एन, एन तो है इसलिए एन। मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, बस यही मीन है, बस स्क्वेयर करो, एन तो एज इट इज सी वन स्क्वेयर से। अब आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर करना है, रूट करना है बच्चों, देखो सी वन स्क्वेयर प्लस सी टू सी थ्री, देखो पहले क्या किया मीन, बाद में स्क्वेयर, बाद में इसी का रूट लिया है, बस बाकी कुछ नहीं। आप लोगों को प्रेशर का फार्मूला जो बच्चों मेरे हिसाब से सबसे इजी यही इस्तेमाल करें, वन बाय टू है ना, वन बाय थ्री रो सी स्क्वायर, सॉरी, या इसी को लिख सकते हैं ऐसा, ये कोई गलत नहीं है, एन बाय वी सी स्क्वायर। यस बेटा, ओके ओके, मुझे लगता है कि यम बाकी है, यहाँ पे यम यम बाकी था, यस। या ऐसे भी लिख सकते वन बाय थ्री, रो कौन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम सी स्क्वायर, वही फार्मूले से सेम है, बस लिखा है इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। आरएमएस स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो होती है रूट ऑफ थ्री आर टी बाई एम नॉट, टी इज द एब्सोल्यूट प्रेशर है, ध्यान रखना मोलार मास है बेटा एम नॉट, या वेलोसिटी के साथ रूट ऑफ थ्री पी बाय रो भी फार्मूला लिख जा सकते हैं। जैसे कि साउंड की स्पीड होती है, ये गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है, गैस मॉलिक्यूल, लेकिन साउंड की स्पीड निकालना है तो गामा आर टी बाई एम नॉट, साउंड नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ये गामा होता बेटा सी पी बाई सी पी सी वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वैल्यूम, ठीक है, इसको एडियाबेटिक रेशियो भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई स्क्वायर फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम है तो थ्री बाई टू आर टी होगा, काइनेटिक एनर्जी वन मोल के लिए या वन किलो मोल के लिए बेटा थ्री बाई टू आर टी होगा, पर मॉलिक्यूल्स रहा तो थ्री बाई टू के टी होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास थ्री आर टी बाई टू एम होगा, ठीक है। चलिए लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन है बेटा, अलग द एक्स एक्सिस मॉलिक्यूल गया, वाई गया, झेड गया, तो इसीलिए लिखा है सबको ऐड करके, लेकिन रोटेशन हो तो फार्मूला रोटेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फार्मूला, लेकिन अलग द एक्स वाई झेड बस ऐड करो, ठीक है बेटा। वाइब्रेशन के लिए मेयर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसी से बच्चों हम लोग मोनो एटॉमिक डायटॉमिक में सी पी सी वी की वैल्यूज निकालने वाले हैं। सी पी कौन है, स्पेसिफिक हिट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर बेटा सी पी, और सी वी कौन है, स्पेसिफिक हिट कॉन्स्टेंट वैल्यूम के लिए फार्मूला है ना, इसी को बेटा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हिट के फॉर्म में लिखना है, वही फार्मूला है, बट देखो सेम फार्मूला खाली एम नॉट डिवाइड लेना है। चलिए अब मोनो एटॉमिक हो तो उसमें तीन एक्सिस से मेरा मॉलिक्यूल जा सकता है, अलोंग द एक्स वाई झेड, मोनो एटॉमिक सिंगल मॉलिक्यूल है, तीनों एक्सिस से जा सकता है, इसलिए 3 बाई टू आर टी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन सीपी में क्या करना है, 3 के सामने वाला ऑड नंबर कौन सा है बेटा, देखो जैसे 3 आ गया तो 3 के सामने 5 होगा, देखो 5 दोनों का डिवीजन किया तो 5 बाई थ्री, देखो सीपी बाई सीबी 5 बाई थ्री। अभी डायटोमिक में रिजिड केस में वाइब्रेशन वाला भी केस होता है, सॉरी यहां पर रोटेटिंग बॉडी भी आता, रोटेटिंग देखो अभी 5 के सामने वाला कौन है भैया, 7 ऑड नंबर है तो अभी 7/5, समझे ना, है ना, तीन ट्रांसलेशन दो रोटेशनल, इसलिए 5 आया था बेटा, ठीक है, समझ में तो आना चाहिए। ट्रांसलेशन देखो ये डायटॉमिक डंबेल्स है, डंबेल्स का एग्जांपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जा सकता, लेकिन रोटेट होते समय दो ही एक्सिस पे होगा, इसलिए 3+2 5 होता है, समझाइए, बस इसके सामने वाला 5 के सामने वाला ऑड नंबर 7 है तो 7/5। चलिए ये नॉन रिजिड हो, देखो 7 या 9 ऑड नंबर है ना, 9/7, बस पॉलीएटॉमिक में 4+F 3+F होगा, ठीक है। अभी ये तो बहुत इजी है, बस हम लोग बिजी होते हैं, ध्यान रखना बच्चों, मैंने समझो ग्लास का स्लैब ले लिया, हीट आ गई, ओके सर, ये हीट क्या करेगी, एक तो सर रिफ्लेक्ट हो सकती है, एक तो ऑब्जर्व हो सकती है सर, या ट्रांसमिट हो सकती है, राइट बेटा, मतलब मैंने क्यों हीट दी थी,
वो क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी में कन्वर्ट हो जाएगी टोटल हीट, जैसे कि कुछ 40 रिफ्लेक्ट हो रही है, 30 यहाँ है, 30 इधर जा रही है, ऐसे बोल सकते हैं। तो डिवाइड बाई क्यू करो, डिवाइड बाई क्यू बच्चे, इसके फार्मूलेज होंगे, तो इसको 1 बोलेंगे, इसको R, इसको A, इसको T, बस। R किसके जगह पे लिखा है आपने, R किसके जगह पे लिखा है सर, वो लिखा था मैंने क्यू आर बाई क्यू। इसका मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब टोटल हीट जितनी इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझे ना। फिजिक्स में 100 मार्क में से 70 आपने टीचर ने लिखा होगा, फिजिक्स कितने मार्क आ गए सर मुझे 92 आ गए सर, कितने में से 100 में से, देखो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुई थी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट का पेपर दिया गया था, टोटल पेपर, इसमें से आपने 92 मार्क मिले हैं, ऐसे ही लिखा ना यहाँ पे। ऑब्जर्व का सर एक कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यू ए, क्यू क्यू में टोटल हीट इंसिडेंट कितनी हो रही है उसमें से कितनी ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ ट्रांसमिटेड के लिए क्यू टी बाई क्यू, समझा होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है वही लिखा था मैंने। आप देखते हैं इमिसिव पावर, इमिसिव पावर किसके ऊपर डिपेंड है सर, आपकी हीट ए अपॉन टी के ऊपर डिपेंड है, इसी को ई भी लिखते कभी कभी कुछ लोग, तो टेंशन मत लेना। कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन आर अपॉन आर पी, आर कौन है बेटा रेडिएंट, ये ब्लैक बॉडी की है, बस सेम ही कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिसिविटी, ऐसे भी बोलते इसको इमिसिविटी भी बोल सकते हैं। ओके क्रिचॉफ लॉ, जितनी हीट लेगा उतनी तो बाहर डालेगा, जितना लेगा उतना। और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में बच्चों वो ग्राफ के ऊपर से आया है, लैम्ब्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बेटा, तो लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी, ऐसे भी लिखते हैं। और यहाँ पे बी जो है कॉन्स्टेंट बेटा 2.897 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ये फार्मूला है। ओके आगे बढ़ते बच्चों, इसके बाद में स्टीफन्स लॉ है, वो है ना स्टीफन बोल्ट्ज़मैन, तो रेडिएंट पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सिग्मा लिखते हैं बस कॉन्स्टेंट ये। ओके इसकी वैल्यू भी दी वाली 5.67 × 10⁻¹⁸ है बेटा। ओके ऑर्डरली बोल रहे आप तो कैसे फार्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन का एक फार्मूला दी वाला है, डी क्यू बाई डी टी ई ए टी सिग्मा ब्रैकेट में टी रेस टू फोर और टी नॉट रेस टू फोर, एक फार्मूला याद रखना है आपको। इसके बाद वाले चैप्टर हम लोग ने क्या थोड़े से बांट के ले रहे हैं, तो टेंशन मत लो ना, बहुत हल्के तरीके से मेरे 7 फार्मूले के 2 बार 3 बार बोलेंगे तो होने वाले हैं, ठीक है ना, तो कंटिन्यू बना के रखो, खुद लिख के भी देखना है हम लोगों को। ओके तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की ओर, इस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी फार्मूलाज होते हैं इसमें। सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है, सिंपल याद रखो आप जितना भी हीट दोगे ना गैस को, जो भी हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन करने में ही खर्च हो जाएगा, ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। देन क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, डेल्टा यू मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू मतलब होता है वर्क डन। चलो देन आता है आपके पास वर्क डन, वर्क डन मतलब होता है सिंपली पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी मतलब क्या चेंज इन वॉल्यूम, तो देख लो पी इंटू डीवी, डीवी मतलब क्या फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर आपको ग्राफ वगैरह दिया है तो उसका इंटीग्रेशन करके या एरिया निकाल के आप लोग वर्क डन निकाल सकते हो, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ पी डीवी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। देन अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद प्रोसेसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुछ नहीं होता है प्रोसेसेस में भी, हम लोग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ही निकालते हैं, जिसमें हम लोग डेल्टा यू निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं और फिर दोनों को ऐड करके डेल्टा क्यू ले लेते हैं। याद रखो सबसे पहला लॉ प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, अच्छा ये फॉर्मूलाज भी वही है, बस यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके अलग बनाया गया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है, इस वजह से डेल्टा यू भी जीरो आता है, तो पूरा का पूरा डेल्टा क्यू जो होता है वो वर्क डन में ही कन्वर्ट हो जाता है और वर्क डन आता है एन आर टी एल एन ऑफ वी एफ डिवाइडेड बाई वी आई। देन इसी को आप लोग कन्वर्ट करके वी एफ बाई वी आई को पी आई बाई पी एफ लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। देन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, उसमें आपको क्यू इज इक्वल टू मिल जाता है एन सी पी टी एफ माइनस टी आई, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है एन सी पी डेल्टा टी। देन आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आए हम लोग, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो जाता है,
क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो सिर्फ जो हीट देते हो वो चेंज करने में चला जाता है पूरा इंटरनल एनर्जी को, जो होता है एनसीवी डेल्टा टी, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं एनसीवी टीएफ माइनस टीआई। ये हो गए आपके डेल्टा क्यू के इक्वेशंस तीनों प्रोसेसेस के। देन बचता है एक एडियाबेटिक प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें होता है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर गामा मतलब होता है हीट कैपेसिटी रेशियो, और इस एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। इस एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हीट एक्सचेंज जीरो होता है। देन इसके वर्क डन का फॉर्मूला होता है एनआर टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, या आप लिख सकते हो पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूलाज याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। देन प्रोसेसेस के बाद इस क्वेश्चन इस चैप्टर में आता है हीट इंजिन वाला पार्ट। हीट इंजिन वाला पार्ट मतलब क्या, हीट इंजिन करता क्या है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो देखो हम लोग जो भी हीट लेते हैं वो हॉट रिजर्वायर से ले लेते हैं, उसका हम लोग वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, और बची हुई हीट हम लोग कोल्ड रिजर्वायर को दे देते हैं। ये याद कीजिए, इसमें हम लोग हीट इंजन का इफिशियंसी निकाल देते हैं। इफिशियंसी मतलब होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इफिशियंसी मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो इफिशियंसी हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट तो वर्क डन है, और इनपुट हम लोग हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहे हैं क्यूएच। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हीट इंजन में होता है क्यूएच माइनस क्यूसी। ये अगर इधर पुट कर दो तो आपको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला मिलेगा इफिशियंसी का। लेकिन कार्नोट इंजन एक ऐसा चीज होता है जो कि आइडियल हीट इंजन के जैसा वर्क करता है, जिसका इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है। हम लोग याद रखना वर्क डन को टीएच माइनस टीसी भी लिख सकते हैं, और जो ईटा हो जाएगा तो वो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यूएच के जगह टीएच आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आगे आते तो रेफ्रिजरेटर आता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उल्टा काम करता है हीट इंजन से, ये हीट को एक्सट्रैक्ट करता है कोल्ड रीजन से और डिलीवर करता है हॉट रीजन में। एयर कंडीशनर भी इसी के जैसा वर्क करता है। इसमें हम लोग इफिशियंसी नहीं लिखते, इसमें हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के, इसमें हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका फॉर्मूला होता है क्यूसी डिवाइडेड बाय क्यूएच माइनस क्यूसी, या इसे आप लोग टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हो टीसी डिवाइडेड बाय टीएच माइनस टीसी। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देन आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोसेसेस के। पीवी डायग्राम में अगर प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक में, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो होता है, वर्क डन जीरो नहीं होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें कि डेल्टा यू जीरो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। डेल्टा यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। देन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो तो पूरा हीट डेल्टा यू में चला जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस का पीवी, आइसोकोरिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो एक वैल्यू पर, वर्टिकल ग्राफ आएगा। देन आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी डायग्राम जो होता है वैसे कर्व आता है, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इसीलिए इसमें डेल्टा टी जीरो होता है, इसलिए डेल्टा यू भी जीरो होता है। तो जो भी हीट देते हो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा। चलो यहां पर लिखा भी है वो। देन फॉर एडियाबेटिक क्यू जीरो होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ऑफ वर्क डन। देन आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि मैं बोल रहा था आपको QC डिवाइडेड बाय W लिख सकते हो आप लोग इसे, K इक्वल्स टू QC बाय W लिख सकते हो, W मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है। देन ये फॉर्मूला भी आ सकता है उसका। देन आगे बढ़ते हैं, एयर कंडीशनर के लिए भी सेम होता है K कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें कि H बाय P, H मतलब रेट ऑफ हीट कितना रिमूव हुआ और कितना पावर लगा उसे रिमूव करने के लिए। देन कार्नोट रेफ्रिजरेटर में भी सेम फॉर्मूले होते हैं। कार्नोट रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, आइडियल रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो आप लोग। देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की ये फॉर्मूलाज याद रखिए। देन इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। हम लोगों को ऑक्सीलेशन में मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत याद रखना पड़ेगा। अब बोलेंगे क्यों, मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत हल्का और हल्का सा सवाल आता है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पहले इसके पहले रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी बात की जाए। तो यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, यहाँ पे यफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का एग्जाम्पल याद होगा आपको शायद, अगर आपने स्प्रिंग इधर खींचोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में आता है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव साइंस और इक्वल टू लिखा था के लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक्सेलरेशन इसी का एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला पता है, तो एक्सेलरेशन होगा बेटा एफ अपॉन एम।
लेकिन यहां पे ध्यान रखना एफ इज इक्वल टू के एक्स है माइनस, तो इसीलिए ए माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स करते, तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्टेड। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 100% आपको इसके ऊपर सवाल कोई ना कोई तो सीख में आएगा। ऐसे क्यों सर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान रखना कि यहां पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा के जगह पे देते हैं ऐसे कभी कभी, है ना, देते यहां पे कि 16 है, तो बस पीरियड निकालने के लिए बोलते हैं टी पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई, ये 16 तो पाई बाय 8, ऐसा आंसर आता है बेटा। तो ये सबसे सिंपल और इजी सवाल आते हैं इसके ऊपर, इसलिए याद रखना। अब इसी को बेटा एक्सेलरेशन कहते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इधर गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसी से वेलोसिटी बनाई जाती है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड और x मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है ये मीन पोजिशन से। हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन चालू बच्चों, ये लीनियर एसेचम, मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन है। ठीक है बच्चों, बढ़ते आगे। इसी से डिस्प्लेसमेंट मिलता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। लेकिन बच्चों अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से कर रहा है, मीन पोजीशन, तो ध्यान रखना यहां पे हमारे पास जो इनिशियल फेस है जीरो है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, अल्फा के जगह पे जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिखना ए साइन ओमेगा टी स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से पार्टिकल कर रहे तो ये इक्वेशन। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा हो तब क्या करे सर, देखते हैं। देखो अब यहां से यहां जाना 90 कैसे लिखते बेटा, फाइव की वैल्यू पाई बाय 2 चलेगा, तो इक्वेशन है देखो ये जनरल इक्वेशन, इसमें पुटअप कर रहा हूं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या होता है बेटा, साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा होता, ध्यान रखना ए कॉस ओमेगा टी। ये कब बेटा, एक्सट्रीम पोजिशन पे हो तो। सिंपल सिंपल चीज है, पता होनी चाहिए, जो यहां लिखा है वही मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे तरह से। आगे बढ़ते बेटा, कभी कभी हम लोगों को टाइम के फंक्शन में चाहिए कौन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी है, क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। अब वेलोसिटी क्या होते बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। चलिए देखते d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दो, अभी मुझे बताओ v इज इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन का डेरिवेटिव, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ कौन है, ओमेगा, इसलिए ओमेगा पहले लिखना। देखो टाइम आ गया बेटा, ये टाइम के फंक्शन में, वैसे ही एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी। अब d by dt, v का फार्मूला मेरे पास है ऑलरेडी, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस phi, क्या समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन में a आएगा, ओमेगा आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस, माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, साइन ओमेगा t प्लस phi, समझे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ओमेगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के टाइम के फंक्शन में फार्मूले बताया मैंने। आगे बढ़ते बच्चों, हम लोगों को इसी को, अब ये आपके पास दिमाग होना चाहिए थोड़ा सा, सर है ना ऐसे क्यों बता रहे, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जीरो रखा तो ये देखो बाहर आएगा, तो वी मैक्स मिलता है बच्चों ए ओमेगा, राइट है, समझ में आ रहा है आपको। मिनिमम एक्स की वैल्यू ए रखो, देखो वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए में से ए गया जीरो, तो वी मिनिमम नहीं मिलेगा आपको जीरो, समझे आप, मैक्सिमम और मिनिमम क्या मिल रहा है, ये मीन पोजीशन पे बच्चों, ये है ना, ये यहां मीन पोजीशन पे मैक्स, और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम जीरो होती है, पता होना चाहिए। यस बेटा, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स को जीरो रखो, एक्सेलरेशन मिनिमम मिल रहा है बेटा मीन पोजीशन पे जीरो, लेकिन एक्स इज इक्वल टू ए रखो तो ए मैक्स मिलता है बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, बस एक्स की जगह पे रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है,
ओके स्प्रिंग रहा तो स्प्रिंग रहती है, इसका रेस्टोरिंग कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म है बेटा के है, तो एक्चुअल में टी पाई अपॉन ओमेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम देखा होगा आपने, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम होता है बेटा, अगर फार्मूले में रखते हैं टू पाई रूट ऑफ के बाई एम तो पीरियड का फार्मूला टू पाई काय खाली मुड़कर वरी पाए, समझे ना, तो ये दिमाग की बत्ती जलानी है, लर्न नहीं करने फार्मूले, लर्न नहीं करने बनाने हैं, जो बच्चा बनाएगा ना वही बच्चा सक्सेस होता है। चलिए फ्रीक्वेंसी बस इसको उल्टा करो सर, यन इज इक्वल टू वन बाय टू पाए, देखो उल्टा कर रहा हूं के बाई एम, बस इस फार्मूले को उल्टा मतलब फ्रीक्वेंसी। चलिए बच्चों प्रोजेक्शन पे आर साइन ओमेगा टी, ये तो ऑलरेडी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऑलरेडी हमने देखे ये फार्मूले, एक्सेलरेशन माइनस एक्स के जगह पे आर आ रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्शन डायमीटर पे देखे वाले फार्मूले। बस अब यहां पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ये जो ग्राफ के लिए है एक्स मीन पोजीशन पे एक्स ए साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये ऑलरेडी मैंने अभी अभी टाइम के फंक्शन में दिखाए थे, फाई की वैल्यू खाली जीरो लिखी, देखो वही फार्मूले लगेंगे ठीक है। ये ग्राफ अगर आपको देखना है तो देख सकते हो थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे ओमेगा टी जीरो रखो तो साइन जीरो, देखो पहले जीरो मिल रहा है, यस ये जीरो है, ये पाई बाय टू 90 कॉस 91 होता है तो वो ए मिल रहा है क्योंकि ये वन वैल्यू तो ए ही बचेगा ठीक है बच्चों, ये करना तो कर सकते हैं। सेम एक्सट्रीम पोजिशन पे एक कॉस ओमेगा टी एक्स की वैल्यू, एक कॉस ओमेगा टी करना है, एक कॉस ओमेगा टी, देखो एक कॉस ओमेगा टी, बस डेरिवेटिव बनाते जाओ, ये ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव कैसे बनाना है मैंने एक झलक दिखलाया था आपको, वैसे बस साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का कॉस होता है, बस ये याद रखना है और स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, एक मेरे पास पार्टिकल है, एक वेव्स आ रही है ऑक्सीलेशन करते करते यहाँ पर टक्कर मार रही है, तो ये कहाँ जाएगा मतलब कितना एम्पलीट्यूड होगा, नीचे आएगा तो कितने से आएगा, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2 है ना a1 a2 cos दोनों का फेस डिफरेंस phi 2 राइट है बच्चों, इसके ऊपर है, और साथ में बच्चों डेल मतलब कितना फेस चेंज करेगा, फेस मतलब क्या इस साइड जाएगा, डायरेक्शन बता डायरेक्शन, फेस मतलब डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन से जाएगा, तो इसके लिए भी फार्मूला बेटा टैन इनवर्स है ना, यहाँ पे ए वन साइन फाई वन ए टू साइन फाई टू डिवाइडेड बाय ए वन कॉस फाई वन ए टू कॉस फाई टू, समझिए। अब इसकी कंडीशन रख सकते हो, मतलब फाइव जीरो रहा तो क्या इक्वेशंस मिलेगा, तो वो ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर रहता है, पता होगा ना ये बाहर आता है, ए वन प्लस ए टू अगर सेम रहा तो टू ए एम्पलीट्यूड बनता है, दोनों भी ए वन इज इक्वल टू ए टू रखा तो ये केसेस जो है ये यहाँ पे आपको दिखेगी, लेकिन ये आपको सॉल्व करनी है, देख सकते ये केसेस है आपके लिए, आप कोई पार्टिकल एस एच एम कर रहा है ओके सर, मतलब ये मीन पोजिशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से है ना ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये कर रहे, तब काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है, सीधी भाषा में मैं लिख के देता हूं शॉर्टकट में, वन बाय टू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये के क्या है, अभी जैसे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे रखी बच्चों के बाई एम, तो के क्या होगा बेटा यम ओमेगा स्क्वायर, तो ये नल्ले जैसे सवाल मत करो, बस आप लोग करते रहो समझे क्या है ना, ये याद करने की चीज नहीं बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी होगी, अब इसके फॉर्म में लिखा है, किसके फॉर्म में लिखा बेटा ये टाइम के फंक्शन में, अब देखो फार्मूला आपके पास, ये आपको समझ में आना था, वी वी का फार्मूला क्या था बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, सर बना दो बोला इसको वन बाय टू यम, वी का ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये सिंपल सिंपल चीजें होती है, फार्मूला पता है ना वी का, ये फार्मूला पुटअप करो ना फिर ठीक है ना। अभी उसके बाद में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, के एक्स स्क्वायर, आप के की वैल्यू यम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हो, एक्स की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, वन बाय है ना ए साइन यस बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव, डालो ये वैल्यू डालो बोला यही मिलेगा इक्वेशन, समझे ना, ये देखो वन बाय टू के एक्स स्क्वायर है बच्चा, यस ओके ए स्क्वायर रखा है क्या,
यस ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम एनर्जी। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो उसका फार्मूला 1/2 के ए स्क्वायर मिलेगा बेटा, के ए स्क्वायर। के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के जगह पे यम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं। अब उसके अलग अलग फॉर्म दिए वाले, स्पेशल केसेस दिए वाले, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजिशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल जी जीरो, दोनों की एड करो तो टोटल एनर्जी मिल रहा है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है आपको। मतलब इन दोनों को ऐड करो तो आप लोगों को टोटल एनर्जी का फार्मूला जो है मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर, के मतलब यम ओमेगा स्क्वायर। यहां पे भी ऐड करो मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व हो रही है, कभी काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये समझ में आता है यहां पे, चलेगा बच्चों। वही कब दोनों एनर्जी सेम हो सकती है ना, आपको अगर ग्राफ याद आ रहा है कुछ ऐसे, तो ये ग्राफ से आप लोग समझ सकते हो मेरे बच्चे, ये ग्राफ कब मीट होंगे। तो बच्चों ये होते हैं ए रूट ऑफ टू पे है, ये यक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू से, समझे क्या मतलब। इन दोनों को अगर मैं इसको ग्राफ को हटा रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है, बताने की कोशिश कर रहा था, काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, के, मैं के फॉर्म में लिखना मुझे अच्छा लगता है, शॉर्टकट है ना। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के, 1/2 के कैंसिल बेटा, मुझे ए स्क्वायर है, ये इधर गया तो प्लस होता है, सबको पता होगा ए स्क्वायर, तो ये 2 एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर गया, ये रूट 2 मिलेगा एक्स, मुझे एक्स निकालना है तो एम्पलीट्यूड का ए बाय रूट 2। कुछ बच्चों को अगर अच्छा कैलकुलेशन तो 0.07 ए बी लिख सकते हो, यहाँ एम्पलीट्यूड के आपको काइनेटिक और पोटेंशियल जी सेम मिलती है। और एग्जांपल दिया कि यक्स की वैल्यू अगर हाफ रखे तो क्या रिलेशन मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के, है ना, ई बाय फोर मिलता है। यस बेटा करके देख सकते हो, जैसे मैंने वैल्यू पुट अप की, पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का सेम होता है कोनिकल पेंडुलम, बस ये कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा नहीं आता है। आई विल रिपीट, कोनिकल पेंडुलम पहला चैप्टर और अभी ऑक्सीलेशन पांचवा चैप्टर में पीरियड का फार्मूला सेम है, टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी, कॉस थीटा आता था या कॉस नहीं है, बाकी सेम है। बस इसी का सेकंड पेंडुलम का वही फार्मूला है, बस सेकंड पेंडुलम में पीरियड का फार्मूले में टी के जगह पे 2 लिखा जाता है, 2। यस, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछ सकते हैं, सेकंड पेंडुलम सॉरी 1 मीटर होती है, ध्यान रखना इसके ऊपर एमसीक्यू जाता है बच्चों सीटी में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उल्टा करो सर इसी फार्मूले को, फ्रीक्वेंसी मतलब उल्टा मतलब 1/2 पर जी ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा। यस, सेकंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये लेंथ दी वाली है, अगर हाँ टॉर्क का एक फार्मूला याद होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा भी एक होता है, लेकिन ये जो है ये इसके लिए एंगुलर रोटेट घूमता है, तो ये फार्मूला सी थीटा, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, लेकिन वो एंगुलर है, पहला कौन सा था लीनियर, लीनियर में कैसे फार्मूला लिखा था देखो, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेम एज इट इज है फार्मूला बेटा, या इधर आता है तो ठीक है ना, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू जीरो, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं म्यू बी थीटा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू होती है, ये हम लोग अगले चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में भी देखेंगे, ये साइन थीटा, ये भी, या कैपिटल एम भी इस्तेमाल करते हैं इसके जगह पे, ठीक है। व्हाट इट बच्चों, चलिए इसके बाद में ये फार्मूला आपको पीरियड के फॉर्म में लिखना है, वो एंगुलर फॉर्म में, टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ आई बाय म्यू बी, ओके, जैसे के बाई एम था वैसे सेम टू सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले ये तो पता है पीरियड, अभी डिफरेंशियल डैम्प ऑक्सीलेशन के लिए, डैम्प मतलब जिसका एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम होता है, डिग्रीज होता है, इसको डैम्प ऑक्सीलेशन कहते हैं, और इसके लिए है यम है ना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एस एच एम के लिए, वो अनडैम्प ऑक्सीलेशन, ये डैम्प ऑक्सीलेशन बेटा, ठीक है, ये याद रखो, ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है बस, बाकी ये नहीं रखा तो चलेगा,
ये भी नहीं आते। हाँ, फ्री ऑक्सीलेशन के 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाई एल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑलरेडी हो चुका था। अभी सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज की बात करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ओमेगा का फार्मूले ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ओमेगा होता है सर 2π/T या 2πn होता है 1/T, मतलब पता है ना कि वेव नंबर होता है ये 1/2 लैम्बडा, ये रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये साउंड नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, v = n λ। राइट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये जनरल इक्वेशन इससे भी एक अच्छा देना चाहता हूं, y = देखो a sin 2π t/T x/λ। फेमस इक्वेशंस मुझे लगता है यही होना चाहिए था, या यदि ऐसे लिखो a sin 2π nt - x/λ, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है मुझे, है ना, 1/T मतलब n होता है। राइट है बच्चों, ये इक्वेशन बहुत फेमस होगा। ये देखो, ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं, अगर यही इक्वेशन नेगेटिव डायरेक्शन के लिए लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, a sin 2π t/T x/λ, ये नेगेटिव के लिए बेटा, भले यहां पॉजिटिव आ रहा है लेकिन नेगेटिव के लिए, भले यहां नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना। चलिए देखो, वही इक्वेशंस कितने टाइप से लिख सकता हूं, वो लिख के दिया है, a sin ωt - kx, a sin 2π t/T - x/λ, a sin 2π nt - x/λ, है ना, n बाहर निकाला, तो ये डिफरेंस फॉर्म जी इसलिए दे रहा हूं, आपको एक करने के बाद दूसरा आना चाहिए। ये नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए यहां साइन सभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन से, यहां पे बस इतना ध्यान रखना। ये पूरे याद करने हैं? नो, नेवर, ये याद करने नहीं, एक कोई भी याद करो, ये करो, ये करो, एक ही चीज है। इसी को तो ओमेगा को तो ही हम लोग 2π t कहते हैं, के को 2π λ कहते हैं, 2π को कॉमन निकाला है। यस, देखने को आपको लगेगा सर इतने फार्मूले, नहीं बेटा वो तो हम लोगों को दिए गए हैं, लेकिन इतने याद करने की जरूरत नहीं। अब ये इक्वेशन अभी अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का निकाला, वही तो फार्मूला है यार, अलग कुछ नहीं। क्या मैंने ये नहीं निकाले, मैंने ऐसे निकाला होगा, बस आर लिखा होगा, क्या फर्क हो रहा है, है ना, ऐसा लिखा a1² a2² 2a1 a2 cos(φ1 - φ2) को फाइ बोला है, बस एक ही तो इक्वेशन है, वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। दो वेव्स आने के बाद वो पार्टिकल कितना खुद का एम्पलीट्यूड बनेगा, ये इक्वेशन है। इसके अभी कंडीशन रख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मिनिमम मैक्सिमम, है ना, a1 = a2, है ना, थीटा पाई रेडियन रखा तो क्या होगा, जीरो रखा तो क्या होगा, क्या ये याद करने की जरूरत है, नहीं बिल्कुल नहीं, फाइ जीरो रहा तो। हाँ, इंटेंसिटी के साथ एक बात ध्यान रखना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड। साउंड की अगर इंटेंसिटी सुननी है तो स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड करो बच्चों, मिल जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल बच्चों। और मिनिमम के लिए a1 - a2 का स्क्वेयर होगा, ठीक है, ओके। अभी ये इक्वेशंस मत करो, क्या करेंगे सर भे? बस ये याद रखो, y = a sin ωt, ओमेगा टी मतलब 2π nt, या इतने ये क्यों दिए हमने भाई, किसको नहीं आता है तो करो, ये बिल्कुल मत करो, कोई टेंशन मत लेना। इसमें एम्पलीट्यूड का इक्वेशंस याद रखो, लेकिन मैं जितना बता रहा हूं यहां पे 2a cos 2πx/λ बेटा, बस ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बाकी नोड एंटी नोड की कंडीशन है, नोड मतलब क्या होता है बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा अगर मैं दो रिजिड सपोर्ट ले ली और किसी स्ट्रिंग को मैंने पल कर दिया तो बेटा यहाँ पे ऐसा लूप दिखता है, जहाँ एम्पलीट्यूड जीरो होता है इसको नोड कहते बेटा, देखो ये एम्पलीट्यूड जीरो तो इसको नोड कहते हैं, जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इसको एंटी नोड कहते हैं, समझे बेटा, एंटी नोड नोड, ओके। बस ध्यान रखना है कि अगर मुझे नोड की कंडीशन चाहिए तो सीधा फार्मूला 2π1 - λ/4, ध्यान रखना, यस, ओके। दो नोड के बीच का जो अंतर होता है बेटा वो λ/2 होता है, नोड और एंटी नोड के बीच का λ/4 होता है, ध्यान रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, सेम टू सेम अगर हम लोगों को एंटी नोड का निकालना है डिस्टेंस तो ये λ p/2 होगा, ओके। चलिए
मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना बहुत जरूरी है। एंड करेक्शन क्या होता है, जैसे कोई एक पाइप है बच्चों, और इस पाइप में अगर हम लोग लिटिल जस्ट अबाउ द ओपन इट थोड़ी सी वेव जाती है, उसी को एंड करेक्शन कहते हैं। और वो होता है बेटा 0.3D, मतलब जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर जा सकता है ये, ओके, इज द एंड करेक्शन। लेकिन पाइप क्लोज एंड हो तो इसकी लेंथ पूरी गिनना पड़ेगी मुझे। देखो ये क्लोज पाइप है लेंथ, लेकिन ये लेंथ स्मॉल एल है पाइप की लेंथ बेटा, ओके, और थोड़ी सी ऊपर है ये वेव्स ऊपर जा रही, मुझे जो वेव का अंतर गिन रहा हूं मैं, तो ई होगा। सेम टू सेम अगर ओपन बोथ एंड हुआ इसे, तो ये वेव इधर भी एंड करेक्शन मिलेगा, इधर भी एंड करेक्शन मिलेगा, ओपन जाए वही एंड करेक्शन होगा ना। तो कैपिटल एल जो है ये लेंथ ऑफ द पाइप है, ये लेंथ ऑफ द पाइप, अब दो एंड करेक्शन, इसलिए 2E लिखा है मैंने। गॉट इट बच्चों, बढ़ते आगे। नेक्स्ट बेटा, पाइप क्लोज एट 1 एंड हो, फंडामेंटल मोड निकालना है, तो सीधी बात नो बकवास, ये क्लोज पाइप के लिए बेटा V/4L। अब L की जगह पे क्या लिखना है, अब ये नन्ने मुन्ने बच्चे नहीं आप लोग, L होता है सर L प्लस E, अभी अभी मैंने दिखा है आपको, तो V ये 4, ये L की जगह पे L प्लस E होगा, राइट है बेटा, समझ में आ रहा है। मैं जनरल फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ पिप्थ ओवर टोन के लिए, तो 2P+1 V/4L, वो तो फार्मूला परफेक्ट होगा V/4L, बस 2P+1 मतलब ओवरटोन, इसमें और हार्मोनिक्स मिलते हैं जैसे कि 3N, 5N, 7N, 9N, 11N, तो वो जो होते हैं जब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को छोड़ के जो नेक्स्ट आएगा, पहले वाले को फंडामेंटल ही बोलते हैं, जो नेक्स्ट आएगा उसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, सॉरी, इसके लिए फार्मूला ये। इसका एंड करेक्शन N1L1 - N2L2 / N2 - N1, ध्यान रखना इसमें, अगर आपके पास ऊपर N1 - N2 हो तो नीचे उसका उल्टा करो, देखो N2 - N1, ऐसा फार्मूला रखो, या ऐसा भी रखा तो कोई टेंशन नहीं है, N2 - L1 - N2L2 - N1L1, देखो यहाँ कौन है बेटा, N2 - N1 है, तो इसको नीचे देखो उल्टा करो, समझे ना, ये इधर तो ये इधर करो, ऐसा उल्टा करो बस, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगर वाइब्रेशन स्ट्रिंग रही, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के लिए फार्मूला होता बेटा 1/2L √T/M, इसी के ऊपर लॉ भी बनते हैं, लॉ देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, लॉ बन गया TRM कांस्टेंट, m इज द मास नहीं है, वो लीनियर कौन है बच्चों, लीनियर डेंसिटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक लॉ बन गया, चलो सर बहुत बढ़िया। b बनेगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेयर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और c जो बनेगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर डेंसिटी, इसी से डेंसिटी रो भी आ सकता है, R इज द रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ सकता है, इसी के कारण आता बेटा, ठीक है। अगर पिप्थ ओवरटोन चाहिए स्ट्रिंग के लिए तो यहाँ पे P+1 × N कर सकते हैं, ठीक है, ओके, चलिए। अब यहाँ पे अगर सेकंड हो थर्ड हो तो वो भी लिख सकते हैं आप लोग, ये जो लॉ है मैंने लॉ ऑलरेडी आपको बताया, देखो ये लॉ ऑफ डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, रेडियस के साथ मैंने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिलेगा, देखो इसको बाहर निकाल के, है ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स इतना इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो आप लोगों को एक मिनट, हाँ यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी मतलब साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, तो ये इक्वेशन याद रखना, y = a sin 2πnt, ठीक है। ये मैंने जो इक्वेशंस बताए थे बच्चों, इस इक्वेशंस को ऐड करके ये इक्वेशंस मिला है मुझे। अब क्या करेंगे, तो कंडीशन ऑफ वैक्सिंग, वैक्सिंग मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो बच्चों, और इसका बीट फ्रीक्वेंसी होती है साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देखो N1 - N2 फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट N1 - N2 कर सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। वैनिंग मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होती है, तो इसका पीरियड ये मिलेगा और फ्रीक्वेंसी सेम जैसे कि हमने पहले निकाले थे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं इसके ऊपर, ध्यान रखना ज़्यादा ज़्यादा बिट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सवाल आते हैं, बिट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस करना आप लोग।
तो चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर, जो कि है वेव ऑप्टिक्स। हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। बच्चों को बहुत हार्ड लगता है ये चैप्टर, देखो यार इसके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है याद रखने के लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्टिक्स में 11th में हम लोगों ने म्यू से डिनोट किया गया है, लेकिन यहाँ पे एन से किया है। एन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे लिख चुका हूं, ठीक है। देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट कर दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 हो जाता है। देन स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, N1 साइन ऑफ R इज इक्वल टू आता है N2 साइन ऑफ R। चलो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन फॉर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड इंसिडेंट ऑन इंटरफेस विद मीडियम 2 के लिए होता है बीम विड्थ मीडियम 1 में डिवाइडेड बाय बीम विड्थ मीडियम 2 में, देन cos I डिवाइडेड बाय cos R, वेयर I मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो देन आता है मलूज लॉ, ये पोलराइजेशन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स में यूज होता है। I2 मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I1 मतलब इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब क्या पोलराइज, मतलब आप कितने एंगल पर उस पोलराइड को टिल्ट कर रहे हो। देन आता है ब्रिविस्टर्स लॉ, ब्रिविस्टर्स लॉ आपको क्या देता है, कुछ नहीं, थीटा बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ N2 बाय N1, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तब ब्रिविस्टर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है, ये हम लोगों ने देख चुका है फॉर्मूला, ये रिपीट हो चुका है गलती से, ये फॉर्मूला हमने देखा था। देन ये होता है V1 बाय V2, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और फ्रीक्वेंसी का। देन आगे बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखो डेल्टा फाइ मतलब होता है पाथ डिफरेंस, ये होता है 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस डेल्टा एल, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस डेल्टा एल। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देन जहां पर 2π/λ होता है उसे आप लोग के भी बोल सकते हो वेव नंबर, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले केस में आप लोग जहां डेल्टा एल को y(d/D) लिखते थे, y मतलब क्या डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम इंटरफेरेंस का कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, स्मॉल डी मतलब क्या दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, कैपिटल डी मतलब होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। देन आगे बढ़ते हैं कंडीशंस क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस yn(d/D) होना चाहिए, n लैम्ब्डा हम लोग कहते हैं, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे होना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वही चीज n-1/2λ हो जाती है, ठीक है, वेयर यहां पर n का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होता है, क्लियर, ±1, ±2 लाइक दैट। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें क्या मिलता है ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव में मिलता है डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज पर इंटेंसिटी होती है 4I0, अगर I0 इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी है दोनों सोर्सेस से मतलब दोनों स्लिट से, और फ्रिंज पे डार्क फ्रिंज पे होता है इंटेंसिटी 0, ये याद रखिएगा डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। देन फ्रिंज विड्थ मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं आपको, डार्क फ्रिंज बाय ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज वापस से डार्क फ्रिंज, तो इनका विड्थ कितना होता है। अच्छा एक चीज याद रखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो होता है ना तो वो डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज का दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है λ(D)/d, लैम्ब्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल डी मतलब दो स्लिट्स होते हैं ना डबल, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस S1 एंड S2 जिसे हम लोग सोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हम लोग देख चुके हैं अभी, तो जो हमने देखा वो डेल्टा एल के लिए था, वो डेल्टा एल, ये डेल्टा फाई का जो फॉर्मूला था 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, इसमें पुट कर दो आपको ये चीज भी मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम चीज है, मैंने वही चीज बोला है पुट करने के लिए। देन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिए E1 इज इक्वल टू E0 sin ωt, अच्छा E0 मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के लिए होता है, E0 मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के लिए। देन एम्पलीट्यूड अगर चाहिए आपको तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2E cos 5/2, वेयर 5 इज फेज डिफरेंस। देन when the amplitude of waves coming in to from to solid interference E10 and E20 says,
E10 एंड E20 के लिए इंटेंसिटी मैक्स का फॉर्मूला होता है आई मैक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड्स होते हैं और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा, मिनिमम आता है तो माइनस कर दीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछ ले तो बस उनका रेशियो कर लीजिएगा, E10 माइनस E10 प्लस E20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय E10 माइनस E20 का स्क्वायर। अच्छा, आई मैक्स आई मिन का ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू आई मैक्स के लिए डिवाइडेड बाय अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू मिनिमम के लिए दोनों का स्क्वेयर। देन वेव वेक्टर के एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव साउंड चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो ना, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के, बस वही से के इक्वल टू आएगा ओमेगा बाय वी। देन फेस चेंज मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या, के इंटू डेल्टा एक्स होता है, मैंने बोल रखा है आपको के मतलब ओमेगा बाय वी, अगर मैं पुट कर दूं तो डेल्टा फाई हो जाएगा ओमेगा बाय वी इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। चलो, देन आता है वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, अगर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में के इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाय वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मतलब मीडियम चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है, जो कि आपको पता है एन इक्वल टू होता है सी बाय वी, तो वी इक्वल टू हो जाएगा सी बाय एन, बस वही चीज वहां पे पुट किया गया है, बाकी कुछ नहीं, इजी है। देन हम लोग जाते हैं ऑप्टिकल पाथ पर, ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या, बीच में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहे हैं या मीडियम में आप चल रहे हो तो वैक्यूम में डिस्टेंस चलना उस टाइम में और मीडियम में चलना, ये दोनों बातें अलग अलग है। तो इसी ऑप्टिकल पाथ के लिए फॉर्मूला आता है, अगर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चल सकता है तो वो चल सकता है एन टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, और ये एन तो हमेशा वन से बड़ा ही होता है ना, क्योंकि एन इक्वल्स टू वन तो वैक्यूम के लिए होता है, समझ में आया? तो ये n डिस्टेंस वैक्यूम में ज्यादा ही चलोगे आप कभी भी, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देन पाथ डिफरेंस कितना आता है, n इंटू डी चलोगे माइनस डी चलोगे वैक्यूम में, एन डी कहाँ चलोगे आप लोग मीडियम में, माइनस आप डी चलोगे वैक्यूम में, तो ये हो जाएगा डी कॉमन आने के बाद डी इन ब्रैकेट एन माइनस वन वेयर एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। देन बढ़ते सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये एक्स्ट्रा मतलब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब एक ही स्लिट होता है उसमें, इसमें आता है याद रखना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेसनल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्लिट और जो स्क्रीन होता है वो पास पास में होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसलिए वही हमारे सिलेबस में। फ्रेसनल डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि उसमें स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। एंगुलर हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये होता है लैम्डा बाय ए, वेयर लैम्डा मतलब वेवलेंथ और स्मॉल ए मतलब क्या होता है स्लिट का विड्थ, क्योंकि बहुत छोटा होता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में, एक ही स्लिट होता है उसका विड्थ। देन एंगुलर विड्थ अगर निकालना है तो वो होता है 2 लैम्डा बाय ए। देन सेकेंडरी मैक्सिमा, mth सेकेंडरी मैक्सिमा अगर आपको चाहिए तो m प्लस 1 बाय 2 लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए सब में कॉमन है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ बता चुका और ए मतलब स्लिट का विड्थ, एक ही स्लिट है उसका विड्थ। एम मतलब कितने नंबर का मैक्सिमा चाहिए आपको। देन मिनिमा के लिए एम लैम्डा बाय ए, मैक्सिमा में ये कहा होता था, ये उधर उस केस में मतलब कहा यंग्स डबल स्लिट में ये डिस्ट्रक्टिव के लिए आता था, मिनिमा के लिए आता था, और ये उधर कंस्ट्रक्टिव के लिए आता था, मैक्सिमा के लिए, इधर उल्टा हो गया ऐसे याद रखिएगा। देन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट मिनिमम का डिफरेंस डिस्टेंस होता है कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय ए। कैपिटल डी मतलब क्या होता है, ये उधर भी था तो फॉर्मूला लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो बस ये ऊपर वाला वैसे ही है, स्मॉल डी के जगह यहाँ ए आ चुका है, बाकी चीजें तो वही है। देन आगे बढ़ते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। देन इन कॉन्जुगेट फोकाई मेथड डी होता है अंडर रूट डी वन इंटू डी टू, जिसपे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादा, ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को। देन नेक्स्ट आता है, ये टेबल आपको बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ो इस टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्योंकि आपको दोनों कंपैरिजन में समझ में आता है यंग्स डबल स्लिट और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला। चलो आगे बढ़ते हुए इंस्ट्रूमेंट्स वाले केस पे जाएंगे, उसके पहले रेलेस क्राइटेरिया रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या, मान लो ऐसे सब लोगों को फील होता है रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हो सामने से 2 2-व्हीलर्स आ रही है तो आपको पहले लगता है कि यार ये तो 4-व्हीलर आ रहा है, एक पास में आने के बाद पता चलता है कि ये तो 2 2-व्हीलर्स थे, इसे ही हम लोग सिंपली रिजॉल्विंग पावर के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इसमें होता है एंगुलर सेपरेशन कितना, d थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय a,
डी थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, देन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है जो कि होता है लैम्डा बाय ए डी थीटा हम लोग बोल रहे हैं उसे, वाई इक्वल्स टू आता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, ये फॉर्मूला हमने अभी अभी भी देखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का क्या होता है, इसमें भी माइक्रोस्कोप आता है ठीक है, रिजोल्विंग पावर होता है 2a साइन अल्फा, देन पाथ डिफरेंस कितना होता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज के उसके बीच में लैम्डा बाय n, देन न्यूमेरिकल अपर्चर नाम का एक चीज होता है na न्यूमेरिकल अपर्चर, जिसे आप a विड्थ जो दिखाते हो ना आप a इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2na आते हो, और na मतलब होता है 2n इंटू साइन अल्फा, देन रिजोल्विंग पावर होता है इनवर्स 1 बाय a, रिजोल्विंग पावर होता है 1 बाय a, मतलब a का इनवर्स सिंपली इस a को उल्टा कर दो 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसका फॉर्मूला आता है। इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसमें 2a sin alpha equals to 1.22 lambda, अच्छा ये याद रखो या 1.22 को 2 से डिवाइड करने के बाद ये a आ जाता है 0.61 lambda divided by numerical aperture, फिर resolving power आता है जो कि होता है इसका reciprocal जो कि इसको उल्टा कर देगा numerical aperture divided by 0.61 lambda, clear? Then telescope का आता है last में resolving power, resolving power मतलब आप कितने angle पे उसे easily देख सकते हो, theta equals to होता है 1.22 lambda divided by capital D, ये resolving power of telescope, resolving power of telescope होता है 1 by theta, तो इसका उल्टा कर दिया तो हमें मिलेगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। चलो तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर। अब देखने वाले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट में लिख के देने वाला हूं आपको, पहले तो 11 के ही कॉन्सेप्ट, ये भी हम 11 के चैप्टर में भी ले रहे, जो दो चार्ज हो तो इसके अंदर जो फोर्स होता है बेटा अट्रैक्शन रिपल्शन वाला वो होता है 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसमें से एक चार्ज कम करके यही फार्मूला, एक चार्ज मत लिखो बस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देखो एक चार्ज कम किया क्योंकि डिवाइड है। उसके बाद में बेटा पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो एक आर और एक क्यू कम करना है, एक आर एक क्यू कम, मतलब पोटेंशियल में यही फार्मूला लिखूंगा 1/4πε, एक क्यू कम मतलब एक ही क्यू रहेगा, एक आर भी कम तो ये ठीक है। लीनियर डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक फार्मूला याद होना चाहिए है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, बस इतने इले उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले याद रखो फायदा होगा। गॉस लॉ है बेटा है ना, गॉस लॉ है क्लोज इंटीजर्स ऑफ ई डॉट डी एस, इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दे उत्तर, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है बेटा। फ्लक्स का एक फार्मूला याद रखना, यहाँ पे ई डी एस होता है, ध्यान रखना ई इंटू डी एस फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे उसको। चलिए तो हमारे पास पहले स्पीयर लिया, और स्पीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला आ रहा है मैंने अभी अभी जैसे बताया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा जो होगा बेटा वो सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, लेकिन ये सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं जैसे यहाँ लिखी है, लेकिन इनसाइड स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ने पूछा तो जीरो होते, डायरेक्ट एमसीक्यूज आने के चांसेस होते इसके ऊपर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगर इसी के जगह पे वायर हो सिलेंडर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती बेटा लैम्डा डिवाइड बाय 2εr ठीक है, ध्यान रखना। अगर हमारे पास कोई वायर ले लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे पॉजिटिव चार्ज तो इनसाइड सॉरी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती बाहर होती पॉजिटिव चार्ज ही इसलिए बाहर, और यहाँ पे ठीक है अगर निगेटिव हो तो आउटसाइड होती बेटा आउटसाइड बाहर होती नहीं इनसाइड अंदर अंदर पॉजिटिव पे बाहर निगेटिव पे अंदर सॉरी। चलिए तो अगर प्लेन सीट हो तो ये फार्मूला बेटा सिग्मा डिवाइड बाय 2εr ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ई डॉट डी एस है तो मैंने बोला था कॉस थीटा आता है डॉट रहा तो फ्लक्स क्यू बाई है ना या परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट ए लिखना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था याद है चार्ज पर यूनिट चार्ज में से सिग्मा मतलब ए सिग्मा ए होता है। चलो
के डायलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट, ये परमिटिविटी मीडियम की, ये फ्री फेस की बेटा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया आपको, के इज द कॉन्स्टेंट था ये, ठीक है। यहाँ पे स्फेरिकल कंडक्टर ये हो चुका है, इसको लेना नहीं है हम लोगों को। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैं बता दूंगा आपको। तो मैं सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/4 pi epsilon naught, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एनर्जी के बारे में बताए, है ना, तो कैपिटल क्यू क्यू नॉट, और ये अंतर है R2 - 1/R1, ठीक है। तो वर्क डन की इक्वल हो तो वही फार्मूला होगा, फार्मूला अलग नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं सिंपल फार्मूला देता हूँ, मैंने अभी अभी आपको बता देता हूँ, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, आर स्क्वेयर नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क इंटू चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज ना भाई, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ देखो पोटेंशियल एनर्जी V। अब V का फार्मूला मैंने क्या दिया था, याद है आपको, 1/4 pi epsilon naught Q upon R, और एक Q, इसलिए Q1 Q2 लिखा है, है ना। वैसे ही फार्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल किसको बोलना है, उनका कहना है कि यहाँ से यहाँ तक है ये पोटेंशियल है, क्योंकि एक्चुअल में वर्क का फार्मूला है पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये पोटेंशियल, इसलिए देखो इसने इनको पोटेंशियल बोला, इसको पोटेंशियल बोला, और मल्टीप्लाई चार्ज, देखो ये पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, ये पोटेंशियल का फार्मूला, इसलिए 1/4 pi epsilon naught Q/R लिखा है मैंने, ओके। देखो पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, वर्क मतलब पोटेंशियल अपॉन चार्ज, देखो यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज लिखा है। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, इसलिए V2 - V1 लिखा। वैसे U2 पोटेंशियल अपॉन चार्ज ही है फार्मूला, वर्क अपॉन चार्ज ही है, अलग नहीं है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो भी रिलेशन है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dx, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ऑलरेडी पोटेंशियल के फार्मूले हो चुके, जैसे मैंने ऐसा लिखा 1/4 pi epsilon, देख रहे हो आप लोग वही फार्मूले रिपीट रिपीट होते हैं। लेकिन बच्चों पोटेंशियल जीरो कब मिलेगा, कोई चार्ज इन्फिनिटी पे हो तब पोटेंशियल जीरो मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल के कारण है इसलिए इसका जो पोटेंशियल का फार्मूला लेते हैं तो वो लिखेंगे Q4 pi epsilon naught बेटा, ये P/R² ना, आर क्यूब होना चाहिए, है ना, आर क्यूब है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, यस हाँ। तो यहाँ पे 1/4 pi epsilon P/R² या पोटेंशियल का फार्मूला है ना, कोई भी पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon P/R², ठीक है। कंडीशन दी थी, बाकी कुछ नहीं है, कंडीशन से इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना इसका। देखो पोटेंशियल का फार्मूला दोबारा 1/4 pi epsilon Q/R, ये ध्यान रखना 1/4 pi epsilon Q/R, बस अलग अलग पॉइंट के दी वाले। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दोबारा वही 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / R, R ओनली, स्क्वेयर नहीं है, ठीक है। बस ये अलग अलग पॉइंट के लिए दी वाले, हमको ये करना नहीं है, वर्क डन ये करना, इसके ऊपर MCQs आते हैं बच्चों। वर्क का फार्मूला याद रखना अभी कहाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डायपोल पे, डायपोल समझते ना बेटा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, या सेंडर है, यहाँ तक की लेंथ L है, यहाँ तक, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इसका वर्क डन निकालना है तो P इज द डायपोल मोमेंट है बेटा, P इज द पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। P मतलब E मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे cos थीटा जो इनिशियल होगा, -cos θ1 बोलो इसको, ठीक है, चलेगा। बस बाकी की चीज़ें मत कर, देखो इसको ज़्यादा मत देखना, बस ये याद रखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। ये हमको देते बेटा थीटा इनिशियल वैल्यू थीटा वन की देते, तो वर्क डन कितना हो रहा है बताते, या दो वर्क डन के बीच में रिलेशन, ठीक है बेटा। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉट रखा और यहाँ पे डायपोल रखोगे, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगे बच्चों तो यहाँ नेगेटिव आते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हो तो इधर पॉजिटिव आते हैं, और इसके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है।
इसके कारण रिडक्शन होता है, इसीलिए E माइनस E नॉट लिखते हैं, ठीक है। ये लीनियर आइसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिकल, ये सस्पेबिलिटी इलेक्ट्रिक, P इज इक्वल टू जाय, कोई लोग काय बोलते हैं, है ना, खाय भी बोलते हैं। चलिए कैपेसिटर देखो, कोई भी कैपेसिटर में चार्ज ला रहे हो, चार्ज ला रहे ला रहे ला रहे, तो चार्ज लाने से पोटेंशियल बढ़ता बेटा, क्या बढ़ता है पोटेंशियल, मतलब आपको पता होना चाहिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, जितना चार्ज लाओगे इस प्लेट पे उतना पोटेंशियल बढ़ता है, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, समझे क्या फार्मूला कैसा है, Q बाई V, ठीक है। ये दिया हुआ है, वन माइक्रो मतलब -6, नैन मतलब -9, पिको मतलब -12, फिमटो मतलब -15, है ना, ये पता होना चाहिए। सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर, जिनको रेजिस्टेंस आता है और कैपेसिटर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, उल्टा है। तो यहाँ पे सीरीज में रहे तो रेसिप्रोकल करते हैं, दो ही कैपेसिटर रहे तो प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर रहे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है, दो ही कैपेसिटर रहे तो। अगर आपके पास आइडेंटिकल मतलब सभी कैपेसिटर की वैल्यू सेम हो तब फार्मूला बेटा सी बाई एन, क्या समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, अगर सीरीज में हो तो वो पैरेलल में, तो डायरेक्ट एडिशन है, अब एडिशन नहीं आते तो भैया मत पढ़ो, सी वन प्लस सी टू प्लस सी, सी एन क्यों लिखा, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर रहे तो। कैपेसिटर है और कैपेसिटर में बच्चों आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड होती ई, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी, ओके, रिलेशन है कैपेसिटर मीडियम और एयर में रहा तो सी मीडियम इज इक्वल टू के सी एयर लिखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर है तो ये देख सकते हैं, हमारे पास से स्पेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, कैपेसिटर की कैपेसिटी के साथ रिलेशन दी वाले है, ठीक है। एक्चुअली ए एप्सिलॉन बाय डी भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये थिकनेस रहा तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ओके, ये इसके टाइप से, अभी ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि दो ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कितनी कैपेसिटर में स्टोर होगी, अगर किसी ने पूछा तो आप लोग बोल सकते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 यहाँ पे क्यू वी, 1/2 यहाँ पे सी वी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसे तीन फार्मूले कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसके लिए, ठीक है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबको पता है KCL, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा, करंट जितना अंदर आएगा इलेक्ट्रिक बोर्ड में उतना बाहर जा सकता है, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा जो है अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू R, है ना, इज इक्वल टू जीरो बेटा, दोनों लॉ है KCL KVL, ठीक है। इसके बाद में ये तो सिंपल है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, तो इसके व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, P/Q S/R, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बैलेंस कंडीशन ही हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, अनबैलेंस नहीं आने वाला है, तो टेंशन मत लेते जाओ, हमेशा 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 यही क्वेश्चन जो है बैलेंस ब्रिज पे ही आएगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो कर सकते, नीट JEE की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो मुझे पता नहीं अभी, ठीक है, यह ऐसा सर्किट, तो इसको P/S Q/R, है ना, P/S है ना, और Q/R भी लिख सकते हो, यस, या P/Q S/R भी लिखो, एक ही मतलब है, अननोन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसी का मीटर ब्रिज जो है बच्चों वो हम लोगों को एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो X निकालना अननोन रेजिस्टेंस, तो R ये होगा बेटा LX/LR, राइट है बच्चों। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही है, जैसे कि ऊपर होता है, अगर आपको सर्किट पता हो तो मैं एक यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो ये ऐसा सर्किट, ठीक है, एक ये, ठीक है, तो इसको X, इसको R, देखो X/R, इसको लेंथ एक रेजिस्टेंस है और ये LR है, देखो LX/LR, लेकिन ये 100 सेंटीमीटर होता ही है लेंथ, इसीलिए इसको R, इसको ऐसा भी X के फॉर्म में लिखना है, तो 100-LX लिख सकते बच्चा, एक ही मतलब है। बस इसी के जगह पे अभी X को निकाल के ग्लाहनोमीटर डाल सकते हैं, ग्लाहनोमीटर रहता है बेटा ग्लाहनोमीटर, बस एक ही फार्मूला, देखो X के जगह पे G, देखो ये R इधर आ गया, ये X था तो ये LG हो गया, ये LR, बात समझ में आ रही है, सेम ये भी इसका X जहाँ दिखेगा, देखो G लिखो, LX है G लिखा है, LX है G लिखा है, बस केल्विन मेथड बोलते इसको, केल्विन मेथड। अभी देखना है बेटा हम लोगों को पोटेंशियोमीटर,
पोटेंशियोमीटर में ध्यान रखना प्रिंसिपल है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ये तो ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, फिर आई की वैल्यू ई बाय आर ये डाली है, बाकी कुछ नहीं, इसको टेंशन मत लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। तो इसी के थ्रू दो सेल को कंपेयर करना है तो कुछ नहीं करना, E1 अपॉन E2 इसके लेंथ पे डिपेंड है, क्योंकि अभी अभी देखा L1 अपॉन L2 सेम एंड डिफरेंस मेथड हो। इसका सवाल कैसे आता मैं बताता हूं, जब असिस्ट टू ईच अदर मतलब सम करना L1 प्लस L2 और अपोजिट टू ईच अदर आ गया तो ये होगा फार्मूला, अगर नहीं है ऐसे वर्ड तो ये फार्मूला लगाओ। बच्चे को लगता है कि दोनों में से कौन सा कंपेयर वाला फार्मूला यूज करें, क्वेश्चन में दिखाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि पोटेंशियोमीटर का काम ही होता है, दो सेल को कंपेयर करो, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करो, है ना भाई, दो सेल को कंपेयर करना है EMF, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होगा, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं R इज इक्वल टू R, एक ही चीज़ है L1 माइनस L2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ L2, ऐसे भी लिखते हैं, और ये भी एक फार्मूला है, और E बाई V, अगर E और V दिया, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद में बच्चों एमीटर, एमीटर सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, लेकिन MCG टू एमीटर करोगे तब सीरीज में नहीं पैरेलल में एक रजिस्टर लो रजिस्टेंस लगाते बेटा, पता है आपको ये, तो इसमें से करंट जाने वाला IG होता है, इसमें से IS, ये यस है, ये G है, ये I करंट बेटा, तो सेंट रजिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला बेटा IG I माइनस IG इंटू G, इसको ही शॉर्टकट में लिखा जाता है बच्चों, यस इज इक्वल टू जी एन माइनस वन, एन मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ बेटा, ये जो I करंट है वो होता है n टाइम्स ऑफ IG, समझे क्या, तो n की वैल्यू होती है बेटा I करंट टाइम्स ऑफ IG, है ना, डिवाइडेड बाय IG, समझ पा रहे हो, ओके बच्चों, फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम होल्ड मीटर टू मतलब MCG टू होल्ड मीटर करना है तो सीरीज में अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे बेटा, यस, और इसका अननोन रेजिस्टेंस V बाय IG माइनस G ऐसे रखते, या यक्स इज इक्वल टू शॉर्टकट GNV-1, ठीक है, समझ में आया, ज़्यादा टफ फार्मूले नहीं है, आप लोग जितना अच्छा करोगे उतना मज़ा आएगा, लेकिन लिख के देखना, दो तीन चार बार वीडियो देखना ताकि वो फार्मूला ऑटोमेटिकली याद होते रहे, ओके। अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों आपको सर्कुलर कॉइल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बॉयन सर्वेंट लॉ पता होना चाहिए, इसके ऊपर सोलेनाइड के ऊपर सवाल आता है, ध्यान रखना है, या लॉन्ग इन्फिनाइट कंडक्टर पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में थोड़ा सा आप लोगों को नन्ने से मुन्ने से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। अगर बच्चों हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्रॉस मतलब अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज रहा और वो पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो बच्चों इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको QVB sin θ कहते हैं, अगर मैक्सिमम तो QVBB लिख सकते हैं, Q इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट है। लेकिन इसी के अंदर अगर एक आधा कंडक्टर रखा, वायर रखा, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यही मैग्नेटिक फोर्स बच्चों IBL sin θ फार्मूला लगता है, मतलब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों मतलब एक कंडक्टर रखा उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तब IBL फार्मूला लगाना है मैग्नेटिक फोर्स का, दूसरा चार्ज मोशन में हो तो बच्चों इसके ऊपर QVB sin θ लगता है, जैसे कि यहां पे लिखा हो, ठीक है। अभी ये क्या है सर, बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम के चैप्टर में से आया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बच्चों फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या होगा, Q into V। अब इन दोनों को एक जगह पे लिखना, एक जगह पे मतलब दोनों की ऐड की मैंने, देखो यहां पे जो लॉरेंस फोर्स कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों को इकट्ठा किया तो उसी फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहा जाता है, दोनों की वैल्यू पुट अप की, देखो ये Q into E, और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है ये मैग्नेटिक फोर्स का, तो क्यों ये V cross B होगा बेटा, साइन को हटाया तो, राइट, समझ में आ रहा है आपको। चलिए उसके बाद में
उन्होंने निगेटिव चार्ज लिखा तो ये मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा था इसलिए पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया, यहाँ पे पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं होती है। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में हम लोगों को मैंने अभी अभी बताया कंडक्टर रखा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो IBL फार्मूला होता है, ये ऑलरेडी फार्मूले हो चुके हैं हमारे। इसके बाद में अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसे अंदर बच्चों, और इसके अंदर अगर मैं किसी चार्ज को रखू, किसी चार्ज को रखू, तो वो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी ऐसी है, क्या वो स्ट्रेट जा पाएगा? तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? राइट हैंड रूल पता होना चाहिए बच्चों। ये मेरा थंब है छोटा सा, ये नन्हे से उंगलियां है मेरी, और ये मेरे चार उंगलियां है, बी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी, ये करंट है, ठीक है, समझे ना? तो मैग्नेटिक फील्ड ये चार उंगली से अंदर है, देखो क्रॉस मतलब अंदर, ये करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी बच्चों, उस दिशा में मेरा पाम ऊपर आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी थंब के डायरेक्शन देखो, पाम या तल हाथ ऊपर आ रहा है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो क्या होगा बच्चों, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, दोनों फोर्स सेम है, तो ना इधर जाऊं ना इधर जाऊंगा, बीच में से, राइट है बच्चों? तो ऐसे ही कुछ इस चार्ज की कंडीशन है, यहाँ आएगा ये चार्ज, यहाँ आने के बाद कोई भी चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव होना चाहता है, दोबारा मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड चारों उंगली अंदर डालो, क्योंकि अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मतलब वेलोसिटी ऊपर है, पाम मेरे तरफ है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इस साइड है, तो ना इसकी ना इसकी बीच में आएगा, ये चार्ज यहाँ आ गया बेटा, दोबारा वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई भी चार्ज मोशन स्ट्रेट लाइन लेना चाहता है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है देखते हैं, ये देखो थम इधर, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चारों उंगली अंदर, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ, समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे यहाँ आएगा चार्ज, दोबारा वेलोसिटी इधर, ये तो ये चार्ज अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव होता है, ध्यान रखना बच्चों, वो चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता, वो सर्कुलर पाथ करता है, इसी से हम लोगों को है ना पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। और ये जो फोर्स लगता है बच्चों वो होता है कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में हो तो उसको कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर सर्कल में मूव करे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कौन सा फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स अभी अभी हमने QVB साइन थीटा देखा, राइट, तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखना है इसलिए QVB MV स्क्वायर अपॉन R, राइट, ये VV कैंसिल बेटा, तो ये MV इज इक्वल टू QBR या कैपिटल R भी लिखते हैं कभी कभी, कोई टेंशन मत लेना बेटा, ये मोमेंटम हो गया, ये क्या हो गया, MV मतलब मोमेंटम, QBR, कभी कभी रेडियस भी निकालने के लिए बोलते इसके कारण, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं MV/QB रेडियस, तो रेडियस का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। चलिए पीरियड निकाल लेते हैं बच्चों, पीरियड का फार्मूला होता है सर 2π है ना, या पहले स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट है बच्चों, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस, कैसे सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है इसलिए 2π, देखो गोल घूम रहा है 2π डिवाइड बाई v, राइट, लेकिन यहाँ पे v की भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पे v की वैल्यू दिख रही है आपको, v इज इक्वल टू मिलेगा मुझे QBR, ये m नीचे आएगा, राइट है बच्चों, देखो MV इज इक्वल टू QBR, तो v ये QBR डिवाइड बाई m, तो देखते हैं यहाँ पे v की वैल्यू मेरे पास है सर QBR डिवाइडेड बाई m है, तो ऊपर लेके जाएंगे R से R को कटवा दो, तो पीरियड का फार्मूला 2πm डिवाइडेड बाई QB, ये पीरियड का फार्मूला बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/T, तो ये n इज इक्वल टू QB डिवाइड बाई 2πm, राइट है बच्चों, ये भी फ्रीक्वेंसी, या f लिखो, कभी कभी बुक में हम लोग f लिखते हैं तो टेंशन मत लेना। चलिए नेक्स्ट है, देखो ऑलरेडी ये फार्मूला निकाल के दिया मैंने, ये भी वेलोसिटी का फार्मूला अभी अभी निकाल के दिया, मैंने बोला था मोमेंटम का फार्मूला MV इज इक्वल टू QBR होता, तो वेलोसिटी होगी फिर QBR R डिवाइड बाई m, ये R एग्जिस्टर, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, दो डी शेप होते बेटा साइक्लोट्रॉन में, और यहाँ पे AC लगाते हैं,
और आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव आयंस होता है, हमको इसको एक्सेलरेट करना है पोटेंशियल से, तो ये एक्सेलरेट होते होते रेडियस बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, तो इसका रेडियस अलग है, इसका अलग है, अब इसका रेडियस तो अलग ही है, तो इसलिए आर एग्जिस्ट वाला चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या हार्ड नहीं है, क्योंकि फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर बेटा, तो हाफ एम वी की वैल्यू का स्क्वायर करो डायरेक्ट, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिस्ट डिवाइडेड बाय एम, तो एम स्क्वायर है ना, तो एम एम एक कैंसिल बेटा, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिस्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, तो मुझे लगता है कि और टू बाकी था सॉरी, ये फार्मूला मिला है। ठीक है, फार्मूला खुद निकालना है जैसे मैं खुद निकाल रहा हूँ। हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन में क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये झड़, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये झड़ एक्सिस, एक चार्ज था ये मोशंस कर रहा था ऐसे, ठीक है ये वेलोसिटी थी इसकी, लेकिन इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक पैरेलल में बैठो वी पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। शायद आपको बता दूं परपेंडिकुलर वाला गोल घुमाने के लिए बोल रहा है इसे, गोल घुमो परपेंडिकुलर वाला है ना, ये एक्चुअली अंदर है ऐसा गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है और वी पैरेलल आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों की भी सुनना है, एक तो गोल भी घूमना है आगे भी लेके जा रहा हो देखो, इसीलिए इसका हेलिकल मोशंस होता है। ओके ये वी पैरेलल भी, लेकिन ध्यान रखना मैग्नेटिक फोर्स इन पैरेलल जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे पता होगा साइन जीरो, क्योंकि ये पैरेलल है ना बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैरेलल है, जब भी पैरेलल रहेगा वी और बी तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। ये आईबीएल फार्मूला पता है बच्चों, अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में से मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अभी अभी मैंने बता दिया था इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर रखा तो आईबीएल फार्मूला मिलता है या आईबीएल साइन थीटा, कोई आर्बिट्री शेप वायर हो तो डीएल को इंटीग्रेशन में रखना है, सर क्यों, क्योंकि डीएल 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 छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग निकाल, लेकिन क्लोज रहा कोई डीएल 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 मिला के क्लोज सरफेस बनता है तब मैग्नेटिक फोर्स बेटा जीरो होता है, ध्यान रखना है ना, फोर्स ऑन क्लोज सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड जीरो। चलिए यहाँ पे टॉर्क है और टॉर्क का फार्मूला शायद आपको पता होगा, यहाँ पे एन आई ए बी साइन थीटा, सर ये एल वन एल टू क्या है, एरिया है बेटा देखो एल वन एल टू है ना, लेंथ इंटू ब्रिज जैसे होता है वैसे, तो ये टॉर्क का फार्मूला बनेगा एन आई ए बी, शायद जिन बच्चों को पता दूं तो ये म्यू बी साइन थीटा का भी फार्मूला बनेगा, म्यू बोलो या कुछ बच्चे अलग बुक में से पढ़ रहे तो यम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम का फार्मूला बेटा है ना, एन आई ए, एक्चुअली आई ए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके चलिए हम लोगों को अगर एक आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, नहीं यहाँ पे अभी ठीक एमीटर है हमारे पास, तो जैसे कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल होता है उसको कहते हैं बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क, तो वो टॉर्क डिपेंड रहता है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल के ऊपर, तो टॉर्क इज इक्वल टू के फाइव होगा, इसके ऊपर कुछ फार्मूले भी है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये मैंने एन आई ए अभी अभी बताया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनालॉगी है, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने एनालॉगी बताया यस के जगह पे थीटा वी के जगह पे ओमेगा एंगुलर के लिए है ना, वैसे यहाँ पे भी बच्चों वह देखो टॉर्क का फार्मूला होता है म्यू क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही फार्मूला म्यू के जगह पे पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहता और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस्तेमाल करो, सिमिलैरिटी है एनालॉगी है बच्चों ये। उसके बाद में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो भी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डायरेक्ट एनालॉगी बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, ये म्यू डॉट बी होगा राइट, डॉट प्रोडक्ट है तो बच्चों कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं राइट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मी एंड बी चलेगा। इसके केसेस है बच्चों ये मिनिमम कब होता है देखो, पैरेलल हो मतलब ये म्यू का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन सेम हो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती बच्चों, तो ये यू इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, कॉस जीरो वन ये कोई फायदा नहीं है, तो ये माइनस एनर्जी है इसका मतलब मिनिमम है, सर मैक्सिमम पे रहेंगे देखते ट्राई करते ठीक है। ये देखो
ये डायपोल का डायरेक्शन है बच्चों ऊपर, और नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है सर? 180। क्यों? एंटी पैरेलल है, एक ऊपर एक नीचे, तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन। चलिए, तो U इज इक्वल टू माइनस म्यू बी, ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस होगा म्यू बी। सर ये तो प्लस में दिख रहा है मुझे, यस ये तो प्लस में है, प्लस में है तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। क्या आप समझ पा रहे बच्चे? सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, बॉयंस रेवेंट लॉ क्या कहता है? एक वायर है बच्चों आपके पास, और एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने डीएल, है ना, ये जो डीएल, इसके अंदर एंगल बनेगा थीटा, तो पी पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी नन्नी सी बी डी बी कितनी होगी, तो वो डिपेंड होगी बेटा करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से। आपने ये डीएल छोटा सा टुकड़ा कितना लिया, और ये आर इसके अंदर एंगल कितना है, तो साइन थीटा बोलते हैं हम लोग इसको, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ है बेटा, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू लिखना है तो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस इज द डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ में आ रहा है? ओके, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा बेटा, क्यों? आर आर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर था ये क्यूब हो गया, है ना, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं, नहीं सॉरी वेक्टर ये, हाँ वेक्टर है, ठीक है। देखो क्यूब हो गया, क्यूब क्यों? क्योंकि यहाँ आर और यहाँ आर मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो देखो आर ऊपर गया, समझे ना। चलिए, अब यहाँ पे एक लॉन्ग वायर है, लंबा, और ये इन्फिनाइट वायर है बच्चों, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ एंगल थीटा बनाया है, शायद याद आ गया होगा आपको, तो म्यू नॉट आई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है टू पाई आर, ध्यान रखना ये इन्फिनाइट मतलब ऊपर भी इन्फिनाइट वायर है और नीचे भी, लेकिन यही फार्मूला अगर मैं इसको आधा करूँ, आधा मतलब ऊपर या नीचे इन्फिनाइट है, एक ही सेमी इन्फिनाइट समझते हो ना, तो उसको कुछ नहीं, वन बाय टू करो, है ना, वन बाय टू, अब टू टू जा फोर, तो मैग्नेटिक फील्ड इन सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई टू टू जा फोर पार, समझे बेटा, ये फोर पार क्यों आया, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है, सेमी, है ना, सेमी इन्फिनाइट वायर है, सेमी इन्फिनाइट वायर है, और ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है पूरा। आगे बढ़ते बच्चों, अगर दो कंडक्टर रहे और उसमें से पैरेलल हो और करंट सेम डायरेक्शन हो तो वो अट्रैक्शन करते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो करंट का एक दूसरे से तो वो रिपल्शन करते हैं। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है बच्चों, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला मिलता है म्यू नॉट, पहले कंडक्टर में से वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे में से कितना हो रहा है, आर टू पाई डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल वायर। गॉट इट बेटा? कोई टेंशन? एम्पियर्स लॉ है बेटा, है ना, या एम्पियर्स लॉ है, क्लोज इंटीजर्स ऑफ बी डॉट डी एस म्यू टाइम्स ऑफ करंट होता है, म्यू टाइम्स ऑफ करंट होता है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, अगर लॉन्ग वायर रहा तो अभी अभी मैंने बताया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पायर, अभी फार्मूला हुआ, अभी अभी, है ना, वही फार्मूला इस्तेमाल करके, ये प्रूफ प्रूफ है, हमको याद नहीं करना, बस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई करंट होता है, इतना ही याद रखना है। इसके बाद में बच्चों, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क हो, मतलब ये सर्कुलर आर्क है ऐसी, और यहाँ सेंटर पे हम लोगों को इसके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है बच्चों, ठीक है, ये तो डीएल है, ओके, वो देखना है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, वो होती है म्यू नॉट फोर पाई यस आर, और ये थीटा के ऊपर, ये एंगल के ऊपर डिपेंड होती है। मैं प्रूफ करके दिखाऊं? हाँ जी सर, ये अगर सर्कुलर कॉइल रहता तो थीटा की वैल्यू हम लोग टू पाई लिखते, राइट है, डालो थीटा की वैल्यू, ऐसे इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आ चुका है, ध्यान रखना म्यू जीरो आई डिवाइड बाय फोर पाई आर, थीटा की वैल्यू टू पाई है, तो पाई पाई कैंसिल, टू टू जा, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल रही तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, समझे, डायरेक्ट सर्कुलर कॉइल रहा, सर्कुलर कॉइल रहा, जब बच्चों आपको फार्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू आर रखना है,
लेकिन हमारे पास एक सवाल आया था, वो सवाल बता देता हूं। थीटा की वैल्यू आई थी पाई बाय 16, देख लेना 2023 के अगर एमसीक्यूज कर रहे हो आप तो देखो थीटा की वैल्यू है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 16, पाई पाई गेट बी कैंसिल 64, तो इसका आंसर था म्यू नॉट आई बाय 64 आर। और एक था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, बस थीटा की वैल्यू पाई बाय 32 थी। चेक करो, वादे के साथ दावे के साथ बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन से बच्चों। दूसरा, अभी आपके लिए कमेंट में लिखना है पाई बाय 34 रहा तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने। अभी यहां पे कोई सर्कुलर कॉइल रही, सर्कुलर कॉइल ये सेंटर इसका, और इसके एक्सिस पे एक पी पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। अभी देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है बच्चों, और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसे डाल के शायद आपने देखा होगा बुक में, ओके नहीं देखा है तो कोई टेंशन मत लेना, पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ बच्चों। तो वो होगी अलोंग द झेड एक्सिस, लिए झेड लिखा है म्यू नॉट बाय 2, ओके ये आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय झेड एक्सिस, अंतर कितना है झेड, आप लोग एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता, यहाँ पे कोई बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हम लोग, सीईटी में कौन देखने वाला कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया आपने। तो ये झेड स्क्वायर यहाँ पे है आर स्क्वायर, इसके ऊपर सवाल आता है बच्चों, झड़ की वैल्यू दी जाती है, ओके 3R रूट ऑफ 3R ऐसे कुछ देंगे, तो झड़ की वैल्यू डाल के मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पे निकालने का तरीका है, ये एक्सिस है इसका। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और लेकिन ध्यान रखना इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम के फॉर्म में निकालना है, म्यू नॉट 4π2m/r या झड़ क्यूब, और इसी को सर्कुलर कॉइल का एक फार्मूला ऑलरेडी मैंने बताया आपको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, मैंने प्रूव करके दिया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4πr इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू डाल के ये फार्मूला पुट कर दिया, बस नंबर्स ऑफ टर्न रहे तो n लगा दो, कुछ नहीं करना बच्चों, n लगाना है। अभी सोलेनोइड, ये सोलेनोइड क्या होता है सर, देखो एक पाइप होता है बच्चों, और इस पाइप को हम वायर वाउंड करते हैं, ये वायर वाउंड कर दिया, राइट वायर वाउंड कर दिया बच्चों, और इस वायर वाउंड करने के बाद इसमें से करंट फ्लो किया, तो इसके सेंटर से, इसके सेंटर से एक्सिस से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, सबको पता होगा ये, यस। तब ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो म्यू नॉट एन आई होती है बच्चों, लेकिन स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब ये है कि एक मीटर में कितने नंबर्स ऑफ टर्न किए आपने, तो हमेशा एक मीटर होना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी यल को गायब भी करते हैं, मतलब वो एक मीटर वायर थी इसलिए यल को गायब किया होगा, लेकिन यल हमारे पास आधा मीटर हो सकता है, डेढ़ मीटर, दो मीटर हो सकता है, इसलिए यल लेना जरूरी है। कभी कभी यल नहीं रहा तो टेंशन मत लेना, समझना कि एक मीटर में है, ठीक है, कभी कभी यल नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो आपको प्रेशर नहीं आना चाहिए, समझ में आ गया बच्चों। अब इसी को, इसी सोलेनोइड को ट्रॉइड बनाया, बस ट्रॉइड क्या होता है, एक गोल पाइप होता है ऐसा, बस उसको ही बेंड करो और इसके ऐसे वायर को वाउंड करो बच्चों, यही वायर है, यस इसी को, ठीक है। अब ये जो ट्रॉइड है, अब इसकी लेंथ, लेंथ रही नहीं बच्चों, वो 2πr बना है, राइट है, ये जो लेंथ ले रहे हैं ना हम लोग, वो 2πr बन गया। क्या मैं डाल सकता हूँ इसी फार्मूले में, देखो फार्मूला वही है, म्यू नॉट, ओके सर, एन एज इट इज सर, है ना, आई एज इट इज, बस लेन की जगह पे 2πr डालना है, देखो ये फार्मूला मिल रहा है कि नहीं, तो ये पता होना चाहिए, फार्मूले लर्न नहीं करते बच्चों, है ना, टेक्निक पता होनी चाहिए, जब भी आपको सोलेनोइड आ जाए तो म्यू नॉट एन आई पर पता होना चाहिए, ये फार्मूला कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये तो टेक्निक है, टेक्निक के साथ ही चलना पड़ेगा। मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप में एक बहुत छोटा चैप्टर है, इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, हाँ जी, मतलब फार्मूला पूछेंगे, मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से पूछने वाले। मैग्नेटिक जो बोर्स मैग्नेटॉन बेटा EH बाय 4πme है, और बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू दी वाली है 9.274 × 10⁻²⁴, ठीक है, शायद आपको इसका एक फार्मूला पता होना चाहिए, EVR है आगे डिवाइड बाय 2, इसके ऊपर सवाल पूछा है ऑर्बिटल मोमेंटम का, ओके बस इसी को डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई m करके
एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है MVR, देखो MVR, M से मल्टीप्लाई MVR, तो नीचे M आएगा और इसी से ये ऑर्बिटल मोशन और एंगुलर मोमेंटम का भी एक फार्मूला बनता है रिलेशन, ये भी MCQs आया था, M ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल मोशन। बेटा ये सवाल आ चुका है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देख लेना 2023 में ये भी आया है। ओके ऐसे ही सवाल आते हैं, एंगुलर मोमेंटम का MVR फार्मूला दिया। देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है E/2ME, बेस क्या है सर, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, इसलिए दिया गया है, समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू भी होती है बेटा 8.8 × 10⁻¹⁰ ये कूलम पर केजी होता है, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, टेंशन मत लो। हाँ जी नेक्स्ट है बेटा हमारे पास μ0 1 ψ, ये ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कहते हैं, है ना, ये परमिटिविटी है ना, परमेबिलिटी है सॉरी, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, बस टॉर्क का फार्मूला एम बी साइन थीटा सबको पता है, और एनर्जी हमने ऑलरेडी माइनस एम बी कॉस थीटा ये हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में, जो फार्मूले रिपीट रिपीट हो रहे हैं मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए, है ना। यहाँ पे हमारे पास 2π, ये तो फार्मूला ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है, करंट क्या होता है पता होना चाहिए ना, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को ई लिखा है बाई टी, 1/T होता है बेटा एफ, है ना, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये फार्मूले मत करो, ये ऑलरेडी फार्मूला हुआ है, बस एल इधर था इधर ला लिया बस, बाकी कुछ नहीं। ये भी बोर्स मैग्नेट्रॉन सबसे पहले बताया EH/4πme, है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का और एक फार्मूला दे रहा हूँ NI बेटा, ध्यान रखना ये एक फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला यूज होता है B0/μ0, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये μ0 परमेबिलिटी बेटा। मैग्नेटाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यू, ये है बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे, मतलब ये कोई तो देख बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी अप्लाई करोगे उतना डायपोल अलाइन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और टेम्परेचर इनवर्सली है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसको एनर्जी मिलेगी, और इसी एनर्जी के कारण बेटा ये क्या करेगा, डायपोल को रैंडम डिसऑर्डर मोशन करता है, बस इक्वल टू लिखा तो सी लिखा है, सी इज द क्यूरी कॉन्स्टेंट है बेटा, ठीक है। एक रिलेशंस पता होना चाहिए, B=μ0H+M, M इज द मैग्नेटाइजेशन, ये इंटेंसिटी है ना, परमेबिलिटी है। अगर देखो इसका मतलब समझा देता हूँ मैं, एक कोई तो सोलेनाइड है बच्चों, और इसको वायर वाउंड किया अपन ने, ऐसे वायर वाउंड किया बेटा, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ नहीं रहा तो B0 बोलेंगे। बाद में मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर एक रॉड डाला और रॉड मैग्नेटाइजेशन होगा इसलिए BM लिखा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये इसका मतलब है। ये μ0 और μr रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ रिलेशन दिया है। ओके एक मैग्नेटाइजेशन का और एक फार्मूला बनता है ψH, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, इसको खाई भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, कोई झाए बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, ठीक है। M/H फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसको मैं नोट डाउन कर, ये नहीं किया तो चलेगा, अब ये बाकी तो इसी के परिणाम है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। चलिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी B/H एक फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन है बेटा किसका, परमेबिलिटी एंड सस्पेबिलिटी का, ये इंपॉर्टेंट है, μ=μ0 1 ψ, याद रखना। ओके बस अभी इसी को नीचे लाओगे, आपको लग रहा है कि फार्मूला ज़्यादा नहीं है, ये देखो μ/μ0 ऐसे लिख सकता हूँ 1 ψ, बेटा इसी को तो रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि ये फार्मूला नहीं भाई, इसी से ही बनाए है ये, बस रिलेशंस पता होने के लिए चेकआउट किया जा रहा है। EMI देखते हैं, EMI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ईजी चैप्टर है, EMI AC सर्किट दोनों भी ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे फैराडे साहब आ गए और फैराडे साहब ने देखा कि d∅/dt होता है, फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस EMF तैयार होता है। एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट लिया, उन्होंने ऐसे 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 आगे पीछे मोशंस किया किसी मैग्नेट का, तो फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल में से, और उन्होंने देखा कि d∅/dt ये इंड्यूस EMF तैयार कर रहा है। ये नंबर्स ऑफ टर्न है, बाकी कुछ नहीं लगाया बच्चों। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B into A, बस इसी को डॉट प्रोडक्ट को, है ना, कॉस थीटा लिखते हैं, बस बाकी कुछ किया नहीं। ओके
चलिए लॉरेंस फोर्स ऑलरेडी हमारे पास था, ये लॉरेंस फोर्स अच्छी तरह से लिखना चाहिए, बराबर नहीं लिखा है, ये क्यू ई, ये क्यू है ना, ये वी क्रॉस बी है बेटा। और मैक्सिमम ईएमएफ अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटल की फ्रेम रखिए और इसमें एक रॉड रखोगे और इस रॉड को मोशंस करोगे बच्चों, तो ये रॉड रॉड नहीं रहता, ये बैटरी बनता है बच्चों, और वो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम तैयार कर सकता है बीएलवी। क्या है बेटा? बीएलवी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास वो रॉड अगर पॉइंटेड किया जाए, पॉइंटेड समझते हो, पॉइंटेड मतलब क्या, एक खिला लेके उसको ठोक दो और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ सब तरफ है ना, और उसको घुमा दो बच्चों ऐसे रोटेड, तब बेटा यहाँ पे ईएमएफ तैयार होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से 1/2 यहाँ पे बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा बेटा। ओके समझे आप? नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे शायद आपको पता हो एक सेमी सर्कुलर ऐसे है ना सर्कल लेते हैं है ना, यहाँ पे मैग्नेट और एक कॉइल होती है और इसी कॉइल में से हम लोग इसको ऐसे झुला देंगे, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करेंगे, तब इंड्यूस ईएमएफ तैयार होता बेटा। ध्यान रखना यहाँ पे d5/dt max या d5/dt max 2π θ0/t, ये फार्मूला याद रखो। हमारे पास कोई भी जैसे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल को अंदर रखा इसके अंदर और उसको बाहर निकालेंगे ऐसे, ये देखो ये बाहर निकालेंगे ऐसे वेलोसिटी से, तब इसमें पावर कितनी जनरेट होती है, वो होती है बेटा b² l² v² / r, राइट। अभी यहाँ पे कोई डेरिवेशन करके देने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वेयर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, l इज द लेंथ है बेटा, v इज द स्पीड है इसकी और r इज द रेजिस्टेंस होगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पता है, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इट्स सेल्फ फ्लक्स चेंज होता है बच्चों, तो वो फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर डिपेंड है, जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा, और इक्वल टू लिखना है तो भैया एक कांस्टेंट लिखना है और इसी का नाम है कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस ईएमएफ कितना तैयार होता है, तो -LdIdt बच्चों, इंडक्टर्स एक कॉइल होती है, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है सबको पता है, तो वो राउंड ये ऐसे 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 से राउंड करता है, रिंगल्स बनाता है, तो इसका मतलब है लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट सेम है, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते वैसे इंडक्टेंस में भी ऐड किया जाता है L1+L2+L3, ठीक है, और पैरेलल में अगर पैरेलल हो, ये पैरेलल कंडीशन हो, यही कंडीशन अगर पैरेलल हो तो 1/L टोटल निकालना है, तो रेसिप्रोकल किया जाता है 1/L1 1/L2 1/L3 ... समझे? अगर दो ही हो मेरे पास, कौन है बेटा पैरेलल में दो ही इंडक्टर, तो L1 L2 / L1+L2, या ऐसा हो पैरेलल में आइडेंटिकल तो L/N होगा बेटा, L/N, L इज द इंडक्टेंस, कोई भी एक रखना, N नंबर्स ऑफ कितने नंबर्स ऑफ इंडक्टर अपने पैरेलल लगाए डिवाइड बाय N करना है, ठीक है, वही चीजें है पैरेलल में, यस हाँ ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, वही बोल रहा हूं। आप देखते हैं बच्चों एनर्जी स्टोर इस, देखो हमारे पास एक कैपेसिटर था LC ऑक्सीलेटर, AC सर्किट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये देखो इसके पास जब एनर्जी होती है बेटा 1/2 q² / c, राइट, और इसके पास जो एनर्जी होती है 1/2 LI² याद आ रहा बेटा, यस। अगर कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर हो पूरी या पूरी एनर्जी स्टोर हो तब फार्मूला 1/2 q² / c, और यहाँ पे 1/2 LI² लगाते हैं, वही कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस ये फार्मूला उठाना है और यहाँ डाल दिया मैंने, ये है सी इज द कैपेसिटर और ये एल इज द इंडक्टेंस के पास, इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर रहती है 1/2 LI², इसके ऊपर सवाल आता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद में बेटा एनर्जी डेंसिटी, अभी अभी एनर्जी का फार्मूला देखा आपने 1/2 LI² बेटा, बस कुछ नहीं पर यूनिट वॉल्यूम करना है, तो ये फार्मूला मिलेगा आपको b² / 2 μ0, राइट है बच्चों, ये मिलता है। यहाँ पे
इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ रहा तो म्यू नॉट यन स्क्वायर, एक्चुअल में यल डिवाइड बाय ए, म्यू नॉट यन स्क्वायर ए फार्मूला, ऐसा फार्मूला है। ए इज द एरिया, एरिया का फार्मूला आपने देखा होगा बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर होगा बेटा डी बाई टू, तो एरिया क्या मिलेगा पाई ये डी स्क्वायर बाय फोर, समझे क्या पाई डी स्क्वायर बाय फोर एरिया की वैल्यू, एक्चुअल में यही फार्मूला है। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहला कॉइल दूसरे कॉइल के साथ है ना क्या संबंध कर रहा है, मतलब पहले में मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल में जाती है, वहां इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट टायर होता है, पता है ना, वही है बेटा फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई था, तो फ्लक्स इज इक्वल टू लिखना तो यम, यम इज द म्यूचुअल कोएफिशिएंट्स ऑफ इंडक्टर्स है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना तैयार करेगा तो म्यू सॉरी ई इज इक्वल टू यम डी आई बाई डी टी, है ना, ये तो लिंस लॉ बेटा जो हो रहा है इसको अपोज कर रहा है। ध्यान रखना अगर वो सेकेंडरी में है तो करंट प्राइमरी में होना चाहिए, अगर ईएमएफ प्राइमरी का हो तो करंट हमारा सेकेंडरी का होना चाहिए, राइट है बच्चों, ये बात समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूँ, स्मॉल एन एन बाय आया होता है, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग, कपलिंग क्या होता है, पहले कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो सेकेंडरी में कितनी जा रही है, इसी को कहते बच्चा कपलिंग होना, और इसका फार्मूला यम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एल वन अपॉन एल टू, ये के अगर हमारा 0.5 से बड़ा हो तो कपलिंग बहुत टाइट है, अच्छी है, के इज लेस देन 0.5 हो तो ये लूज बाउंड कर रहा है, मतलब पहले कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी में से कम जा रही है, इसका मतलब अब पहली केस है देखो इसमें से कितनी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, समझे। सेकेंड कंडीशन में ये जो कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई वो देखो पहले में से हुई दूसरे में से कम जा रही है ना, दूसरे में से कम जा रही बेटा, ये सेकंड कंडीशन, ओके समझे, एल वन इज इक्वल टू एल टू हो तो सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं उसको। चलिए जो मैंने बताया था वो आ गया, देखो बच्चों ये सेकेंडरी ओके ट्रांसफार्मर, मैं एक टर्न रेशियो लिख के दे रहा हूँ इसी के फार्मूले पे, सेकेंडरी का ये फार्मूला है, प्राइमरी के लिए पी लिखो, लेकिन मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ टर्न रेशियो कहते हैं इसको, ई एस अपॉन ई पी, एन एस इसके ऊपर सवाल आएगा है ना, एन पी ये आई पी अपॉन आई एस, इसको टर्न रेशियो कहते हैं। कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किया था क्या सर मैं ई पी अपॉन ई एस लिख सकता हूँ, तो एन पी अपॉन एन एस चलेगा बेटा, ध्यान रखना ये समप्रमाण है, मतलब ई एस लिखा तो एन एस लिखना, करंट इनवर्स है, बस इतना ध्यान जो बच्चा रखेगा सॉरी करंट ये आई एस अपॉन एन पी, बस हो सकता है लिख सकते कोई टेंशन मत लेना। आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, एफिशिएंसी निकालनी है, पावर होता है बेटा, पावर का फार्मूला होता है वी आई, हम लोग यहाँ पे बस ई आई लिख रहे बाकी कुछ नहीं, आउटपुट में सेकेंडरी कॉइल होती है, इनपुट में प्राइमरी कॉइल होती है, राइट है बच्चों, ये टर्न रेशियो लिखा है, कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग ऑलरेडी हो चुका है, एसी सर्किट के ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी। देखो यार एसी जनरेटर पढ़ा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वो करंट जो ईएमएफ जो तैयार करता है वो होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वैसे करंट इन दोनों के बीच का तो रिलेशन है इस चैप्टर में ज्यादा, करंट और ईएमएफ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, लीड मतलब आगे जाना, लैग मतलब पीछे जाना, है ना, तो ये फार्मूले दोनों सेम है, बस फाइ क्यों किया है ऐड, क्योंकि ये एक तो आगे हो सकता है पीछे हो सकता है। एवरेज करंट निकालना है किसी को, एवरेज करंट निकालना है बच्चों, एवरेज तो 0.637 से मल्टीप्लाई करो, ये आई नॉट क्या है सर, पिक वैल्यू, पिक क्या होता है सर, देखो ये ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है, तो पिक सबसे ज्यादा ऊपर गया उसको आई नॉट बोलना है ना, नीचे भी सबसे ज्यादा जब जाएगा भले वो माइनस होगा लेकिन पिक होगा, वैसे ईएमएफ का भी एवरेज निकालना है तो 0.637 ई नॉट एवरेज निकालना, लेकिन बच्चों ना तो हम एवरेज गिनते हैं, हम लोग जो गिनते हैं हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है सर, ऐसे क्यों, क्योंकि बच्चों हमारे पास जो साइकिल है इसमें देखो एक प्लस एक माइनस है, ऊपर वाली प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसीलिए फुल साइकिल लेना है तो हम लोगों को आरएमएस, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किसी नंबर का करेंगे तो वो पॉजिटिव ही मिलता है, इसलिए आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, वो आरएमएस होता है ई नॉट बाय रूट टू, रूट टू की वैल्यू वन ऐसी होती है, तो इसके कैलकुलेशंस किए गए 1.414 ये डिवीजन किया तो ये वैल्यू हमको मिला है, सेम टू सेम करंट का है, बस करंट के टाइम पे करंट लिखेंगे,
वो हीट कितना प्रोड्यूस करता है, आर आई स्क्वायर 2π/ω। राइट है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए यहां पे इंडक्टर, अब ये इंडक्टर क्या है सर, देखो ये इंडक्टर था ऐसा, इस इंडक्टर में हम लोगों को ओके ईएमएफ हमेशा ध्यान रखना यही रहेगा, ओनली करंट के अंदर मैंने फाई एंगल किया था। तो ये इंडक्टर एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, मतलब करंट अब कम हो जाएगा, और कम होने के नाते मैं यही इक्वेशन करंट का जो था मैं लिख के दे रहा हूं जनरल इक्वेशन, या आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा था, कुछ भी लिखा होगा। देखो अब यहां पे लैग कर रहा मतलब पीछे, तो कैसे लिखूं साइन ओमेगा टी, मतलब माइनस करना पड़ेगा सर, है ना, पाई बाय टू, ये 90 से ही फर्क होता है। देखो यही इक्वेशन बस माइनस पाई बाय टू कर रहा हूं, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है, और इंडक्टर एक रेजिस्टेंस है बच्चों इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं वो अपोज करेगा, इसलिए माइनस लिखा है, मतलब लैग कर रहा है, करंट लैग मतलब पीछे और ये मैप आगे होगा। ठीक है बेटा, और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है बेटा ओमेगा एल, ओमेगा पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं 2π n, n मतलब f होगा बस फ्रीक्वेंसी। राइट बेटा, ठीक है ना, कोई टेंशन है? अभी सेम टू सेम कैपेसिटर का सर्किट है, लेकिन ध्यान रखना है कैपेसिटर एक चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस है। क्या चार्ज को स्टोर, यहां पे भी ईएमएफ उतना ही, ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसका जो इक्वेशन है बच्चों ध्यान रखेंगे हम लोग, इसके इक्वेशन में हमारे पास करंट का जो इक्वेशन है वो ऐसा है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस करेंगे पाई बाय टू। सर यहां प्लस यहां माइनस क्यों बेटा, कैपेसिटर स्टोर कर रहा चार्ज को, चार्ज एक करंट होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये लीड करेगा, आगे है आगे, ये पीछे, मतलब इंडक्टर में करंट लैग करता है पीछे होता है, और कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा है आगे है। शायद इसका ग्राफ जो होता है ध्यान रखना ऐसा होता है, ये इसका EL आगे है और करंट पीछे है बेटा EL, ठीक है, और इसका जो फेसर डायग्राम होगी वो भी बताएंगे हम लोग आपको। तो यहां पे नहीं, गलत है सर, यहां पे हमारे पास ये ग्राफ जो है इसका फेसर डायग्राम, ये करंट होगा बेटा ऐसे, और देखो करंट आगे है और EMF पीछे, ऐसा लिख सकता हूं मैं ओके। अभी इसका यक्सी जो होता है ये होता बेटा 1/ωc, और ओमेगा पता है 2πfc, इसके ऊपर सवाल आएगा, ये भी पता होना चाहिए कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है बेटा। इंपीडेंस, इंडक्टर रेजिस्टेंस, देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक इंडक्टर है बेटा, चलो अलग मार्कर इस्तेमाल करें सर, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं फटाक से, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और एक रेजिस्टेंस होता है। राइट, यहाँ पे ठीक है ना, ऐसा ये इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये EL है, ये IL है, कैपेसिटर करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है, इसी यहाँ दोनों इन फेज है, ER और R, ठीक है ना बेटा, ये करंट इन फेज कहते हैं ओके, इन फेस। इसका इंपीडेंस निकाला गया तो इंपीडेंस मुझे ये मिल रहा है आर स्क्वायर, ये XL माइनस XC का स्क्वायर। अब LR सर्किट हो, LR सर्किट हो तो बेटा ये चला जाएगा, बचेगा क्या फिर, देखो आर स्क्वायर, ये XL स्क्वायर। LC सर्किट रहा है ना, RC सर्किट रहा तो ये आपको इंपीडेंस मिलेगा आर स्क्वायर और ये XC का स्क्वायर। कभी कभी XL इज इक्वल टू XC रेजोनेंस कहते इसको, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू R आता है, ये दिमाग की बत्ती जलाना पड़ती है बस, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो लिख रहा था वही है बेटा ये। अगर हमको एवरेज पावर निकालना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ये होता है, क्योंकि ये इन फेस है। मैं थोड़ा सा ये फार्मूले पे फोकस नहीं करने वाला हूँ, फार्मूला इसको फोकस किया जा रहा है, बताता क्यों। यहाँ पे ERMS बेटा RMS और यहाँ पे ERMS है, चलिए ये फोकस क्यों किया जा रहा है मैं बताता बेटा। मुझे बताओ ये और ये सेम है, मतलब ER और करंट सेम है, मतलब यहाँ पे ये जो फाई जीरो है, कॉस जीरो होता है बेटा वन,
अगर यहां रखू तो एवरेज पावर आपको मिलता है, देखो ई आर एम एस आई आर एम एस, ये वन रखने की जरूरत नहीं है एवरेज पावर। लेकिन वही इंडक्टर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करोगे तो दोनों का भी फेस 90 है सर, पाई बाय टू। क्यों बताओ, देखो ना बेटा ये और ये देखो 90 है कि नहीं है, ये ई एल आई एल, या करंट के बारे में देखो, सॉरी करंट के कैपेसिटर का जो देखना है उसके बारे में देखो, ये आई सी है और देखो 90 का ही फर्क है कि नहीं। तो फाइ 90 होगा, कॉस 90 सबको पता है जीरो होता है बेटा, अगर जीरो रखेगी तो ये सब जीरो होगा, इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर का एवरेज पावर कितना, जीरो। तो हमको पावर का एवरेज पावर का जनरल फार्मूला कौन सा लिखना है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ। उम्मीद करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जो कॉस फाइ ये कौन है, पावर फैक्टर बेटा, तो ट्रू पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, जेड मतलब इंपीडेंस है ना, कॉस फाइ, इसके ऊपर भी सवाल आता है आर बाय जेड, तो जेड एल आर सर्किट है या एल सी है, या झड़ की वैल्यू कभी कभी आर भी होती है, ये मैंने जैसे बताया आपको वही है, देखो कभी ये फार्मूला झड़का, कभी ये, कभी ये, कभी झड़ इज इक्वल टू आर रखना पड़ेगा, तो डरो मत, एक ही मतलब है। इसमें फेसर डायग्राम होती है, मैं ये एल सी आर सर्किट में जो होता है मैंने बता दिया, इम्पीडेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फेसर डायग्राम ऐसी लिखी जाती है, ये लीड कर रहा है, लीड मतलब आगे, ई सी माइनस लाइन पे क्यों, क्योंकि लैग कर रहा था, और ये है ई आर, ठीक है बेटा, ओके। तो ये इसी के थ्रू हम लोग ए इज इक्वल टू, तो पता है ना आपको एक्स आई इंटू एक्सएल, पता है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे, ए के जगह पे एक्सएल भी लिख सकते हैं, तो टैन फाई करेंगे बेटा, ये सबको पता होगा कि ये ई एल माइनस ई सी होना चाहिए, राइट। तो फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, टैन को इधर लेके जाऊँ, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स ही रख सकता हूँ, देखो ई एल माइनस एक्स ई सी मतलब रख सकते हैं ऐसे, अरे ई आर, ई आर मतलब सर रेजिस्टेंस, आर रखो बस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है या सिंपल आपके कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होते बेटा, जैसे कि मैं क्लैप करूँ अकेले और रूफ का घर तो कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन 50 बच्चों ने क्लैपिंग की, एक दो तीन, एक दो तीन, तो रूफ बेटा यहाँ पे हिलता है ऐसा, खड़खड़ा आवाज करता है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस चीज़ का, इसलिए रेजोनेंस, और वहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो मिल रही है मुझे 1/2 π√LC, ओके। यहाँ पे क्यों फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ क्या होता है, मोदी जी क्या पिच सुना है आपने, मोदी जी मन की बात, तो वो पीच की लोअर फ्रीक्वेंसी थी बच्चों 300 हर्ट्ज और हायर फ्रीक्वेंसी 3100 हर्ट्ज थी, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ता है, तो कितना हो रहा है 2800, तो इसकी बैंडविड थी बच्चों 2800 हर्ट्ज, ये बैंडविड कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो तो करंट पीक होता है बेटा, मैक्सिमम होता है वहाँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इम्पीडेंस कम होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 π√LC होती है, ध्यान रखना, ओके। चलिए पैरेलल में फार्मूला वही होता है, बट ध्यान क्या रखना है बच्चों, पैरेलल में करंट मिनिमम इंपीडेंस मैक्सिमम, डिस्टिंग्विश बिटवीन में ऐसे सवाल रहते थे बोर्ड में, लेकिन यहाँ पे MCQs आ सकता है इसके ऊपर, इसको रिजेक्टर सर्किट और एक्सपेक्टर सर्किट ये भी पढ़ना है, ये ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है, ऑलरेडी बताया बच्चों, ठीक है। अगला हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं ड्यूअल नेचर, तो चलो हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि चैप्टर बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस पर और इजी होते हैं, स्कोरिंग वाला चैप्टर है, तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग फॉर्मूलास। अच्छा इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन जो आ रहे होते हैं लाइट फोटोन्स के फॉर्म में आ रही होती है, तो वो फोटोन्स का एनर्जी होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, फोटोन्स का एनर्जी होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा भी पुट कर सकते हैं, न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, याद रखना एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। देन तो यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू न्यू की जगह सी बाय लैम्बडा पुट करके ये एच सी बाय लैम्बडा भी हो सकता है फॉर्मूला। देन
आगे हम लोग बढ़ते हैं मोमेंटम की ओर। ये P इक्वल्स टू E बाई सी याद कैसे रखें, E इक्वल्स टू याद रखना PC, PC मतलब याद रखो प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी जो है वो प्रियंका चोपड़ा के बराबर है, याद रखें E इक्वल्स टू PC। तो यहाँ से P इक्वल्स टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है, E इक्वल्स टू एच न्यू पुट कर दो और न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा पुट कर दो, तो सी सी कैंसिल होके P इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा मिलेगा और लैम्बडा इक्वल्स टू आपको मिलेगा एच बाय पी, जिसे हम लोग आगे जाकर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहेंगे। देन वर्क फंक्शन जो होता है, ये मिनिमम एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में लगता है, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी आफ्टर विच फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इमिटिंग। देन न्यू नॉट को सी बाय लैम्बडा पुट करो तो एच सी बाय लैम्बडा नॉट हो जाएगा, लैम्बडा नॉट मतलब रहेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू होता है जहां तक फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उससे आगे वेवलेंथ चला जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जिससे वो निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ एम बी स्क्वेयर मैक्सिमम। याद रखना जो भी फोटोन आ रहा है ई एनर्जी के साथ, उसकी सबसे पहले एनर्जी खर्च हो रही है वर्क फंक्शन फाई नॉट में, और बची हुई एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड से निकल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बोल सकते हो ई माइनस फाई नॉट, ई जहाँ पी होता है वो एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट के जगह में एच न्यू नॉट अगर पुट कर दूँ तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी हो जाएगा, न्यू के जगह सी बाय लैम्बडा तो एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। तो ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ लिस्ट डाउन किए गए। देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एक Q मल्टीप्लाइड बाई वी, वेयर यहाँ पे V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और V नॉट मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये ऐसा मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर फोटो करंट टेंस टू जीरो, फोटो करंट जीरो हो जाता है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूलाज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी के जगह ई वी नॉट पुट करके ई को इधर डिवाइड में भेज दो, ये वी नॉट मिलेगा, ये भी वी नॉट मिलेगा, ये न्यू के टर्म्स में, ये लैम्बडा के टर्म्स में। देन याद रखना है मोमेंटम में और एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट टू एम ई, ठीक है। इसे डिराइव भी किया जा सकता है बट समय गवाएंगे नहीं, फास्टली देखेंगे। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता था, एच बाय पी होता था, तो आप लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय पी के जगह अंडर रूट टू एम ई भी पुट कर सकते हो, और तो और मेरे भाई इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी qv मतलब e इनटू v, क्लियर हो गया। देन ये वही फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको डी ब्रॉगली में, ये मैं बता चुका हूं आपको, p मतलब होता है mv, और ये भी बता चुका हूं फॉर्मूला अभी जस्ट, ये उसके जगह पर अभी बताया है, और ये लैम्बडा अगर आपको चाहिए, ये यहाँ पर टू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट भी पता है। तो ये फॉर्मूला लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वी, वेयर वी वोल्ट में पुट कीजिए, लैम्बडा आपको नैनोमीटर्स में मिलेगा, ठीक है। चलो ये देन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी लिखा है ना, बस वही होता है। देन कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट, वो याद रखिए आप लोग इस चैप्टर में, इंटेंसिटी जो होता है ना, इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो फोटो करंट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या बढ़ जाता है, फोटो करंट बढ़ जाता है मेरे भाई, क्लियर। देन और एक चीज होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाने लगते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को, स्पीड मतलब बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना जितना स्पीड ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या, मान लो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था, ज्यादा स्पीड से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसे ज्यादा एनर्जी लगेगी रोकने में। तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। अभी देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, हाँ भाई इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ना ही है, ये ग्राफ ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन, देख लो फोटो करंट का और इंटेंसिटी का ग्राफ। देन आगे बढ़ते हुए देखेंगे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वैल्यू ज्यादा होता है मेरे भाई, भले ही निगेटिव में, निगेटिव ही तो चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निगेटिव पोटेंशियल होता है वो, ठीक है। देन
लास्टली इस चैप्टर में होता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इंटेंसिटी सेम भी हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। अगर मैं बोल दूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में फ्रीक्वेंसी तीसरे का ज्यादा था दूसरे से और दूसरे का ज्यादा था पहले से, तो ये हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट थर्ड का ज्यादा, देन वी नॉट ऑफ सेकेंड, देन वी नॉट ऑफ फर्स्ट, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पर। सीईटी 2024 एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है ग्राफ के, ठीक है। फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज वी नॉट रिमेन सेम बट आई नॉट चेंजेस। अच्छा, अलग अलग इंटेंसिटी है। अरे यार, इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं करता मेरे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो कि होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। चलो, तो ये हुआ आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अभी हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाते हैं, जो कि अगला चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे, क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आपको जो रेडियस एनर्जी वाले जो बड़े बड़े फार्मूलाज है, रट्टा मारने से अच्छा है डिराइव कर लो 2-3 बार, आपको याद रहेगा कैसे निकालना है। क्योंकि रट्टा मारोगे थोड़ा बहुत भी कुछ भूल जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। चलो, देन फर्स्ट फार्मूला आता है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/लैम्डा, ये होता है फार्मूला आर इंटू जेड स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1/n² - 1/m², वेयर आर मतलब होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, आर होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है m e^4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e^4 डिवाइडेड बाय 8c ε₀ h³, ठीक है। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, n और m क्या होते हैं, n और m मतलब याद रखना ऐसे ऑर्बिट्स होते थे। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आके गिर रहा है, तो ये जो नंबर रहेगा ये m और ये रहेगा n, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है वो m और कहां आकर गिर रहा है वो होता है n। चलो, तो n और m भी क्लियर हो गया। देन एंगुलर मोमेंटम होता है l = mvr, तो बोहर ने कहा था ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, तो ये हो जाएगा nh/2π। देन रेडियस इन nth बोहर ऑर्बिट, ये फॉर्मूला मैंने बताया, यही फॉर्मूले की बात कर रहा था कि ये डायरेक्टली याद ना रखते हुए डेरिवेशन 2-3 बार लिख लीजिएगा, ये याद रख सकते हो आप लोग कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब n होता क्या है, n होता है शेल नंबर, या इसे आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हो, इसे आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की ओर हम लोग। इधर क्या है, एंगुलर स्पीड। अच्छा, v इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, ओमेगा इंटू आर, या आर ओमेगा बोल दो। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाय आर। वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ओमेगा का रिलेशन आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, उसका ये फॉर्मूला होता है। देन लीनियर मोमेंटम जो है वो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये होता है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के क्यूब को। देन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसके साथ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरूर रहेगा, उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन आता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 4। देन हम लोग बढ़ते हैं आगे, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल। मान लो ऐसे एनर्जी लेवल से, इसका एनर्जी लेवल E2 था, इसका एनर्जी E1 था, आपको अगर डेल्टा E पूछ लिया जाए तो आप लोग लिखोगे E2 - E1, या उसे आप लोग h·ν भी लिख सकते हो, वेयर ν इज फ्रीक्वेंसी। देन एनर्जी इन nth बोर ऑर्बिट लिखते हुए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, En = −13.6 z²/n², वेयर z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, n मतलब होता है शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअल E का फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल E का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम लोग बाद में कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू रिपुट करके ये मिल जाता है। इधर एनर्जी होता है हमारा ईवी के अंदर, ठीक है, इधर एनर्जी होता है ईवी के अंदर। देन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये ऐसे मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², क्योंकि ओवरऑल पूरा एनर्जी ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n² को, तो काइनेटिक और पोटेंशियल अलग से क्या ही कर लेंगे भाई, अकेले वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेंगे n² के। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग बोर्स के पोस्टुलेट की ओर। तो बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में उसे कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है mv² / r की, जो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से,
जो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। देन सेकेंड पॉस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इलेक्ट्रॉन का mvr, वो रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, उसे आप लोग nh बाय 2 पाई भी बोल सकते हो। देन एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, मैं आपको बोल चुका हूँ। और एक चीज याद रखना, बोर्स मॉडल जो होता है ना, बोर्स मॉडल का एक ड्रॉबैक है, बोर्स मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल होता है, बोर्स मॉडल सिर्फ एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ओके, क्लियर। देन थर्ड पॉस्टुलेट तो हमने देख लिया है, एनर्जी लेवल जो होता है वो एच न्यू के बराबर होता है। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लीमन सीरीज, सीरीज के नाम याद रखिए, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन हमफेरी, हमफेरी याद या नहीं है, सिक्स नंबर का याद रख सकते हो आप लोग अगर नाम पूछ ले तो, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन हमफेरी, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन हमफेरी, लीमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन हमफेरी। सर ये क्या कर रहे हो ऐसा? अरे ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन भी इंपॉर्टेंट है। लीमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन आके टपकेगा एन इक्वल्स टू वन में, एन इक्वल्स टू वन में ही आएगा लीमन है तो। अच्छा, और m का वैल्यू सर, m तो 2, 3, 4 कहीं से भी आने दो ना, इन्फिनिटी तक कहीं से भी आने दो, बाल्मर में वो n इक्वल्स टू 2 में ही आके गिरेगा। लीमन में अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, बाल्मर में विजिबल रीजन होता है, बाल्मर देख सकता है ऐसे याद रखो, तो वो विजिबल रीजन कहलाते हैं हम लोग उसे। देन पाश्चन सीरीज में n इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू तो फिर 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। नियर इंफ्रारेड रीजन, ये मिडल इंफ्रारेड रीजन, ये फार इंफ्रारेड रीजन। देखो पहले अल्ट्रा वायलेट, फिर बाल्मर देख सकता है तो विजिबल, फिर नियर इंफ्रारेड, फिर मिडल इंफ्रारेड और फिर इंफ्रारेड से दूर फार इंफ्रारेड। चलो ये हो गया आपके सब। हम फेरी में n इक्वल्स टू होता है 6 और m होते हैं 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक। देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन होते हैं, जो कि होता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल दो हमें बताया पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है। देन न्यूक्लियस का रेडियस होता है r इक्वल्स टू r नॉट ए रेस टू पावर 1/3, वेयर r नॉट मतलब r नॉट का वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट होता है r नॉट, जो कि होता है 1.2 फर्मी। देन न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है रो 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r नॉट का क्यूब, यहाँ पे m कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, r नॉट कॉन्स्टेंट, m मतलब मास होता है एक न्यूक्लियस का, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास होता है। इसकी वजह से डेंसिटी ऑफ हर एटम के डेंसिटी, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी, हर एक एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कांस्टेंट डेंसिटी में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बढ़ते बढ़ते जाए, बढ़ाना वो डिफिकल्ट है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए हायर एटमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, क्योंकि सेम डेंसिटी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में मास मेजर करने में चेंज आता है, उसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब ये एक्सपेरिमेंटल मास होता है, एम पी मतलब प्रोटॉन का मास, एम एन मतलब न्यूट्रॉन का मास, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब मास नंबर। देन आता है बाइंडिंग एनर्जी वाला टर्म, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। उसके पहले बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर आता है, इसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल क्या, नहीं, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा ऊपर जो यहां पर लिखा हुआ है, डेल्टा एम और सी स्क्वायर के साथ डिवाइड बाय ए कर देना। देन आता है रेडियो एक्टिव डीके, डीके बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा डीके मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा मतलब हेलियम निकलता है, हेलियम 2 और ये 4 होता है तो ये जेड माइनस 2 और 4 चला गया तो ए माइनस 4। देन बीटा डीके आता है, बीटा डीके में भी बीटा निगेटिव डीके आता है और बीटा पॉजिटिव डीके आता है। बीटा निगेटिव डीके में क्या याद रखोगे, बीटा निगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, कंपैरिजन बता ही दूंगा। ये जो दिया है ये आपका निगेटिव, बीटा निगेटिव है, यहाँ पे ई माइनस निकला तो आप याद रखना यहाँ पे जेड प्लस वन और ए लिखोगे, एंटी न्यूट्रिनो साथ में बाहर निकलेगा। देन इसके बाद बीटा प्लस डीके में क्या होता है, जेड ए, बीटा प्लस डीके में वाई, जेड माइनस ए, जेड माइनस वन ए प्लस ई प्लस और यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, किसमें, बीटा
पॉजिटिव डीके में, ठीक है। देन अल्फा गामा डीके क्या होता है, याद रखना अल्फा डीके बीटा डीके के बाद भी अगर कोई न्यूक्लियस स्टेबल ना हो तो ही वो गामा डीके की तरफ जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। इसमें एक्साइटेड और रिलैक्स, ये एक्स वही होता है, बस गामा रेडिएशंस निकलने लगते हैं। देन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पे क्वेश्चन आ सकता है चांसेस है। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो मतलब ऐसे चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जो स्पिन के वजह से होता है। क्लॉकवाइज स्पिन मतलब न्यूट्रिनो, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मतलब एंटी न्यूट्रिनो, इसी वजह से उनको नाम दे दिए गए, वो चार्जलेस और मासलेस होते हैं। चलो देन आता है डीके लॉ। डीके लॉ मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच गए, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच गए हैं, उसे हम लोग कहते हैं डीके लॉ, जो कि होता है एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन एट टाइम टी इज इक्वल टू एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस लैम्डा टी। सेम यहाँ पर आप एक्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, जिस न्यूक्लियस का एक्टिविटी ज्यादा वो जल्दी डीके हो जाएगा। देन आता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे हो जाते हैं वहां पर, उसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। देन एवरेज लाइफ मतलब क्या, एवरेज हम लोग कभी भी मेजर करते तो वही एवरेज लाइफ होता है टी इक्वल टू वन बाय लैम्डा। हाफ लाइफ का और एवरेज लाइफ का रिलेशन होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ, वेयर टाउ मीन्स होता है एवरेज लाइफ, टाउ मीन्स होता है एवरेज लाइफ। चलो देन ये इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 31 केजी, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.63 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 34 जूल सेकंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, एक ईवी मतलब कितना होता है ये याद रखिए, कई कई यूनिट कन्वर्जन एमसीक्यूज में भी यूज हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है, स्पेसिफिक चार्ज भी पता है हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अभी हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं जो कि आपका ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चलो इस चैप्टर में फॉर्मूलेस भले ही बहुत कम हो बट लॉजिक गेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो जीनर डायोड, डायोड तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे ऐसे क्रॉस दंडी दिखा दो तो ये जीनर डायोड कहलाता है। देन फोटो डायोड का सिंबल, फोटो डायोड पर लाइट आने दिया जाता है इसलिए ये इनकमिंग एरो का सिंबल है, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड, यही एलईडी अगर होता तो एलईडी के लिए हम लोग बाहर दिखाते हैं ये एरोस, क्योंकि लाइट एलईडी से बाहर निकलता है। देन आता है फिल्टर सर्किट, उसमें रिपल फैक्टर आता है फॉर्मूला, रिपल फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है जो कि होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। देन आता है जीनर रेगुलेटर, जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, उसमें करंट कितना फ्लो होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय R, तो ये VS माइनस VZ, VS मतलब सीरीज वाला वोल्टेज और Z मतलब जीनर डायोड वाला डिवाइडेड बाय RS मतलब सीरीज वाला माइनस IL लोड करंट, और R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, R इक्वल्स टू हो जाता है V बाय I, तो VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय IMAX। ये फॉर्मूलेज याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। देन आप आते हो गेट्स पर, गेट्स पर आते हो, नॉट गेट क्या करता है, आपका इनपुट हमेशा लॉजिक गेट्स में 1 या 0 ही होता है क्योंकि 0 वोल्ट और 5 वोल्ट में वो वैरी करता है, तो आप 0 वोल्ट को 0 कहते हो, 5 वोल्ट को 1 कहते हो। नॉट गेट करता क्या है, उल्टा कर देता है, अगर 0 इनपुट है तो 1 कर देगा, 1 इनपुट है तो 0 आउटपुट कर देगा। लॉजिक गेट सिंपली होता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने भी दे दो आउटपुट एक ही मिलेगा। देन OR गेट आता है, OR गेट का सिंबल ऐसे होता है, OR गेट काम क्या करता है आपका, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, और गेट काम ऐसे करता है आपका कि दोनों में से कोई भी इनपुट अगर मैक्सिमम है तो वो आउटपुट भी मैक्सिमम ही देगा। देखो 0 0 है तो 0 देगा, 1 0 है तो 1 देगा, 1 0 1 है तो 1 देगा, 1 1 है तो 1 देगा, और इसका सिंबल होता है नॉट गेट का, ऐसे बार बनाया जाता है इस पर, अगर आप बोलो तो x इक्वल्स टू x बार इक्वल्स टू y अगर लिख दूं तो ऐसे हो जाएगा। नॉट गेट और गेट को भी नॉर गेट बनाया जा सकता है, उसके नाक पर ऐसे जोकर जैसा गोल लगा दीजिएगा, वो नॉर गेट हो गया। ऐसे गोल लगाए अगर गेट के आगे नाक के ऊपर गेट के, तो उसे समझ लेना नॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे और गेट को दिखाया जाता है प्लस से, y इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, नॉर गेट जो मैंने अभी बताया आपको, y इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस बी और गेट था, नॉर मतलब यहां पर बार देना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पर दिया हुआ है। देन आता है एंड गेट, मतलब क्या, दोनों आउटपुट हाई होते हैं तो ही, दोनों इनपुट हाई होते हैं तो ही आउटपुट हाई मिलता है। 0 0 है तो 0 देगा, 1 0 तो भी 0 देगा, 0 1 है तो भी 0 देगा, लेकिन 1 1 है तो 1 देगा। ये आइसक्रीम के स्टिक जैसा होता है, ऐसे आइसक्रीम आती थी पहले चोकोबार, बस वैसे ही ये एंड गेट हो गया, ठीक है।
इसको नॉट गेट लगाया जा सकता है, नॉट गेट कहते हैं हम लोग उसे। कैसे? ये आइसक्रीम, इस पर एक जोकर वाला वो गोल, और ये हो गया आपका नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जो आउटपुट आना होता है उसे उल्टा कर देता है, ऑपोजिट कर देता है उस आउटपुट को। देन आता है एक्स ऑर गेट। एक्स ऑर गेट मतलब होता है इसे, हाँ एंड गेट को आपको दिखाया जाता है, एंड गेट को ए डॉट बी से, डॉट से एंड गेट दिखाया जाता है, और ये तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। देन एक्स ऑर गेट या एक्सक्लूसिव ऑर गेट कहते हैं, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस ऐसे सर्कल बी। इसका मतलब होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, बस सिंपली ऐसे होता है, इसे आप लोग एक्स ऑर गेट कहते हो, ठीक है। देन एलईडी का सिंबल मैं बता चुका हूं। देन एक चीज याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भी कई कई ट्रिक्स में यूज होता है। ये होता है, इसका क्या होता है मीनिंग, इसमें होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये होता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मतलब आप कहीं भी लाइन ब्रेक करो, मान लो मैंने ऐसे लिखा है वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, शॉर्ट में बता रहा हूं बहुत, तो आप इसका लाइन ब्रेक करोगे, मतलब ए बार बी बार अलग लिखना है तो डॉट का होता है प्लस, या अगर आप लिखो ए प्लस बी का बार, तो आप यहां पर लाइन ब्रेक कर रहे हो, ए बार बी बार लिख रहे हो, तो प्लस के जगह आएगा डॉट। बस ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलईडी बता दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन्स। एक होता है डीसी करंट गेन। अच्छा, अल्फा और बीटा में याद कैसे रखोगे यार, इधर भी आईसी है, इधर भी आईसी है, लेकिन बीटा के साथ आईबी है बेस करंट, बीटा के साथ आईबी है बेस करंट। अरे यार ये निकल क्यों नहीं रहा है भाई। बीटा के साथ आईबी है बेस करंट, और इसके साथ इमीटर, इमीटर बेस कलेक्टर होता है ना, तो इधर आईसी बाय आईई, इधर आईसी बाय आईबी। अल्फा होता है डीसी करंट गेन, और बीटा होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। उन दोनों के बीच का ये रिलेशन याद रखिए, रिलेशन भी लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। देन ये वही रिलेशन, बीटा होता है आईसी बाय आईबी, मैंने बता चुका हूं। एसी करंट गेन भी कहते हैं हम लोग उसे, ये डीसी करंट गेन, ये एसी करंट गेन। एवी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा। चलो देन आता है सीरीज रेजिस्टेंस आरएस। ये हम लोग देख चुके हैं पीछे, जीनर वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू आई आर, तो VZ इक्वल्स टू आई एल आर एल। करंट गेन ऑफ ट्रांजिशन, याद रखना इमीटर से जो भी करंट जाएगा वो बेस में जाएगा और कलेक्टर में जाएगा। ऑलमोस्ट अगर ये 100% करंट जा रहा है तो बेस करंट 10% ही लेगा, 90% करंट कलेक्टर में जाएगा, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डेल्टा VCE बाय IC। वोल्टेज गेन AV, जो हमने पीछे भी देखा AV के, ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखिए। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो तो यहां पर खत्म होता है आपका 12th का सिलेबस। उम्मीद है सब लोगों को मजा आया होगा इस केस में, सेमी इस लेक्चर में, इस महामैराथन सेशन में आप लोगों को मजा आया, बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। तो बस यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू। मोशन इन प्लेन, जो कि 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले आता है वेलोसिटी और स्पीड, कंपेयर करके पढ़िए, आपको फॉर्मूला जल्दी याद रह जाएंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो वो होता है dx by dt। वैसे ही एक्सेलरेशन पे आने के बाद, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब पर सेकेंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है, ये आपको एक्सेलरेशन देखने पर पता चलता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। देन आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ठीक है, सेम जैसे वेलोसिटी के लिए था। देन आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आता है काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस। वो होते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहां पर वी मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, U मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब टाइम, और S होता है डिस्प्लेसमेंट,
जिसे कि हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कितना डिस्टेंस कवर किया। देन आता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो अगर मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसे ऐसे रीड किया जाता है, इसे हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, इसे हम लोग लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखना है तो वो वी बी माइनस वी ए लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हुए, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल हम लोगों को पता है क्या होता है, कितने प्रोजेक्टाइल में पैरामीटर्स होते हैं, यू मतलब कौन से वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देन y इक्वल्स टू, ये जो होता है इसे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, जो होता है y इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू x माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, x मतलब पोजीशन बताएगा पार्टिकल की, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाकी x तो आपको बता ही चुका हूं मैं। देन ux मतलब क्या, देखो ऐसे u इनिशियल वेलोसिटी होती है थीटा एंगल पर, तो इसे रिजॉल्व कर दोगे तो आपको मिलता है u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल में जो कभी चेंज नहीं होता है वेलोसिटी का, और ये होता है u sin थीटा। देखो u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल एंड u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। देन आता है टाइम कितना लगा प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल जो होता है उसको टाइम कितना लगता है, हवा में कितनी देर रहता है वो, ठीक है, टू अटेन मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से अगर प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो तो यहां तक का है वो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है, ठीक है, यहां तक टाइम लगता है उसको u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। देन इधर भी उतना ही टाइम लगता है, इसे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट और इसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, दोनों भी सेम होते हैं, दोनों को ऐड कर दे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कितने टाइम के लिए हवा में था, वो होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन कितना रहेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। देन आते मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट, ये ऐसे होता है ना प्रोजेक्टाइल, तो ये हाइट कितना अटेंड करेगा, तो वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यहां से फायर करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना चलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। देखो यहां पर u स्क्वायर, यहां पे sin 2 थीटा को 2 sin थीटा into cos थीटा भी लिखा जाता है, वही लिखा है यहां पर। देन मैक्सिमम रेंज कहां मिलता है, 45 डिग्री पे मिलता है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है u स्क्वायर बाय g। मिनिमम रेंज कम से कम, कुछ जाएगा ही नहीं तो कम से कम रेंज जीरो होगा। देन ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का दोनों भी फॉर्मूले सेम है, बस यहां पे एक्सपांड करके लिखा है साइन टू थीटा वाला। देन व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, मान लो ऐसे ही थ्रो कर दिया, वो यहां पे वापस आके गिरेगा, तो थीटा 90 डिग्री लेने के बाद मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये होता है आपका मैक्सिमम हाइट जब वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए। देन हम लोग सर्कुलर मोशन वाले पार्ट पर अगर आते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, इसे हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ एस और रेडियस आर। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, वैसे ही इधर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो कि होता है थीटा डिवाइडेड बाय टी। देन हम लोग आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन पर, उधर एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, उसे हम लोग कहेंगे अल्फा। देन याद रखना इधर एस होता है उधर थीटा, इधर वी होता है उधर ओमेगा, इधर ए होता है उधर अल्फा, इनका रिलेशन याद रखना इक्वल टू आर आर आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रोटेशनल डायनेमिक्स में भी यूज में आते हैं। देन ये रिलेशन वेक्टर फॉर्म में याद रखना, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसे आप लोग उल्टा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चलो देन अल्फा का, ए और अल्फा का रिलेशन, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा। देन एक चीज आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, उसे आप लोग एन इक्वल्स टू वन बाय टी भी बताते हो। टी मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक सर्कुलर मोशन या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा उसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये होता है टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी, या उसे आप लोग 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट करके। चलो देन आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, जो होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन,
देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अलग अलग फॉर्म कौन से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलर मोशन में, उसके फॉर्मूले याद रखो वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर और एक होता है वी ओमेगा, तीनों भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां पर लिखे हुए हैं तीनों भी फॉर्मूलाज वही है बोर्ड पर। देन सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, एम ए पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m a के जगह v स्क्वायर बाय r पुट कर दो, a के जगह r ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, a के जगह v ओमेगा पुट कर दो, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जो कि यहां लिखे हुए वेक्टर फॉर्म के अंदर जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो देन आगे बढ़ते हुए एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब, बॉब मतलब क्या, पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम सिंपल पेंडुलम, उसका बॉब को कितना टाइम पीरियड लगता है, पीरियड ऑफ बॉब कितना होता है, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है, ये कोनिकल पेंडुलम का है, ये किसका है, कोनिकल पेंडुलम का, करेक्ट। देन एंगुलर स्पीड कितना होगा, अंडर रूट जी टैन थीटा बाय आर, आर मतलब रेडियस, देन पीरियड ऑफ बॉब टू पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा, ओके। देन लीनियर स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, अच्छा ये जो भी हम लोग देख रहे हैं पीछे ये पूरा का पूरा कोनिकल पेंडुलम वाला केस है, किसका केस है, कोनिकल पेंडुलम वाला, ये टाइम पीरियड भी कोनिकल पेंडुलम का ही देखा है हम लोगों ने। चलो देन आते हैं हम लोग लीनियर स्पीड ऑफ बॉब, अच्छा कोनिकल पेंडुलम का जो बॉब घूमता है ऐसे तो उसका कुछ ना कुछ लीनियर स्पीड रहेगा, तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा वी इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, उसे आप स्क्वेयर करके अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो, आप लोग थीटा भी निकाल सकते हो, विच इज थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, क्लियर हुआ। चलो तो ये हुआ आपका मोशन इन प्लेन चैप्टर के, आगे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूलाज। चलो तो अभी हम लोग अगला चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है लॉज ऑफ मोशन। चलो लॉज ऑफ मोशन में अभी हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे, देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये हमें पता है, इसे हम लोग एफ से भी डिनोट करते कर सकते हैं, विच इज जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एम वन एम टू मतलब मास ऑफ टू पार्टिकल्स जिनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, आर मतलब उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। देन आता है मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है पी इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है आपको तो ये याद रखना है। देन न्यूटन्स के लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, तो एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और पी इक्वल्स टू क्या होता है एम वी, तो यहाँ पे आप जब उसको डिफरेंशिएट कर दोगे एम ए को एम वी को तो आपको मिलेगा एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है यहाँ पे एफ होना चाहिए आपको मिलेगा एफ इक्वल्स टू एम ए, बट ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सही नहीं है, ये कब वैलिड होता है जब बॉडी का मास कांस्टेंट हो, ठीक है अगर बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं है तो आप लोग सिंपली डी पी बाय डी टी में पी के जगह एम वी पुट कर सिंपली यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो वैल्यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसे आप वी माइनस यू बाय टी लिख सकते हो। देन इंपल्स मतलब क्या होता है, इंपल्स मतलब जो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू लगे फोर्स का, बैट और बॉल वाला एग्जांपल, बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में होते हैं पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो वो इंपल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो चेंज इन मोमेंटम से, या इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन एफ डी टी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है हमें, देन इंपल्स मतलब जे इक्वल्स टू एफ इंटू टी मैंने अभी बताया आपको, या चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी माइनस एम यू, इनिशियल मोमेंटम एम यू फाइनल मोमेंटम एम वी। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम कंजर्व जब भी होता है मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू मान लो दो पार्टिकल्स का इनिशियल मोमेंटम था और ये फाइनल मोमेंटम एम वन वी वन इंटू एम टू वी टू। अच्छा ये कब होता है, जब कोलिजन होता है ना, कोलिजन किसी भी टाइप का होने दो, कोलिजन तीन टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, इसलिए आप लोग लिख सकते हो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देन अगर दो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, मान लो ये चल रहा है यू वन वेलोसिटी से, विच इज यू वन इज ग्रेटर देन यू टू, ये चल रहा है यू टू वेलोसिटी से, ठीक है इसका मास एम टू,
इसका मास m1, ये टकराने के बाद इनका वेलोसिटी इसका v1 हो जाता है, इसका v2 हो जाता है। तो वो निकालने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, v1 मतलब पहले पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, v2 मतलब दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वैल्यू e का डिपेंड करता है कोलिजन कौन सा, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशियो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो। इसका मतलब क्या है, सिंपली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब टकराने के बाद कितने वेलोसिटी, दूर दूर जा रहे हैं ना टकराने के बाद, तो टकराने के बाद उनका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स का, उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं, और टकराने से पहले वाले वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, ठीक है। टकराने के बाद v1 माइनस v2, टकराने से पहले u2 माइनस u1। चलो देन टॉर्क नाम का एक चीज होता है जो आप रोटेशनल डायनामिक्स में भी पढ़ते हो। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसे आप आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हो, या इसे आप आर परपेंडिकुलर एफ भी लिख सकते हो, या इसे आप आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मूलाज एक ही चीज है, ठीक है, बस फॉर्मेट अलग अलग है, कहां क्या यूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो देन सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो आप लोग, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसे आप लिख सकते हो, एक लिख के बताता हूं, वाई और जेड का आप याद रखो। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे चलता होता चलता रहता है। ये चीजें आपकी होती है सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर जो होता है सेंटर ऑफ मास का, अगर पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1, दूसरे का r2, तो पोजीशन वेक्टर r आप लिखते हो m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divided by m1 plus m2 plus m3। अगर सेंटर ऑफ मास जो है दो बॉडीज का मूव नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वही जगह पर रह रहा है, तो आप लोग लिख सकते हो m1 r1 is equals to m2 r2। चलो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन आता है इलास्टिक कोलिजन, मैंने कोलिजन के बारे में बताया, इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम सब में कंजर्व होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन एक मेव कोलिजन ऐसा है अकेला जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, ठीक है। देन इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं है। चलो देन लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे स्पेशल है, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं बहुत अलग अलग केसेस में। देखो इसमें क्या होता है, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, याद रखना लिफ्ट जब भी नीचे जा रही होती है हमें वेट कम हुए जैसा फील होता है, इसलिए हम लोग W इज इक्वल्स टू कम होना मतलब G माइनस ए करेंगे, और लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है तो हमें लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, तो इसलिए हमें बढ़ना मतलब प्लस करना, इसलिए ये लिख रहा हो। चलो यहां तक क्लियर है सभी लोगों को। अब देखने वाले बच्चों हम लोग ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ये जो चैप्टर है क्लास 11 में भले है लेकिन सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इस चैप्टर में 11 में से आते हैं। ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो बढ़ते हैं आगे, सिंपल सिंपल, सबसे पहले सभी को पता होगा ग्रेविटेशन लॉ जो है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के ऊपर डिपेंड है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है बच्चों, और इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, इसकी cgs वैल्यू भी कभी कभी पूछते हैं। तो इसलिए एस यूनिट है 6.67 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। और cgs में 10^-8 आता बेटा, लेकिन ये cgs यूनिट है, ध्यान रखना, गॉट इट। अगर आप कोई हाइट पे, हम लोगों को अगर फोर्स निकालना है कुछ हाइट पे, आर सरफेस है इस हाइट पे, तो कुछ नहीं बच्चों, एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस होता है ये जो, और ये हाइट है, तो ये अंतर होता है, आर मतलब ये अंतर है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में फर्क होता है। कैपिटल जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, मतलब ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ वो फार्मूला लागू होता है, और स्मॉल जी ये अर्थ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग प्लेनेट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जी की वैल्यू अर्थ पे 9.8 अप्रोक्सीमेटली बोली गई है, लेकिन एक्चुअल वे स्मॉल जी भी वेरिएबल वैल्यू होती है, ध्यान रखना। तो चलिए, तो अर्थ सरफेस पे अगर ग्रेविटी गिनना है तो स्मॉल जी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है,
ओके बच्चों, ये जी जो है बच्चों, अगर आपको डेंसिटी के थ्रू चाहिए तो 4/3 पाई आर रो जी होता है फार्मूला। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउ द अर्थ सरफेस हो, मतलब ये अर्थ सरफेस है और यहाँ है बच्चों, तो ये एच होगा और ये आर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, फार्मूला सेम है, बस आर प्लस एच क्योंकि हाइट पे है। इसलिए एक्चुअली जी वेरिएशन होता है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अबाउ द अर्थ सरफेस पे ये फार्मूला लागू होगा बेटा, जी एच इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते जी ब्रैकेट में आर, ये आर प्लस एच स्क्वेयर होगा बेटा। समझ में आ रहा है? उसके अलावा यहां पे ये जो फार्मूला है ना, ये वेरिएशन जी हो रहा है। मैं थोड़े से खुद से फार्मूले लिख के दूँ आपको तो अच्छा रहेगा। ये एक जी एच और एक फार्मूला जी, ये 1 - 2H / R, ऐसा भी एक फार्मूला बेटा। सर इन दोनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? बेटा अगर आपका एच रेडियस ऑफ आर से छोटा हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6400 किलोमीटर। या ये बच्चों, अगर एच उससे छोटा हो तो ये फार्मूला, और आर इज इक्वल टू कंपेरेटिवली इक्वल हो तब ये फार्मूला। समझ में आ रहा है? ये तो अबव सरफेस पे, जैसे जैसे जाओगे वैसे ग्रेविटी कम हो रही है, वैसे बेटा नीचे आओगे डेप्थ अर्थ अंदर है ना, तो फार्मूला होता है बेटा 1 - d·r, d इज द डेप्थ, डेप्थ ऑफ द अर्थ बेटा। समझ में आ रहा है? मतलब वेरिएशन हो रहा है जी का, और रोटेशन करे अर्थ, देखो हाइट पे जाओ ऊपर भी जाओ तो ग्रेविटी कम, नीचे जाओ तो भी कम, सबसे ज्यादा कहां, ऑन द अर्थ सरफेस पे, ध्यान रखना ठीक है, सरफेस पे। और यहां पे जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, माइनस बच्चों ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बोलो लैम्बडा बोलो कोई टेंशन नहीं, ये रोटेशन जब अर्थ करती है तब का फार्मूला है। अगर वेट बोला तो फार्मूला वही है बेटा, देखो ये बस वेट बोला है। अब वेट करने के लिए कुछ नहीं, इसको यम से मल्टीप्लाई करते, यम से मल्टीप्लाई करते तो ये फार्मूला मिलता, राइट? यहां पे भी देखो सेम फार्मूला, ये भी डेप्थ का, बस वेट किया है, यम जी यम जी यम से मल्टीप्लाई करो, ये फार्मूला मिल जाएंगे आपको, अलग नहीं है। मतलब ज्यादा फार्मूले तैयार करने की जरूरत नहीं। क्रिटिकल स्पीड क्या होती है? क्रिटिकल स्पीड मतलब ऑर्बिटल स्पीड, मतलब कोई चीज, इस मार्कर को अगर आपको अर्थ के अगल बगल घुमाना है तो ये मार्कर इतना जोर से फेंको, कितना, इतना जोर से फेंको बच्चों ताकि वो रिवॉल्व करता रहे, तो इसके लिए बच्चों स्पीड होती है, इसी को क्रिटिकल या ऑर्बिटल, इतना मतलब मैं बोलूंगा कितना, ठीक है, जी एम अपॉन आर, आर भी लिख सकते हो और हाइट पे तो एच लिख सकते हो। इसकी वाले एक सिंपल सी एक जी आर ऐसे भी लिखते हैं, और इसका कैलकुलेशन किया गया तो 8 किलोमीटर/h इतनी क्रिटिकल स्पीड होती है बच्चों, राइट? जो कि यहां लिखी है, अगर 8 किलोमीटर/s में, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर इसकी रफ्तार रहेगी तो वो रिवॉल्व करते रहेगा। बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलग अलग फार्मूले दिए वाले हैं, जैसे मैंने आरजी बोला था अभी अभी आपको, है ना, उसी को बेटा है ना डेंसिटी के फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ेगा। पीरियड रहा तो इसको ऐसा लिखो या ऐसा भी, एक ही फार्मूला है बस, ये आर क्यूब डिवाइड बाई जी एम, लेकिन ये स्मॉल जो आर होता है ये आर प्लस एच बेटा, समझे क्या, ये और एक ही फार्मूला है। ओके, आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे लेकिन इतने नहीं होते, समझे ना। चलिए, जैसे कि पीरियड का फार्मूला और एक लिखा है जो मैंने लिखा था, आर क्यूब डिवाइड बाई जी एम, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करना है अर्थ के बगल में भाई तो कितने घंटे लगते हैं, 1.41 आवर्स और मिनट 84.6, और कितने सेकंड, 5000 है ना, 5007 सेकंड लगते हैं। जैसे कि अगर आपको यही फार्मूला डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए तो √3π/ρg ये बनाना पड़ते, मतलब मास की वैल्यू, वैल्यूम इनटू डेंसिटी रखो, है ना, ओके, वैल्यूम होता है क्या, फिर 4/3 πr³ × ρ, ये वैल्यू रखना पड़ती है, ये फार्मूले मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, केप्लर्स का लॉ है बच्चों, 3 लॉ है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, पहला इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और तीसरा जो लॉ है स्क्वेयर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बेटा मैंने अभी अभी ये फार्मूला लिख के दिया था, यही फार्मूले से ये चीजें बनाई बनाई है,
देखो स्क्वेयरिंग बस सेट करो टी स्क्वायर, यहाँ टू का स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर, ये जी एम है, यहाँ पे आर क्यूब है बेटा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। समझ पा रहे बच्चों, यही तो फार्मूला है ना। अब वो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर वन आर टू लिखा है वो बात सही है, ठीक है। चलिए सैटेलाइट रेस्ट हो सरफेस पे तब काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब ये अर्थ है यहाँ सैटेलाइट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम इज द सैटेलाइट का मास है बेटा, आर इज द रेडियस है। तो टोटल एनर्जी दोनों को इकट्ठा करो मिलाओ, तो सर जीरो मिलाने से क्या फायदा, वही तो मिलेगा। और बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के साथ जो रिलेशन है बच्चों वो होता है टोटल एनर्जी ये माइनस वन, समझ पा रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस होता है जी एम एम बाय आर, ठीक है। चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में भी हम लोग ने देखा होगा ऐसा ही फार्मूला, वही फार्मूला जी एम एम वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, आर वन मतलब आर आई इनिशियल और फाइनल बोला है। पोटेंशियल का फार्मूला बेटा जी एम एम डिवाइड बाय आर माइनस में लेकिन, ठीक है। अभी अगर हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यह अर्थ है हमारी और ये सैटेलाइट है बेटा, वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर प्लस एच, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो आपको टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जैसे मिलेगी, बस साइन अपोजिट देखो 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 यहाँ पे, ओके। और वही तो टोटल एनर्जी होती है, बस साइन उल्टा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस है तो प्लस है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगर हमने सोचा इस मार्कर को अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर फेंकना है तो कितनी रफ्तार चाहिए, तो इसको इतने स्पीड से फेंकना पड़ेगा 11.12 है ना, ओके 11.2 सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकोगे तो वो मार्कर वापस नहीं आएगा बेटा, इतनी स्पीड देना पड़ेगी आपको। तो इसके लिए फार्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला था हमारे पास जी एम अपॉन आर, राइट, याद रखने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला, बस टू से मल्टीप्लाई करो क्योंकि बच्चों हमको उसको बाहर डालना है, क्रिटिकल मतलब ऑर्बिटल में घुमाना था, अब ये ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल के देना है तो टू से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये फार्मूला बेटा, वहां पे भी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी को एक शॉर्टकट फार्मूला जी आर लिखा होगा, बस यहाँ टू रखना है अभी क्योंकि टू है, वही फार्मूले बस टू आएगा, बस टू आएगा, देखो हर समय टू आएगा, देखो एक रिलेशन भी दिया है क्रिटिकल और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन है, देखो वही फार्मूला है वी ई, मैं रूट को टू ऐसा लिखूंगा और इसको ऐसा लिखूंगा जी एम अपॉन आर, तो एस्केप वेलोसिटी रूट ऑफ टू ये वी सी होगा, राइट है मेरे बच्चे, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों को ये जो फार्मूले जो बना बना के दिए हैं इसका रिलेशन पता लगेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। रिलेशन देखो, बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी के माइनस होती है, राइट, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी का हमेशा फार्मूला सेम रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो भी होगा जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर प्लस एच, वही बाइंडिंग एनर्जी का था। अगर आपको प्रूफ करके देना है तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वही बाइंडिंग एनर्जी है, राइट है मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है, जी एम एम डिवाइड बाई टू आर प्लस एच, यस ओके समझ में आ रहा है आपको। और काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा निगेटिव ही होगी, अपोजिट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है ओके। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का भी एक रिलेशन बनता है बट ट्वाइस से बनता है और प्लस में है, बाइंडिंग और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन है, देखो पोटेंशियल एनर्जी के तीन रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी के दो रिलेशंस, देखो काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से माइनस, यस। अब पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन कितने, सर तीन रिलेशन बनेंगे, टोटल एनर्जी काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी, हमेशा टू भी फिक्स है बेटा, ये टू टू फिक्स है, एक ही है बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फिक्स है, ये टू टू नंबर। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के साथ
कोई भी एनर्जी का रिलेशन हो वो मल्टीप्लाई टू करना है, खाली साइन में ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का प्लस में, बाकी सभी माइनस में। काइनेटिक और बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, देखो काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी पॉजिटिव देखेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है ना, हमेशा पॉजिटिव रहती है ध्यान रखना, और पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव रहती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो चलो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अभी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग अभी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपांशन, एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक्सपांशन में आप बस एक एक फॉर्मूला याद रखिए, एक्सपांशन में लीनियर एक्सपांशन होता है, एक होता है एरियल एक्सपांशन और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन में अल्फा आता है कोएफिशिएंट, एरियल एक्सपांशन में बीटा आता है। तो आपको फाइनल लेंथ अगर निकालना है कभी, एल फाइनल ये हो जाएगा एल इनिशियल इन ब्रैकेट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल टी टाइम नहीं है, स्मॉल टी टेम्परेचर है। एल फाइनल मतलब फाइनल लेंथ, एल आई इनिशियल लेंथ, अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे लिख रखा है, देन डेल्टा टी मतलब क्या, राइज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके यही आ जाएगा। सेम एरिया के लिए होता है, एरिया फाइनल इज इक्वल्स टू एरिया इनिशियल इन ब्रैकेट वन प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, वेयर यहाँ पर ए एफ एरिया फाइनल, ए आई एरिया इनिशियल, बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चलो देन क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी कह सकते हो, उसमें फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आपको सिंपली मिलता है इनिशियल वॉल्यूम इन ब्रैकेट वन प्लस गामा डेल्टा टी, वेयर गामा मतलब होता है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, गामा मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। देन रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा बहुत फेमस है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय टू होता है और ये गामा बाय थ्री होता है, इसका मतलब बीटा टू टाइम्स होता है अल्फा के, यस, और गामा थ्री टाइम्स होता है अल्फा के। बस ये सिंपल सा इस चीज का मीनिंग है, ये होता है आपका एक्सपांशन वाला। देन अगर किसी बॉडी से अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है तो उसका फॉर्मूला कैसे याद रखे, कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना के ए डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय एल। के मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, देन ए मतलब एरिया, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और स्मॉल टी मतलब होता है टाइम, कितना टाइम लगा। इससे और एक फॉर्मूला आता है, टी को इधर लेके आ जाओ तो रेट ऑफ हीट फ्लो कहते हैं हम लोग इसे, या इसी चीज को हीट करंट भी कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे हीट करंट, इक्वल्स टू हो जाएगा के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लिखा था, इससे आप के भी निकाल सकते हो अगर एल को इधर लेके चले जाओ और बाकी टर्म्स नीचे लेके चला जाओ, जिसे आप लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कहा है। चलो देन हम लोग आते हैं चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट, कैसे याद रखोगे, याद रखना सीपी, सीपी मतलब चार्ल्स में प्रेशर कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ में बीटी याद रखना, बीटी में बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये वी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एज अ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आता कहाँ से भाई ये सब सारा, यही से तो आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, ठीक है। देन प्रेशर लॉ, गे लुसैक्स लॉ कहा जाता है इसे, इसे गे लुसैक्स लॉ जीवी से याद रखिए, जीवी मतलब क्या, गे लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टेम्परेचर। चलो ये आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों को तो पता ही है भाई। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, मान लो मैंने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया कोई भी, उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो उसे कुछ हीट देना पड़ेगा, तो उसे जो भी हीट देना पड़ेगा मुझे उसको मैं कहता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिए फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेयर एम मतलब मास, क्यू मतलब कितना हीट देना पड़ा, डेल्टा टी जितना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, एस मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका फॉर्मूला आता है क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, जो कि यहां पर भी आपको दिख रहा है। देन आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, होता क्या है, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स के लिए लिक्विड्स के लिए बनाया जाता है, गैस को हम लोग मास मेजर नहीं करते, गैस का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मेजर करते, इसलिए उसे आता है मोलर स्पेसिफिक हीट, जो कि होता है CV इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एस वी, वेयर कैपिटल M मतलब मॉलिकुलर वेट होता है ना कि मास, मॉलिकुलर वेट आपको गैसेस का पता होता है, ठीक है। देन
एसवी मतलब प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सेम सीपी का एक फॉर्मूला आता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो होता है एम इंटू एसपी, यहां पर भी सारी चीजें वैसे ही है, बस ये कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला फॉर्मूला है। चलो आ गया, यही फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था। देन आता है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नाम चीज होता है, वैसे ही कोई भी मटेरियल हीट को भी फ्लो करने में रेजिस्ट करता है, हीट को भी फ्लो करने में रेजिस्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, एल डिवाइडेड बाय के ए, यहाँ पे एल को एक्स भी कह सकते हो आप लोग। ये थर्मल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली यूज हो सकता है कहीं पर भी। देन आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब क्या होता है? बॉडी कितने टाइम में कूल हो रही है, अरे कितना टेम्परेचर में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे ही तो हम लोग रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं, और वो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देता है वो। तो dT by dT, कैपिटल T टेम्परेचर, स्मॉल T मतलब टाइम, dT by dT रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब कितने जल्दी कूल होगा, ये जितना ज्यादा उतना जल्दी कूल होगा। C into T minus T naught, where C तो कांस्टेंट है, T minus T naught मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, T मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी और T naught मतलब होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। चलो उम्मीद है ये चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साउंड की वेव्स होती है और इस वेव्स से हम लोग ये ट्रांसवर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ना, ऐसे वेव्स होती है, इसको कहते हैं बेटा वेव्स को लैम्बडा, वेवलेंथ कहते हैं। एक कंप्लीट वेव होने के लिए पीरियड का है, एक्चुअली साउंड वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है यार, ये मैं तो ट्रांसवर वेव्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम दिखाने के लिए, गड़बड़ मत करना इसमें। चलिए इसके भी फार्मूले देखते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर स्पीड का फार्मूला बता सकते मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्चुअल में ये फार्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं वेव की बात करूं बच्चों, तो ये देखो एक वेव है, ट्रांसफर वेव से निकाल रहा हूं, एक डिस्टेंस, एक वेव का डिस्टेंस कितना होगा बेटा लैम्बडा, ये 1/T समझे, लेकिन सबको पता होगा 1/T और ये लैम्बडा जो है बेटा वी इज इक्वल टू 1/T एन को कहते हैं और लैम्बडा लैम्बडा को कहते हैं, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, राइट है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए ध्यान देना बेटा, अगर हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए v1 v2 हो तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज होगी स्पीड चेंज होगी, अगर मीडियम चेंज करोगे तो, आई विल रिपीट, मीडियम चेंज करने से स्पीड बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट, एमसीक्यूज आ सकता है इसके ऊपर, ध्यान देना मैं जो चीजें बता रहा हूँ। चलिए अभी अभी स्पीड का फार्मूला होता बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालना है तो वी इंटू टी होगा, अभी के बताने वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं है, एक इक्वेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत बार, वाई इज इक्वल टू ए साइन बेटा, देखो ये ओमेगा टी प्लस के एक्स ही लिखता हूँ, प्लस माइनस जो भी हमको दिया गया है उसके ऊपर बेट करता है, और इसी को ओमेगा को हम लोग पीरियड का फार्मूला रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा, और के का है बेटा 2π अपॉन लैम्बडा, इसी के आधार पर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, ए साइन देखो 2π को कॉमन निकाल रहा हूँ, स्मॉल टी कैपिटल डी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आता है, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिया देखो, है ना, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन दिया होगा, ऐसे जब ट्रैवल कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा पीरियड, ये तो पता ही है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जैसे कि अपनी न्यूटन्स लॉ लैपलास लॉ पढ़ा होगा, तो के इज द एडियाबेटिक होता है बेटा, के बाय रो, रूट ऑफ के बाय रो, ठीक है। अगर पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो देखना चाहते हैं बेटा, तो पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू, इनके रेशियो को ही गामा कहते हैं, गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों न्यूटन्स लॉ के हिसाब से E इज द इलास्टिसिटी डिवाइड बाय रो होता है, ये मीडियम में सॉलिड और लिक्विड हो तो, अगर हमारे पास गैस हो तो बल्क मॉडुलस लिखा जाता है बच्चा, ये फ्लूइड के बारे में होता है, इसलिए है ना, स्पीड निकालना चाहते हो तो, ये न्यूटन्स ने बताया था, लैपलास ने गामा पी अपॉन रो, गामा पेसिफिक हीट ऑफ गैस बेटा कॉन्स्टेंट, इसी के आधार पर V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एम इज द
मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस है बेटा। इसी से हम लोग स्पीड पे, साउंड की स्पीड पे किसके किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है ना, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेटा रो होता है ना, रो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ये सवाल आता है, टेम्परेचर बढ़ने से साउंड की स्पीड इंक्रीज होती है, बढ़ती है। कितनी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो तो बच्चों 0.61 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, देखो रिलेशन आता है V1 V2 रूट ऑफ T1 बाई T2 टेम्परेचर के साथ, ओके। वही इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT, शायद आपको एडियल गैस इक्वेशन पता हो, तो इसलिए ये P निकल जाता है ना, तो ध्यान रखना इसके ऊपर। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है हाँ डेंसिटी के ऊपर, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो वी मैंने अभी अभी बताया, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही है, ये मॉइस्ट और ये ड्राई एयर है बेटा, तो आपको पता हो डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर जो है ना, मॉइस्ट की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि डेंसिटी की इनवर्सली है, ड्राई एयर की डेंसिटी 1.29 kg/m³ होती है, पता है आपको, तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा मॉइस्ट एयर से, बच्चों को गलत लगेगा ये लेकिन है भाई, ठीक है। अभी डॉफलर इफेक्ट का यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बोलेंगे हम लोग, ये वी प्लस माइनस वी ओ, वो मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला सुनने वाला, और वी माइनस प्लस वी एस इंटू यंग बेटा, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो, राइट है मेरे बच्चे, आप समझ रहे हो, यस इज द साउंड की स्पीड है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर बच्चों ऊपर के साइन इस्तेमाल कर रहे हो, ऊपर की मतलब देखो मैं दिखाता हूं आपको समझ में, वी प्लस वी ओ वी माइनस वी एस इंटू एन, ये है बच्चों यहां पे टूवर्ड ऑब्जर्वर एंड साउंड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। साउंड जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, ट्रेन है, ट्रेन आवाज करती है तो वो होगा सोर्स, और ऑब्जर्वर कौन हो गया बेटा, मैं सुनने वाला हूं, ट्रेन मेरे पास आ रही है और मैं भी ट्रेन के पास जा रहा हूं, तो ये टूवर्ड, तब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आवाज जोर से आएगा, साउंड जोर से आता है। अगर हमने नीचे के साइन इस्तेमाल किए, वी माइनस वी ओ, नीचे के मतलब ये नीचे वाले, वी प्लस वी एस, तो क्या होगा बेटा, ये अवे फ्रॉम ईच अदर है, मतलब ट्रेन जा रही है इस साइड, मैं जा रहा हूं इस साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, क्या होगा साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड बताओ क्या होगी बच्चों, लो होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम। अभी कभी कभी ऑब्जर्वर को जीरो रखो यही कंडीशन में, और सोर्स को जीरो रखो, एक ऐसे ये दो कंडीशन, दोबारा इसके दो कंडीशन, इसके दो, छह और ये सातवां फार्मूला बेटा, ठीक है। अभी ये जो है पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा था वही चीजें है, बस ये आपको दिया गया है, मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की थी, लाउडनेस के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं आता, तो भी यल है ना ये कर सकते हैं, आपको करना है तो। चलो हम लोग अभी देखने वाले 11th के ऑप्टिक्स चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस का, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आता है n=360/θ, वेयर थीटा मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होता है, दो ऑब्जेक्ट और मिरर, दो मिरर्स जो प्लेस किए जाते हैं ना उनके बीच का जो एंगल, मान लो मिरर ऐसे रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होता है तो वो दो मिरर्स के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, कोई भी आप अगर कर्व सरफेस यूज करो, कर्व मिरर मतलब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर यूज करो तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाता है, एफ मतलब फोकल लेंथ होता है r/2। देन मिरर इक्वेशन आपको मिलता है, याद कैसे रखना है, ये 1/f = 1/v और 1/u तो कांस्टेंट है मिरर में भी और लेंस में भी, याद करो लेंस, मान लो कि लेंस लगना नेगेटिव चीज होता है इसलिए उधर नेगेटिव आएगा यहां पॉजिटिव आता है। देन पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f, अगर आप ये f मीटर में पुट करते हो तो आपको पावर डायोप्टर में मिलता है, ठीक है, पावर किस में मिलता है, डायोप्टर में मिलता है आपको ये, और अगर आपको डायोप्टर में ही चाहिए ये सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कभी भी आता है तो याद रखना इमेज की
क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी, ऐसे ही होता है। तो देखो यहां पर मैग्निफिकेशन लीनियर होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा v बाय u। v मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस। u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन फोकल पावर p इक्वल्स टू 1 बाय f, देख चुके हम लोग। देन आता है इंपॉर्टेंट चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है, n से भी डिनोट किया जा सकता है। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो हमेशा वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है, बाकी सारे चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। मतलब ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, बस। या अगर आपको इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है तो इसे उल्टा लिखना पड़ता है, ऊपर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ एक्चुअली होता है म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ओके। देन अगर एयर से आ रहा है ना तो म्यू वन का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। देन आता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, इसका सिंपल सा एग्जांपल, कांच के ग्लास में अगर कॉइन लो, कॉइन अगर बॉटम पे है फिर भी आप अगर ऊपर से देखो तो आपको लगेगा कि कॉइन थोड़ा ऊपर है, तो वो अपेरेंट डेप्थ हो गई आपकी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इसे आप म्यू से भी दिखा सकते हो, एन से भी दिखा सकते हो, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब आता है? क्रिटिकल एंगल आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती है तब ही होता है सिर्फ। देन इसका फॉर्मूला आता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आईसी। आईसी मतलब क्या? क्रिटिकल एंगल। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आपका जो एंगल है आई वो ग्रेटर देन होना चाहिए आईसी से, तभी आपका रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देन आता है थीन लेंस फॉर्मूला, बताया था लेंस में निगेटिव आता है, याद रखना 1 बाय f, f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देन उसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बस सिंप्लीफिकेशन का खेल है। चलो देन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इफेक्टिव फोकल लेंथ। जब भी आप 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस एक साथ जोड़ देते हो तो उनका पावर बढ़ जाता है, पावर ऐड होने लगता है, और पावर फोकल लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोकल लेंथ इनवर्सली होता है 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 लाइक दैट। देन फॉर टू लेंसेज सेपरेटेड इन एयर बाय डिस्टेंस d, मान लो एक लेंस आपका यहां पर था जिसका फोकल लेंथ f1 है, एक लेंथ यहां पर था जिसका फोकल लेंथ f2 है, दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, तो आपका ये फॉर्मूला 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ माइनस d डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2 हो जाएगा। इसे आप पावर के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर हो गया। देन फिर आता है इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्पेरिकल सरफेस, अगर स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो होगा म्यू टू माइनस म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। म्यू वन मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रहा है, म्यू टू मतलब जहां लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूवी आपको पता है, आर मतलब होगा उस स्पेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आता है इन केस ऑफ थीन लेंस। थीन लेंस के केस में लेंस मेकर इक्वेशन नाम से एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है? लेंस मेकर इक्वेशन या लेंस मेकर फॉर्मूला, ये वही चीज दे रहा है। 1 माइनस एफ मतलब क्या होता है लेंस में? 1 माइनस वी बाय 1 माइनस यू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो यहां पे म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस आर 1 बाय 1 माइनस आर 1 माइनस 1 बाय आर 2, वेयर आर 1 एंड आर 2। लेंस में दो सर्फेसेस होते हैं, एक सरफेस का रेडियस R1 कर्वेचर का और दूसरे का R2। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस लेंस के अंदर वाले मटेरियल का जो ग्लास का बना हुआ होता है मोस्टली। देन साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, साइन कन्वेंशंस याद रखना। इसी तरीके से अगर आप इधर कुछ मेजर करते हो तो पॉजिटिव, इधर मेजर करते हो तो निगेटिव, इधर मेजर करते हो तो निगेटिव, इधर मेजर करते हो तो पॉजिटिव, ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करोगे तो निगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन याद रखना जो कि डिस्टेंसेस के लिए होता है। फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कभी भी याद रखना R1 पॉजिटिव होता है और R2 निगेटिव होता है, ठीक है। देन उस केस में वो वैल्यूज इक्वी कॉन्वेक्स मतलब क्या? दोनों लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है,
तो ये वैल्यूज आप उस लेंस मेकर इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको ये चीज मिलता है, ठीक है। फॉर म्यूजी इक्वल्स टू 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.5 या 3/2 भी कह सकते हो आप लोग उसे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखो यहां पे आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, एक सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा एक सरफेस प्लेन रहेगा, ठीक है, बस इतना सही है। इक्वी कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव मतलब क्या, कॉनकेव लेंस में R1 नेगेटिव होता है और R2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था ये याद रखिएगा, R1 पॉजिटिव होता था R2 नेगेटिव होता था कॉन्वेक्स में। ये चीज आपको क्वेश्चंस में परेशान नहीं करना चाहिए इसलिए यह क्लियर कर रहा हूं। देन फॉर प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव मतलब क्या, एक सरफेस प्लेन रहेगा और एक कॉन्केव रहेगा। जो सरफेस प्लेन होता है ना, प्लेन मतलब वर्टिकल लाइन का रेडियस तो इन्फिनिटी होता है इसलिए हम लोग उसका रेडियस ले लेते हैं इन्फिनिटी। चलो ये हो गया आपका लैटरल डिस्पर्शन फॉर ग्लास। लैटरल डिस्पर्शन कितना होगा, वायलेट और रेड लाइट LV माइनस LR, लैटरल डिस्पर्शन ऑफ वायलेट लाइट माइनस लैटरल डिस्पर्शन ऑफ रेड लाइट, इसे हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्पर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं प्रिज्म के लिए। प्रिज्म में क्या होता है, R1 R2 R1, प्रिज्म में ऐसे दो सर्फेसेस होते हैं, लाइट इधर से आ रही होती है, ये नॉर्मल इधर एक रे देन इधर चला जाएगा। भाई ये जो वाला एंगल, इंसिडेंस वाला एंगल, ये R1, ये R2 और ये एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 + R2। देन रिलेशन, ये बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल से ये बाहर निकल रहा है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस होता है प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन का सम। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब रे को ऐसे जाना चाहिए था बट वो डेविएट होकर कितने एंगल डेविएट हो चुका है उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस और वो पिछला वाला ही कैसे ही है, ठीक है, गलती से आ चुका है यहां पर। देन व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तब ई और आई सेम हो जाएंगे क्योंकि डेविएशन मिनिमम है, तो मतलब जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल से बाहर निकलेगा, तो उस केस में ये सारे ए इक्वल्स टू आर प्लस आर हो जाएगा, तो ये 2R हो जाएगा, R हो जाएगा a/2, देन डेल्टा एम निकालना और इजी हो जाएगा, i + i हो जाएगा क्योंकि e भी तो i ही है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना इजी हो जाता है विच इज a + मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन / 2। देन हम लोग आएंगे प्रिज्म फॉर्मूला पर जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सारे टर्म्स बता देता हूं, ऊपर नीचे साइन साइन आएगा याद रखना, नीचे a/2 ऊपर a + delta m/2, नीचे a/2 ऊपर a + delta m/2, a मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा m मतलब मिनिमम डेविएशन, यहां पर भी सेम चीज। थीन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, थीन प्रिज्म मतलब क्या, थीन प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी लेस देन 10 डिग्री, उसे हम लोग थीन प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला याद रखिए, i/r1 = e/r2। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म के लिए बहुत इजी होता है, a (रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो कैसे याद रखें थीन प्रिज्म के लिए, delta = a लिख लीजिएगा एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि लेस देन 10 डिग्री होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 माइनस कर दो, खत्म। देन एंगुलर डिस्पर्शन delta a - delta b, सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगुलर डिस्पर्शन मतलब हम लोग डिफरेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। देन रेड और वायलेट लाइट में एंगुलर डिस्पर्शन कितना होता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a (रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। डिस्पर्सिव पावर क्या चीज होती है, डिस्पर्सिव पावर मतलब होता है एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, इनके रेशियो को हम लोग डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन भी लिखा जा सकता है, delta v - delta r, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है और ये येल्लो का डेविएशन, ठीक है। येल्लो क्यों, वी बिग्योर में येल्लो सेंटर में आता है वो मीन डेविएशन कहलाता है, इसलिए हम लोग दोनों का एवरेज ले लेते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हुए डिस्पर्सिव पावर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहे तो μv - μr / μy - 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसमें भी येल्लो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है। देन कॉन्स्ट्रिजेंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि रेसिप्रोकल होता है डिस्पर्सिव पावर का, बाकी कुछ भी नहीं है, इस पर ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्रोमेटिक एबर्शन। एक्रोमेटिक एबर्शन एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्पर्सिव पावर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ प्लस डिस्पर्सिव पावर दूसरे का डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। देन आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पर।
मैग्नीफाइंग पावर होता है डी इन ब्रैकेट 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी, वेयर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाय एफ आता है, वेयर मिनिमम आता है डी बाय एफ। मैक्सिमम में 1 प्लस करना पड़ता है, मिनिमम में सिर्फ डी बाय एफ लेना पड़ता है, ठीक है। चलो देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होता है एमओ इंटू एमई। एम मतलब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। देन यहाँ पे म्यू नॉट वगैरह सारे टर्म्स आपको पता है। देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वी नॉट प्लस यूई। वीओ मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस वाला। यूई मतलब क्या? आईपीस लेंस वाला, ठीक है। देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? दोनों में भी दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, बट बेटा डिफरेंस ये है दोनों में कि टेलीस्कोप में दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, माइक्रोस्कोप पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ बाई एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। देन लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। चलो तो ये हुआ आपका ऑप्टिक्स चैप्टर 11 का। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गिने चुने कुछ फार्मूले मैं पहले लिख के दे रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, जैसे ग्रेविटेशन है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस है, ग्रेविटेशन में मासेस थे। अगर दो चार्जेस हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दो चार्जेस कैसे है, कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ। एक तो अट्रैक्ट हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल भी हो सकता है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एफ इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, उतना यह करके ही जाना। इतना मैं बहुत कम फार्मूले बताऊंगा जो 12th में काम आएंगे। फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज क्यू नॉट लिखते बस। मुझे बताओ इसको अगर डिवाइड बाय क्यू नॉट करोगे, एक क्यू कम करना है तो कैसे लिखोगे बेटा? यही फार्मूला 1/4 pi epsilon naught, है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस फार्मूले से लाए, एक क्यू को डिवाइड करके। अभी पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। पता है बेटा आपको, वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आर लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई क्यू। चलिए वाला फोर्स का फार्मूला डाल देते हैं 1/4 pi epsilon naught। ये क्यू वन क्यू टू नहीं लिखते, क्यू क्यू लिखते हैं आर स्क्वायर, और ये आर बाई क्यू ओरिजिनल है, एक आर कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल। इसीलिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है मेरे पास 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर। क्या किया बेटा, मुझे ओरिजिनल एक ही फार्मूला याद है 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक सिंपल फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को कम किया, यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज लगा के ये फार्मूला बना दिया। और पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला बना सकता हूँ, कैसे सर? वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बना रहा, देखो पोटेंशियल का फार्मूला मेरे पास 1/4 pi epsilon naught ये क्यू वन, और ये इसको क्यू टू बोलेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय आर। हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। कितना ईजी बच्चों, मुझे बताओ है कि नहीं है? अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब बेटा एक रॉड है इसके ऊपर चार्ज डाले, तो ये फार्मूला बनता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर चार्ज डाले तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। और एक रूम भर के मुझे डालना है वैल्यू में, वैल्यू तो रो कहते हैं चार्ज पर यूनिट वैल्यू। समझ में आ रहा है बेटा? इतने फार्मूले जिनको इस चैप्टर में आएंगे उनको 12th में भी बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, निकालना है तो ये पीडीएफ फाइल आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी, पीजीएमएन ऐप, ठीक है, ओके। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने जो बताया वही फार्मूले 1/4 pi epsilon naught, ये के क्यू डाला है डायलेक्ट्रिकल मीडियम। अब यहाँ से के क्यू हटाया, एयर में है तो वन वैल्यू होती है। अब यही वही फार्मूले बच्चों, बस कुछ लिखने का तरीका है, वो पढ़ना है आपको। देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज वही फार्मूला 1/4 pi epsilon cube r² दिखाया मैंने आपको, पोटेंशियल का 1/4 pi epsilon cube r² है। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल बाकी था। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होते हैं? दो डायपोल है, देखो एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। तो यहाँ पे इधर एक्चुअली निगेटिव लिखते हैं, इधर पॉजिटिव लिखते हैं, कोई टेंशन मतलब। ये जो बच्चों एल है,
यहाँ पे भी एक एल है, समझ रहे हो, ये दोनों के बीच में जो ये है टू एल है, समझ रहे हो, टू एल अंतर है। तो डायपोल निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो होता है बेटा क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। दो अपोजिट और इक्वल चार्ज हो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है बेटा ये गिवन एरिया ई डॉट डी एस, एक्चुअल में ऐसा फार्मूला बट डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, राइट है बेटा, समझ में आ रहा है, ये गॉस लॉ है, ट्वेल्थ में डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं ये गॉस लॉ। हाँ, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स क्या होता है, ये गिवन एरिया मेरा हाथ, ये गिवन एरिया, ठीक है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास हो रही है, आर पार पास होना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना है गिवन एरिया में से, उसको फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों गॉस लॉ क्या है, इनक्लोज कोई एरिया हो उस इनक्लोज एरिया पे कितना चार्ज है टोटल, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, कितना टोटल चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या होता है बच्चों, समझो मेरे पास एक लाइट है, लाइट ने इलेक्ट्रिक लाइंस जो है फोर्स है वो इस मीडियम में डाल रहा है, भैया उसके पास हजार है लेकिन मीडियम ने कितने को पास होने दिया, इसको कहा जाता है बेटा परमिटिविटी, समझ में आ रहा है आपको, वही लॉ है, बस सरफेस एरिया है, यस इज द सरफेस एरिया लगा है, ओके आगे बढ़ते बच्चों, ये ऑलरेडी हुआ है हमारा, ओके ये कुछ नहीं केसेस है, अगर थीटा जीरो रहा कॉस जीरो वन होता है, सभी को पता है फ्लक्स मैक्सिमम होगा, अगर 90 रहा परपेंडिकुलर रहा है ना ये तब मिनिमम होता है ना, तो ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सरफेस एरिया से। चलिए वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें, हाँ टॉर्क का फार्मूला एक पता होना चाहिए, के का, के इज द डायलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम में है और ये फ्री स्पेस में है, या इसी को एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम भी लिखा जा सकता है, ओके आगे बच्चों टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डायपोल रखा बोले, इसमें डायपोल रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव, समझे, ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहता है, ऐसे क्यों, एक्चुअल में बेटा ने क्या, इधर ने क्या, कोई तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज तक जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इसलिए वो ऐसा होना चाहता है, ऐसा होना मतलब रोटेट होना, रोटेशन के टाइम पे टॉर्क लगाते, तो इसका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन होता बेटा, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट हो क्योंकि वेक्टर है ना, तो पी ई साइन थीटा लगाते हैं बेटा, गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको, ओके अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन है, वो है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स लिखते हैं, ऐसे लिखो, हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा शायद, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या E इज इक्वल टू V बाय D मैग्नीट्यूड फॉर्म में, V इज द पोटेंशियल, D इज द डिस्टेंस और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। आगे बढ़ते हैं, जो लीनियर डेंसिटी है, कोई रॉड रहा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे बच्चों ऐसे, है ना, ओके ये होता है लीनियर डेंसिटी, ओके ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये तो फार्मूले हो गए, डबल हो गए ये, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया होता बेटा, एरिया अगर स्फेरिकल हो तो एरिया होता है उसका स्फेरिकल का 4πr². वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है समझ में आ रहा है बच्चों। कूलम्स लॉ ऑलरेडी हमने देखा, ये करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, अगर एक्सियल पे डायपोल हो बेटा और उस एक्सियल पे हम लोगों को किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फार्मूला ये होता बेटा, एक्सियल ये 1/4πε₀, ये 2π/r³, p इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये फार्मूला याद रखना, एक्सिस पे किसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायपोल है जैसे कि ये दो डायपोल है बेटा, एक और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सिस मतलब दो पोल में से लाइन पास होती है, और किसी पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फार्मूला 1/4πε₂π/r³, ओके बेटा। इक्वेटर पे क्या फार्मूला होगा,
यस इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे फार्मूला 1/4πε P/r² L² power 3/2 होगा। तो सेमीकंडक्टर में ना के बराबर फार्मूले करना है तो ओम्स लॉ, ये तो बताने की जरूरत है क्या, वी बाय आर है ना। ये एक और एक फार्मूला होता है NeNH(Ni²), तो ये नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से बेटा, ये नंबर्स ऑफ होल से, और ये नंबर्स ऑफ इंट्रांसिक चार्ज है बेटा, इंट्रांसिक चार्ज। एक फार्मूला याद रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो वी बाय फार्मूला है, वही फार्मूला है डेल वी बाय डेल आई, ये कोई फार्मूले नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर मैंने खत्म किए हैं बच्चों। इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि महाराष्ट्र के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसके लिए हमने बहुत दिन रात मेहनत करके ये फार्मूले इकट्ठा किए। फार्मूले इकट्ठा करने के बाद दे रहे हम लोग आपको, पढ़ाया समझाने की कोशिश की है, अभी थोड़ा फास्ट हुआ मुझे भी पता है, लेकिन ये हर बच्चे के, अगर 2-3 बार वीडियो देखोगे तो महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुँच सकता है। और हमारा मकसद है कि इससे कम से कम फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूले पे 10 क्वेश्चन आ जाए बच्चों, मिनिमम टू मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाए। थोड़ा सा बच्चा ईमानदारी से करता है तो इस फार्मूले का इतना फायदा हो सकता है बेटा, वो 30-40 मार्क तक भी ला सकता है। थोड़े से कैलकुलेशन उसके अच्छे खासे रहो, वैल्यू पुटअप करते आना चाहिए, थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन आना चाहिए, 30 मार्क ले सकता बेटा, 30 मार्क कम नहीं होते। महाराष्ट्र का हर बच्चा 30 मार्क लेगा ना तो मैं इतना बोलूंगा कि उसका अच्छा खासा ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। तो बच्चों मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक करते हैं बाय। ये PDF आपको PGMN ऐप पे एकलव्य ऐसा एक फोल्डर मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल है, वहां पे जाके आप लोग ले सकते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।